आदाब अर्ज़ है, डिपार्टमेंट ऑफ विमेन एजुकेशन, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, अनवेशी सेंटर फॉर वुमेन स्टडीज़ और डिपार्टमेंट ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना के इश्तराक से दो रोज़ा कॉन्फ्रेंस बमौजू ख्वातीन की उर्दू तहरीरें और अदबी सखाफ़तें असरी तनाजुर या असरी मंजरनामा, इस मौजू पर एक रोज़ा सेशंस मुकम्मल हुए, आज दूसरा दिन है। मैं इस कॉन्फ्रेंस की कन्वीनर की हैसियत से आज सुबह ताज़ा दम होकर आप तमाम के सामने हाजिर हूँ और आप तमाम को एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ। जैसा कि कल हमने इफ्तिताही इजलास के बाद से बेहद अहम सेशंस यहाँ मुनक्कद किए और उर्दू के हवाले से ख्वातीन की तहरीरों के मुख्तलिफ रंग हमारे सामने आए, ख़ास तौर पर तारीख़ से लेकर आज का जो मंजरनामा है, 21वीं सदी का जो समाजी तहजीबी या सियासी पस मंज़र है, उसमें ख्वातीन क्या लिख रही हैं, क्या सोच रही हैं और किस तरह से अपने ख्यालात का इजहार कर रही हैं, इसके बहुत से रंग हमें देखने को मिले। आज कॉन्फ्रेंस का दूसरा दिन है और आज का दिन बहुत ख़ास है, इसलिए ख़ास मैं कह रही हूँ कि आज जो सेशंस हैं, इन सेशंस को हमने इसके दायरे और मज़ीद वसी किए हैं, ये देखने के लिए कि उर्दू में ख्वातीन की जो तहरीरें हैं वो किस तरह तर्जुमा होकर दूसरी ज़बानों तक पहुंच रही हैं या किस तरह से डिजिटलाइज हो रही हैं, आर्काइव्स में किस तरह उनका पोजीशन है या किस तरह के मसाइल, किस तरह के इश्यूज़ इनमें आते हैं, ख़ा वो टेक्निकल इश्यूज़ हों, लैंग्वेज इश्यूज़ हों, जेंडर इश्यूज़ हों, ये तमाम पर आज मुख्तलिफ सेशंस में बात होगी। और आज के सेशंस इसलिए भी ज़्यादा मुझे अहम लग रहे हैं कि इसमें हिस्सा लेने वालों में, यूं तो कल भी हमारे दरमियान नहायत उर्दू की बावक़ार शख्सियात मौजूद थी, आज कुछ इनफरादियत इसमें ये है कि इसमें उर्दू के साथ साथ दीगर ज़बानों के रिसर्च स्कॉलर्स, ट्रांसलेटर्स, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, आर्काइव्स के जो माहरीन हैं, ये हिस्सा ले रहे हैं। आज हमारे दरमियान दिल्ली से हुमा खलील साहबा तशरीफ़ लाई हैं और गुजरात से शेफाली झा आई हैं, बेंगलोर से पूर्णिमा हमारे साथ हैं और इनके अलावा शहर से भी बहुत सारे हमारे साथी आ गए हैं और कुछ आने वाले हैं। मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि हैदराबाद की ट्रैफिक का मामला इस कदर बिगड़ गया है और हमारी यूनिवर्सिटी चूँकि शहर से काफ़ी दूर है तो कुछ सफ़र की सहूबतें भी झेलनी पड़ती हैं यहाँ तक पहुँचते पहुँचते। दूसरी वजह ये भी है कि इस वक्त यूनिवर्सिटी में आज एक सा तौर पर 4 प्रोग्राम्स चल रहे हैं, तो ये भी एक मसला है। बहरहाल मसाइल तो होते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि हर दौर में, हर वक्त, हर जगह पर गौर व फिक्र करने वाले बहुत कम लोग होते हैं जो एकजा होते हैं, जो आज हम सब यहाँ हैं। तो मैं आप तमाम का एक बार खैर मकदम करते हुए आज का ये जो सेशन है, ख़ास सेशन, इसके लिए मैं आपका तमाम को खुशामदीद कहती हूँ और इसके जो कन्वीनर हैं डॉक्टर इम्तियाज़ आलम साहब, जिनका ताल्लुक हमारे पास इंस्ट्रक्शनल मीडिया सेंटर से है, इसके बारे में मैं चाहूँगी कि एक दो मिनट वो ज़रूर इस सेंटर के कारकर्दगी पर भी वो रोशनी डालें, ताकि हमारे जो ऑडियंस हैं उनको भी पता चले कि हमारा न सिर्फ एकेडमिक्स एंड रिसर्च में है बल्कि हम किस तरह से दूसरी एक्टिविटीज़ भी कर रहे हैं। तो मैं डॉक्टर इम्तियाज़ आलम से ख्वाहिश करती हूँ कि वो आगे की कार्रवाई चलाएँ। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।
अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले मैं आज इस सेशन की चेयरपर्सन मोहतरमा असमा रशीद साहिबा से गुजारिश करता हूँ कि वो शहनशाह पर तशरीफ़ लाएँ। इसके अलावा आज के पेपर प्रेजेंटर और जो हमारे सामने आज मौजूद होंगी, हुमा खलील साहिबा, मोहतरमा हुमा खलील साहिबा, आप भी तशरीफ़ लाएँ। एक बार ज़ोरदार तालियों से इनका खैरबंद कीजिए। ख्वातिन हज़रात, जैसे कि मैडम ने अच्छी खासी तमहीद इस सेशन के सिलसिले में आप तमाम लोगों के सामने पेश की है, मज़ीद ज़्यादा उस पर डिटेल में ना जाके मैं इस सेशन का आगाज़ करने की जस्तजू कर रहा हूँ। ठीक, जैसा कि मैडम ने कहा कि ये सेमिनार ख्वातीन की तहरीरें और सकाफ़तें और उसका आसरी मंजरनामा, उससे मुतालिक ये सेशन है। फिर उसके जिहाद के बारे में मैडम ने बताया कि किस किस जिहाद पर लोगों ने बातें की हैं। ये सेशन खुसूसी तौर पर डिजिटल प्रोस्पेक्टिव में रखा गया है कि उर्दू बहैसियत मजमूई, फिर ख्वातीन उसमें ज़ैली उनवान के साथ तो आएगा ही, उर्दू बहैसियत डिजिटल प्लेटफॉर्म में कहाँ है और उसकी हकीकत कैसी है, वो क्या दूसरी ज़ुबानों के हम पल्ला चल रही है, नहीं चल रही है, इससे इस सिलसिले में इन पर बहुत सारे मसाइल हैं जिन पर हम लोग डिस्कस करेंगे। और हमारे जो पैनल में एक्सपर्ट हैं वो डिजिटल आर्काइव और डिजिटाइजेशन इस सिलसिले में उनकी महारत है, वो तो हमारे और आपके सामने उस पर रोशनी डालेंगे ही। हम लोग कबल इसके कि मैं अपने मीडिया सेंटर के बारे में आप लोगों के सामने कुछ गोश गुजार करूं, उससे पहले मैं कुछ सवालात हैं जो आपके सामने ऐसे ही ऑडियंस आप, ताकि आपका जहन थोड़ा खुले और आप उस चीज़ में सोचना शुरू करें। उर्दू में ज़ख़ीरा अंदोज़ी का मसला बहुत बड़ा है और अभी भी हम लोग बहुत पीछे हैं और उसमें उसको एक्सेप्ट करने की कोई मज़ाक़ा नहीं है। सबसे पहली बात कि एक तो विकिपीडिया है जो हम और आप उससे बखूबी वाकिफ़ हैं कि जिनको भी किसी नए टॉपिक पर जहाँ किताबें मुयसर नहीं होती हैं या किताबें हैं भी तो दूसरी लाइब्रेरी में अवेलेबल हैं, तो उस तक रसाई के लिए हम लोग, हमारे पास जो एक ज़ख़ीरा होना चाहिए था इस पर डिजिटल प्लेटफॉर्म में, वो ज़ख़ीरा हमारे पास जिसको हम लोग विकिपीडिया कहते हैं और शायद उर्दू में उसका कुछ और तर्जुमा भी हुआ है जो एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है क्या तर्जुमा हम लोगों ने विकिपीडिया का किया है। नहीं, वो पाकिस्तान वालों ने दूसरा तर्जुमा भी किया है, आलमी से कुछ नाम है वो है। और दूसरी बात, जो सबसे ज़्यादा जो UN के तरफ से ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और ये यूनाइटेड नेशन में 2012 में ये पास हुआ कि जो इल्म का फ़रोग तभी मुमकिन है जब आप सारी चीज़ों को ओपन रखें। तो ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज जिसको आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं, आप उसको रिसर्च के तौर पर उसका हवाला भी दे सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं, लेकिन अगर आप इल्म के फ़रोग के लिए कर रहे हैं, लेकिन ईमानदारी की बात होती ये होती है जो लोग अच्छे स्कॉलर्स होते हैं जहाँ से जो चीज़ें लेते हैं वो चीज़ें उसको अख्ज़ करते हैं तो उसका हवाला भी देते हैं। लेकिन यूनाइटेड नेशन की तरफ से 2012 में ये रेजोल्यूशन पास हुआ कि ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज होना चाहिए जिसको कोई भी आदमी इस्तेमाल कर सकता है, उससे इल्म का फ़रोग ही होगा। ये कॉन्सेप्ट अभी तक उर्दू में नहीं आया। एक मरतबा मुझे जो है एक उर्दू का असरी मंजरनामा डिजिटाइजेशन पर हुआ था दरभंगा से, तो मैं ऑनलाइन यहाँ से उस वक्त जुड़ा था, तो मैंने ये चीज़ें बोली और उस वक्त लोगों को लगा कि ये तो बिल्कुल सही बात है कि हम लोगों ने इस पर कोई सोचा नहीं, अभी तक नहीं सोचा। और ऐसे ही लगत साजी का मसला, जैसे अभी तो रेख्ता की चीज़ें हैं तो रेख्ता ने बहुत बहुत कोशिश की है कि लगत साजी हो रही है और उसमें अल्फाज के मानी भी दिए जाते हैं, लेकिन और भी बहुत सारे कुछ करने की ज़रूरत है जो ये तो प्राइवेट अदारा है लेकिन गवर्नमेंट की सतह तक पर भी होने की ज़रूरत है। इस सिलसिले में हम लोगों ने भी शुरुआत की है,
अलग से बताने से बताया, मैं सोच रहा हूँ कि हम लोगों ने भी एक अल्फाज एक दिन वर्ड ऑफ द डे पोइट ऑफ द डे के नाम से अपने उर्दू आईएमसी मानू यूट्यूब चैनल है जिसके तकरीबन 1 लाख के करीब उसके सब्सक्राइबर होने वाले हैं, वो सब के सब हम लोग अल्फाज उसमें डालते हैं पोइट ऑफ द डे वर्ड ऑफ द डे, और उसकी बहुत पजीराई हो रही है, लोग उसको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, और थोड़ा सा हम लोग रेख्ता से उसको हम लोगों ने अलग किया है, उसका उर्दू भी मीनिंग दे रहे हैं और उसका इंग्लिश भी मीनिंग दे रहे हैं, और हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि अब उसका तलफ़ुज़ भी, इंग्लिश का तलफ़ुज़ भी और उर्दू का तलफ़ुज़ भी हम लोग उसमें उसकी शुरुआत हम लोग करने वाले हैं। और जहाँ तक रही बात ओआर की बात, तो ये इस सिलसिले में हम लोग उर्दू जो हमारे जो ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब हैं उनकी रिजवान साहब से बात हुई, बहुत डिस्कस हुआ, उस सिलसिले में हम लोगों की कोशिश जारी है कि जो भी हमारा अवेलेबल है किताबों के का, तो हम लोगों को अभी इल्म नहीं है, बहुत ज़्यादा किताबें हम लोग नहीं डाल पा रहे हैं, लेकिन जो भी रिसोर्सेज हमारे ऑडियो विजुअल फॉर्मेट में हैं उसको ओआर में हम लोगों ने डाला है, उसमें हमारे पास कोई भी हिंदुस्तान का दुनिया का कोई भी आदमी उसको एक्सेस कर सकता है और उसको देख सकता है, उसमें हम लोगों ने इन्वॉल्वमेंट की ना कोई शर्त नहीं है, किसी चीज़ की शर्त नहीं है, तो ओआर में हमारी मानू की एक पेशकश ये है। और कुछ जैसे हम बता रहे कि ई कंटेंट उर्दू का सबसे बड़ा मसला है। ई कंटेंट पहले हम लोग सिर्फ ऑडियो विजुअल फॉर्मेट करते थे, ऑडियो विजुअल फॉर्मेट का मैं ये था कि जो SLM डिस्टेंस एजुकेशन, पहले कॉन्सेप्ट ये था कि डिस्टेंस एजुकेशन मतलब फासलाती तालीम को स्ट्रेंथन करने के लिए ऑडियो विजुअल फॉर्मेट में चीज़ों को डाला जाता था, जिसमें सिर्फ एक लेक्चर फॉर्मेट में दिए जाते थे चीज़ दी जाती थी, या अगर वो रेडियो के तौर पर होता था तो रेडियो के असबाक होते थे। लेकिन अभी पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट चेंज हो गया, ऑडियो विजुअल फॉर्मेट उस तरह से अब नहीं बोला जाता, अब ई कंटेंट बोला जाता है। ई कंटेंट जो है 4 क्वाड्रेंट पे मुश्तमिल होता है। मानू अल्लाह के फजल से ये ई कंटेंट में बिल्कुल बहुत आगे किया है, और हम लोगों का बाज़ाब्ता ई कंटेंट का एक वेबसाइट है, और उस वेबसाइट के ज़रिए से उसमें हम लोग एक चीज़ में अभी कमी है जिसको हम लोग मैं बाद में बताऊंगा। 3 कंटेंट हम लोग पेश कर रहे हैं, हम लोग ऑडियो भी दे रहे हैं, हम लोग वीडियो भी दे रहे हैं, हम लोग टेक्स्ट भी दे रहे हैं, उसमें एक चीज़ की कमी अभी ये हम लोग उसको पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये कि अभी उसमें क्वेश्चन आंसर और उसको मुतालिका रिसोर्स पर्सन के साथ उसको जोड़ना और उसके उन सवालों के जवाब देना, और अगर कुछ कमी बेशी एक स्टूडेंट को समझने में परेशानी हो रही है तो उसको हमारे रिसोर्स पर्सन के साथ लिंक करना, वो अभी हमारा उस पर हमारा हम लोगों का काम चल रहा है, इंशाल्लाह हम लोग उस पर भी अबूर हासिल कर लेंगे। तो अब ये हमारे कुछ हमारी कुछ काविशें हैं, हमारी कुछ कोशिशें हैं जो हम लोग हमारे उर्दू के लिए हम लोग कर रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि जो हमारे आज के रिसोर्स पर्सन है इस सिलसिले में बहुत भी आपके सामने बहुत सारी चीज़ें गोश गुजार करेंगी। जैसा कि आप लोगों ने देखा है आज की जो रिसोर्स पर्सन है, रिसोर्स पर्सन से पहले मैं चेयरपर्सन साहिबा का तारुफ आपके सामने करूँ। मोहतरमा असमा रशीद साहिबा, कल से आप लोग इनको सुन रहे हैं, ये बहुत ही मुतहरिक एक ट्रांसलेटर हैं, मुसन्निफा हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत ही सामाजिक कारकुन हैं, मुतहरिक सामाजिक कारकुन हैं, तो आज के इस सेशन को चेयर करेंगी। और दूसरी जो आज पेपर प्रेजेंटर हैं वो मोहतरमा हुमा खलील साहिबा हैं। उनका बायोडाटा जब मैडम ने भेजा तो मैंने देखा कि ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक मुसन्निफा हैं, स्क्रिप्ट राइटर हैं, और बेहतरीन ट्रांसलेटर हैं, और उससे बढ़कर एक सामाजिक कारकुन हैं जो ख्वातीन के लिए समाजी इश्यूज़ पर काम करती हैं। उन्होंने वो रेख्ता जो हिंदुस्तान का क्या दुनिया का सबसे बड़ा जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसके एडवाइजरी बोर्ड में हैं। फिल्म साजी भी के अलावा आप जो है 2 मैगज़ीन के एडिटर भी हैं, बज़्म अदब और रोज़ान जो उसका देवनागरी में रेख्ता का की डिजिटल मैगज़ीन है। उसके अलावा आप जो है आपने बहुत सारी मुख्तलिफ फिल्में भी बनाई हैं, जिसमें द एलोर ऑफ अलीगढ़, इसको उन्होंने बहुत ही अच्छे से पिक्चराइज़ किया है, जो एक जर्नी है, जो ट्रिब्यूट है, शायद उनका ताल्लुक भी वहीं से है, तो इस वजह से उन्होंने उसको बहुत ही खूबसूरती से पेश किया है। उसके अलावा आपकी बहुत सारी तर्जमाशुदा किताबें और आर्टिकल्स मुख्तलिफ और मुतादद और बहुत ही प्रेस्टीजियस जो पब्लिकेशंस हैं वहाँ से छपी हैं,
जैसे जिसमें ऑक्सफोर्ड है, उसके बाद रोटलेज है, इस तरह के पब्लिकेशन से किताबें छपना एक फ़ख्र की बात है और इफ्तखार की बात है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सारी चीज़ों को करती हैं, इनका ताल्लुक़ उर्दू ज़ुबान व अदब से बहुत ज़्यादा है। और वो क्यों ना हो कि ये उर्दू के उस खानवादे से ताल्लुक़ रखती हैं जिनका नाम खलीलुर्रहमान आज़मी साहब हैं। बहुत सारे लोग जो उर्दू अदब से ताल्लुक़ रखते हैं वो जानते होंगे कि ये उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक, ये किताब हम लोग पढ़ पढ़ के बड़े हुए और वो एक बोतिका की हैसियत रखती है उस टॉपिक पर, उससे अच्छी किताब अभी तक किसी ने नहीं लिखी। तो एक बार ज़ोरदार ताली से उनका खैर मकदम कीजिए। बिला किसी तमीद के मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि अपना पेपर प्रेजेंट करें। आदाब एंड गुड मॉर्निंग। हमें आप सब से मुलाकात करके यहाँ बहुत अच्छा लगा। जो भी ब्रीफ तारुफ हुआ सबसे, हैदराबाद इज़ माई फेवरेट सिटी। और जब भी कोई बाहर से आता है, हमारा कज़न या कोई रिश्तेदार, और ये फरमाइश करता है कि हिंदुस्तान में एक दो दिन के लिए कहीं जाना है, एक ब्रीफ ट्रिप लगाना है, तो हम हमेशा हैदराबाद ही सजेस्ट करते हैं। और इतनी किताबें हैदराबाद के ऊपर इस चक्कर में उन लोगों को ला ला के यहाँ पर पढ़ चुके हैं कि एक यहाँ के गाइड की बखूबी जिम्मेदारी निभा सकते हैं। तो ये तो एक हैदराबाद में मुझे बहुत अच्छा लगा कि असमा और आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया। तो लेट्स हैव अ ब्रीफ कॉन्वर्जेशन, नाइस कॉन्वर्जेशन विद ऑल ऑफ यू। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। विमेन राइटिंग्स एंड टू एक्सप्लोर थीम्स क्रिएटिवली अराउंड विमेन एंड देयर पास्ट एंड प्रेजेंट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट थीम्स। एंड आई एम ऑलवेज सेलिब्रेटिंग विमेन। और मेरे जितने भी काम हैं, चाहे वो राइटिंग्स हो, एडिटिंग हो, डॉक्यूमेंट्री हो, या फिल्म हो मजाज पे, और जो नेक्स्ट है वो महलका चंदा पे, तो वो सब में कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन ऑफ विमेन ज़रूर इन्वॉल्व है। जैसा कि ये सेशन विमेन उर्दू राइटिंग्स इन मैगज़ीन्स एंड एंथोलॉजीज़ के बारे में है, हम आपसे इसमें कुछ ज़ाती तजुर्बात शेयर करेंगे। उर्दू के दो रिसाले मैं एडिट करती हूँ और अपनी बहुत सी मसरूफियात से इस काम के लिए मुख्तसर ही वक्त निकाल पाती हूँ, लेकिन इन दोनों रिसालों से मेरा एक डीप इमोशनल कनेक्ट है। ये दोनों रिसाले बेसिकली मेरी अम्मी और अब्बा की शुरू करी हुई कोशिशों और शौक़ का नतीजा हैं। असमा और आप सब के इनवाइट पर यहाँ आके मुझे इन मैगज़ीन्स के बारे में बात करना और इनके हवाले से अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना बहुत अच्छा लग रहा है, एंड आई फील डीपली ऑनर्ड। रेख्ता रोज़न, जो कि मेरा कॉन्सेप्ट है जिसे मैं तकरीबन 2 साल से एडिट कर रही हूँ, ये रेख्ता फाउंडेशन का क्वार्टरली मैगज़ीन है। रेख्ता रोज़न सभी अदब के शायकीन के लिए है, इस और इसमें नए और पुराने अदब का एक इम्तिजाज है। दूसरा है बज़्मे अदब मैगज़ीन। इस रिसाले में सिर्फ ख़वातीन कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं, जो कि हमारी अम्मी राशिदा खलील ने 29 साल पहले 1994 में शुरू किया। ये ईयरली मैगज़ीन है, सालनामा है, जिसके पाबंदी से 28 शुमारे आ चुके हैं, एक कोविड की वजह से नहीं शाये हो पाया। क्योंकि ये शुमारे सालनामा हैं तो काफ़ी ज़खीम होते हैं, नॉर्मल मैगज़ीन से ज़्यादा इनकी पेजेस ज़्यादा होते हैं। दो विमेन कॉन्ट्रीब्यूट टू इट्स कॉन्टेंट्स, बट एनी वन कैन इन्जॉय दीज राइटिंग्स बिकॉज दे आर नॉट ओनली विमेन ओरिएंटेड थीम्स। मेरी अम्मी के 2017 में इंतकाल के बाद से बज़्मे अदब में मैं सात साल से एडिट कर रही हूँ। इसकी प्रिंटिंग और पब्लिकेशन की जिम्मेदारी मेरे भाई सलमान खलील देखते हैं और एडिटिंग की हमने ज़िम्मेदारी ली है, और हमारा मकसद ये था कि अम्मी का ये अमल जारी रहना चाहिए। बज़्मे अदब का मकसद औरतों के लिए लिखे अदब को मंजर आम पर लाना है। आज बज़्मे अदब में विमेन राइटर्स की कहानियाँ, शायरी, खाके, तंज़ो मिज़ाह, सफ़रनामे और दीगर मज़ामीन पब्लिश होते हैं, और उसमें से सिलेक्शन भी एक टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी है। ये राइटिंग्स पूरे हिंदुस्तान से और अब कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब, पाकिस्तान और दीगर ममालिक से ख़वातीन अदीब बज़्मे अदब के लिए भेजती हैं। कई बार मर्द हज़रात की काफ़ी प्रेशर इस पर आया कि इसमें अच्छी राइटिंग्स होना चाहिए, चाहे वो किसी की भी हों, लेकिन हम लोगों ने इस चीज़ को एक्सक्लूसिव विमेन ही रखा। बज़्मे अदब और रेख्ता रोज़न की शुरुआत कैसे हुई और इन मैगज़ीन्स के ज़रिए हम किस तरह उर्दू लिटरेचर के बदलते मिजाज का अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये एक दिलचस्प और पर्सनल कहानी है। हमारी अम्मी राशिदा खलील 1950s में शादी होकर जब अलीगढ़ आईं
तो उन्होंने सिर्फ हाई स्कूल तक पढ़ाई करी हुई थी, जैसा कि उस ज़माने का रिवाज था। और इधर हमारे अब्बा खलीलुर रहमान आज़मी, जो कि अपने फ़न के उरूज पर थे, न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरे सब कॉन्टिनेंट्स में अपना मुकाम बना रहे थे, और दीगर मुल्कों में भी लोग उनको जानने लगे थे। हर वक्त शायरों, अदीबों, क्रिएटिव लोगों का जमघटा हमारे घर मौजूद रहता था। हर शाम महफिलें, अदबी बहस व मुबाइसे, मुशायरे, ये एक अलग ही दुनिया हमारे घर में कायम थी। बहुत से लोग हमारे घर को तकिया भी कहते थे। उस ज़माने में जितने लोग आते थे वो कहते थे शाम को तकिए पे जाना है, तो क्योंकि एक वो एक पूरा एक गिरोह जैसा बन गया था लिटरेरी लोगों का। तो घर का नाम था उर्दू बाग, जो कि आज भी इसी नाम से जाना जाता है। और हमारा घर का एड्रेस 50 साल से उर्दू बाग ही है, और हम लोगों को भी अपने घर का नंबर नहीं याद है। जो एड्रेस जो डाक अलीगढ़ शहर में हमारे घर पे आती है, उर्दू बाग नाम हम लोगों का उर्दू बाग सर सैयद नगर के नाम से आती है। तो इस घर में ये उर्दू बाग 1970 में बना, और इस घर में अब्बा ने दो बहुत अहम काम किए। एक, उर्दू की किताबों और रसाइल की लाइब्रेरी बनाई, क्योंकि अब्बा आज़मगढ़ के एक गाँव से आए थे और वहाँ उनके यहाँ आमों का पूरा आमों के बागों से वो घिरे रहते थे, और बेसिकली उनके गांव में पूरा आमों का से ही रिलेटेड सब कुछ होता था। तो जब वो अलीगढ़ शहर आए तो वो अपने आमों के बागों को बहुत मिस करते थे, लेकिन क्योंकि अब्बा में एक जुनूनी जज्बा उर्दू के लिए भी था जो उन्हें अलीगढ़ लेकर आया, यहाँ आके उन्होंने उन आमों के बाग की जगह रिप्लेस किया उर्दू की किताबों का बाग, और उसका नाम रखा उर्दू बाग। अब इस उर्दू बाग के नाम से अभी जस्ट नाउ कुछ दिन पहले, तकरीबन 4 महीने पहले, BBC ने लंदन में एक प्रोग्राम शुरू किया है जिसमें कि वो उर्दू के अदीबों से और शायरों से और बाकी लोगों से, उर्दू से रिलेटेड लोगों से इंटरव्यू लेते हैं BBC में। तो उन्होंने जब ये नाम रखा तो उन्होंने बाकायदा मुझसे इजाज़त ली, ओके ये आपके घर का नाम हम अपने प्रोग्राम का नाम लिख रहे हैं, और उसमें पहला प्रोग्राम मेरा रखा। तो ये उर्दू बाग की ऐसे कहानी है। तो उर्दू बाग में अब्बा ने वो सब किताबें जो कि वो ख़रीदते थे और जो लोग उन्हें अपनी किताबों के लिए रिव्यू लिखने के लिए भेजते थे हिंदुस्तान और पाकिस्तान से, उन सबको जमा किया। और उस ज़माने में जितने भी उर्दू के रिसाले राइज थे, मशहूर जितने रिसाले आते थे हिंदुस्तान से पाकिस्तान से, वो सब किताब रिसाले आना शुरू हुए। हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों मुल्कों से इन मैगज़ीन्स को एंड ऑफ द ईयर पे लेदर बाउंड कराया जाता और किताबों की अलमारी में महफूज कर लिया जाता। ये सिलसिला सालों साल कायम रहा। लोग किताबें महफूज कर लेते हैं लेकिन अक्सर रिसाले रद्दी की नज़र हो जाते हैं। हमारे यहाँ किताबों के साथ साथ मैगज़ीन्स महफूज करने का अमल साल हा साल जारी रहा। अलमारियाँ किताबें किताबों से भरती चली गईं और फर्नीचर से ज़्यादा घर में किताबों की अलमारियाँ अलमारियों से घिर गया। अब्बा अपनी याददाश्त के लिए मशहूर थे। किसी की कहानी, किसकी नज़्म, किसका खाका, किस रिसाले में और किस महीने में शाये हुआ है, उनको ज़ुबानी याद होता और वो एग्जैक्टली उसी जगह से वो रिसाला निकाल लाते। लोग हैरान रह जाते, ये एक गैर मामूली एबिलिटी उनमें थी। रशीद अहमद सिद्दीकी का मुलाजिम सिकंदर, जिसके ऊपर सलमा सिद्दीकी का खाका भी है, सिकंदर नामा, जो कि बहुत मशहूर हुआ उर्दू में, वन ऑफ़ द फाइनेस्ट राइटिंग्स इन उर्दू लिटरेचर, तो ये उन्हीं के उस मुलाजिम के ऊपर है, सिकंदर के ऊपर, जो कि रशीद अहमद सिद्दीकी के घर रहते थे। और हर शाम को उनका ये तरीक़ा था कि रशीद साहब एक पर्चा लिख के भेजते थे जिसके ऊपर कोई ना कोई सवाल होता था कि ये आज़मी साहब ये कहानी कौन से नक़ोश के शुमारे में छपी है, और या फिर ये नज़्म का ये नज़्म कौन से किस साल के उसमें छपी है, किस महीने के निगार में छपी है। और उसके पीछे वो लेके आते थे शाम को वो पर्चा, और उसके पीछे अब्बा इंस्टेंटेनियस वहीं के वहीं जवाब लिख के वापस भेज देते थे। तो वो जो पुर्जे थे दोनों के आपस में एक्सचेंज की, उसकी पूरी फाइल है, और अब हम लोग सोच रहे हैं कि वो किताबी शक्ल में छपवाई जाए, क्योंकि उसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन है रिसालों के हवाले से। तो अब्बा के इंतकाल तक और उसके बाद भी ये मैगज़ीन्स पाबंदी से हमारे घर आते रहे। अब्बा के बाद शुरुआत में शहरयार चचा ने किताब लाइब्रेरी की देखभाल करी और हमारे भाइयों को और हम लोगों को भी तैयार किया कि
कि इसकी ज़िम्मेदारी किस तरीके से निभाएं। शुरू में बहुत सी किताबें और मैगज़ीन्स इधर उधर हुए, लोग पढ़ने के लिए ले जाते थे और वापस नहीं करते थे, इस तरह से बहुत सी किताबें गायब भी हुईं। लेकिन बाद में हम लोगों ने उसमें स्कैनिंग मशीन और प्रिंटर वगैरह लगा के और उसको एक बाकायदा तौर पर लाइब्रेरी बना के रिसर्च स्कॉलर्स के बैठने का वहीं इंतज़ाम कर दिया ताकि लोग वहीं काम करें और किताबें वहीं महफूज रहें। तो इन मैगज़ीन्स में बहुत से मैगज़ीन्स ऐसे हैं जिनकी दूसरी कॉपी हिंदुस्तान और पाकिस्तान में कहीं भी दूसरी मौजूद नहीं है। मैंने वो लेदर बाउंड मैगज़ीन्स अपने अराउंड बचपन से देखे। इन मैगज़ीन्स में बहुत से ट्रेंड्स ऑब्ज़र्व किए, बहुत से राइटर्स जिनकी कोई किताब कभी नहीं पब्लिश हुई होने पाई, उनकी स्टैंड अलोन इनक्रेडिबल राइटिंग्स को जो आज कोई जानता भी नहीं, उन मैगज़ीन्स में मौजूद हैं। कहीं रिवायत की पासदारी है, कहीं बगावत है की जा रही है और नए नए थीम्स और नए नए स्टाइल्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। बगावत के अनासर भी रिवायत ही में पोशीदा हैं। दुनिया की हर ज़ुबान का अदब इसी बात की अक्कासी करता है, जब ज़िंदगी नए इनकलाबात और नए रुझानात से दोचार होती है और पुरानी रविश पर चलते चलते थक जाती है तो इसमें एक खला, एक जमूद पैदा हो जाता है और ख़ुद ब खुद नए मुहर्रिक और नए तजुर्बात अमल में आते हैं और फिर यही नई जिद्दतें एक अरसे के बाद रिवायत की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं और फिर से एक नया इनकलाब मंजर आम पर आता है। ये सिलसिला हमेशा से जारी है और रहेगा। जब हम पुराना अदब जानेंगे तभी ये मुमकिन होगा कि हम नए अदब को की तरफ कैसे आएं, क्या उसमें से लें, पुराने से क्या सेलेक्ट करके हम लें और क्या छोड़ें, ये मुमकिन हो पाएगा। तो इकबाल ने इसी चेंज की तरफ अपने आइकॉनिक शेर में इशारा किया कि सुकून मुहाल है कुदरत के कारखाने में, सबात बस एक तगैर को है ज़माने में। तो फॉर्म और कंटेंट में प्री एंड पोस्ट पार्टीशन डिफरेंस कैन बी क्लियरली सीन इन दीज मैगज़ीन्स। और जब हम इन्हें एक साथ एक के बाद देखते हैं कि ये इस साल का रिसाला है, इसमें ये आया, अगले साल ये चेंज उसके अंदर आ गया, कहानियों में ये चेंज आ गया, शायरी में ये चेंज आ गया, तंज़ो मिज़ाक का भी अंदाज़ बदल गया, तो एक मुकम्मल तस्वीर हमारी हमें अदब के इवॉल्वमेंट की नज़र आती है। ज़ुबान में भी साफ बदलते हुए ट्रेंड्स नज़र आ रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, प्री पार्टीशन अदब में उर्दू में ज़ुबान काफ़ी ऑर्नामेंटल है, ज़्यादा अल्फाज का इस्तेमाल है। पोस्ट पार्टीशन अल्फाज का इकोनॉमिक इस्तेमाल है, मोर फंक्शनल अप्रोच है, ब्रेविटी सिंप्लिसिटी, इसका इंट्रोडक्शन ऑलरेडी उर्दू शायरी में अब हो चुका है। ये एप्टनेस जो है ये पोस्ट इंडिपेंडेंट उर्दू राइटिंग्स में काफ़ी विजिबल है। तब तक उर्दू लिटरेचर और उर्दू शायर जो उर्दू राइटर्स जो थे वो अंग्रेज़ी अदब से और वर्ल्ड लिटरेचर से आशना हो चुके थे। एज़ वी नो, उर्दू वॉज बॉर्न थ्रू इंटरेक्शन ऑफ डाइवर्स हिस्टोरिकल कल्चरल एंड सिविलाइजेशनल एलिमेंट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट एंड दिस इज़ अ पीरियड स्प्रेड ओवर सेंचुरीज। इट अक्वायर्ड अ यूनिक गंगा जमनी कैरेक्टर एज़ वी ऑल नो। जब हम इन रिसालों को देखते हैं तो ये कैरेक्टर कुछ पीरियड के लिए हमें साफ डिसइंटीग्रेट होता नज़र आता है। द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान अडॉप्टिंग उर्दू एज देयर नेशनल लैंग्वेज एडवर्सली अफेक्टेड दिस कैरेक्टर। नॉन मुस्लिम शोरा और अदीब की राइटिंग्स कम होती चली जाती हैं। 1930s से 1960s तक आते आते उनकी तादाद में बहुत कमी आ गई। 1950s से 1960s का ये डिक्लाइनिंग ट्रेंड ही रहा, पिछले 10-15 साल में अपवर्ड और पॉजिटिव ट्रेंड्स नज़र आ रहे हैं। आज बहुत से हिंदू और सिख अदीब उर्दू के शायर और अदीब बेहद अच्छा लिख रहे हैं। स्कूल और कॉलेज में उर्दू ना पढ़कर भी इन्होंने अपने इंडिविजुअल एफर्ट से ज़ुबान को, स्क्रिप्ट को पढ़ लिया है और उसमें काफ़ी उबूर हासिल कर लिया है और उसमें बहुत अच्छा लिख रहे हैं। तो बेसिकली दुनिया की किसी ज़ुबान का किसी मज़हब से जब वास्ता नहीं रहा है तो हिस्टोरिकली ये देखा गया है कि कोई ज़बान किसी मज़हब से कहीं भी पूरी दुनिया में ऐसा नहीं कि कनेक्ट हो, तो फिर उर्दू क्यों इस कम नज़री और पॉलिटिक्स का शिकार हो। तो ये एक थोड़ा पॉजिटिव ट्रेंड है जो अब नज़र आता है हमें उसमें, तो ये एक हमारा फॉरवर्ड ट्रेंड उर्दू में नज़र आ रहा है जो कि बीच में पार्टीशन के बाद और जो हालात कंट्री के और पॉलिटिक्स थी उर्दू वगैरह को लेके उसमें बहुत डिक्लाइन हो गया था। बहुत सी कहानियाँ, नज़में और गज़लें एक बार पब्लिश होके कभी दोबारा मंजर आम पर आई ही नहीं, उनका नामो निशान भी आज कोई नहीं जानता। इन्हें हम इन मैगज़ीन्स में देख सकते हैं। मुझे अपने अब्बा की दो गज़लें ऐसी मिली इन मैगज़ीन्स में जो उनकी किसी किताब में नहीं थी। मैंने उनका कुलियात भी छपवा दी, तब तक भी मुझे नहीं मालूम था कि ये है मौजूद।
बाद में मुझे एक ऐसे ही रैंडम रिसाला देखते हुए, जिसको लिटरली मैंने मैग्नीफाइंग ग्लास से देखा क्योंकि इतनी बारीक राइटिंग्स थी, पेपर भी उसका पाउडर हो रहा था, उसमें वो दो उनकी गज़लें मिली। और अब वो ज़ाहिर कुलियात छप चुकी है, अब सेकेंड एडिशन छपेगा तब उसके अंदर आएंगी, तो वो हम लोगों के पास भी मौजूद नहीं थी। लोग एक इंस्टेंटेनियस लिखते हैं, भेज देते हैं रिसाले को, और वो छप गई चीज़ और फिर दोबारा वो कहीं नहीं आई। तो फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें मुझे उर्दू अदब का इवॉल्वमेंट नज़र आया इन रिसालों में, 1920s से 1950s तक। फिर उसके बाद हमें शायरी, अफसानों, तंज़ो मिज़ा वगैरह में क्या चेंजेस नज़र आते हैं। लिटरली हर दो दिन साल पे कुछ मेजर बदलाव हमें देखने को मिलता है। सबसे बड़ा चेंज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद की उर्दू राइटिंग्स में आता है, जब दुनिया की ज़ुबानें और लिटरेचर ट्रांसलेशंस का दौर शुरू हुआ, और दुनिया की ज़ुबानें और लिटरेचर्स में एक नया किस्म का इनकलाब आ रहा था। इन ट्रांसलेशन से इंस्पायर होकर उर्दू राइटिंग्स में भी ज़बरदस्त बदलाव आया। ये ट्रांसलेशंस भी मैगजीन्स के ज़रिए ही पॉपुलर हुए। इंग्लिश लिटरेचर ने उर्दू राइटर्स को वेरियस नैरेटिव टेक्निक से आशना कराया, जैसे कैरेक्टर डेवलपमेंट, पॉइंट ऑफ व्यू, प्लॉट स्ट्रक्चर वगैरह। उर्दू में इंगेजिंग और सस्पेंसफुल नैरेटिव्स भी वेस्टर्न राइटिंग से आया, जैसे एडगर एलन पो की मोपासा की राइटिंग से इंग्लिश लिटरेचर इंस्पायर हुआ इंगेजिंग और सस्पेंसफुल नैरेटिव्स को डिपिक्ट करने के लिए। इंग्लिश रियलिज्म ने भी इसी तरह उर्दू को इंस्पायर किया। बहुत से मॉडर्न थीम्स जो कि इंग्लिश लिटरेचर में एड्रेस हुए उन, और अर्बन लाइफ से स्पेशली रिलेटेड उन सिमिलर थीम्स को उर्दू राइटिंग्स में तकरीबन थोड़े ही पीरियड के बाद देखा गया। अब हाइकू जैसे है तो जापनीज पोइट्री फॉर्म, बट लेकिन एज़रा पाउंड ने जब उसको इंग्लिश लिटरेचर में वहाँ पर पॉपुलराइज़ किया इंग्लिश लिटरेचर में, तो उससे इंस्पायर होकर मिसरा जदीद और शेर आहंग जैसी चीज़ें उर्दू अदब में आईं, जिससे कि एक ब्रेविटी और सिंप्लिसिटी उर्दू लिटरेचर को मिली। तो बेसिकली कॉन्स्टेंटली उर्दू लिटरेचर वॉज इंस्पायर्ड बाई ग्लोबल लिटरेचर ऑल्सो। तो ये सब अडेप्टेशन जो थे वो डेफिनेटली एक अपने लिंग्विस्टिक स्पेस में और अपने लोकल ट्रेडिशन से ब्लेंड हो रहे थे, वो एग्जैक्टली वही चीज़ें नहीं ले रहे थे, लेकिन उन ख्यालात को लेके अपने यहाँ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। जॉनथन स्विफ्ट, मार्क ट्वेन की राइटिंग से उर्दू में एक सोसाइटी को और पॉलिटिक्स को सटायर करने का एक बेहद निराला अंदाज शुरू हुआ, जो कि सबसे अच्छा तरीका था किसी भी चीज़ को क्रिटिक करने का, कि हम उसमें सटायर और ये ह्यूमर थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दें। तो ये वहाँ से उर्दू राइटिंग्स में हमको देखने के लिए मिलता है। उमराव जान अदा हम देख लें, जो उसमें प्लॉट स्ट्रक्चर और वन फीमेल ड्रिवन कैरेक्टर है, वो भी मिर्ज़ा हादी रुसवा की जो नावल है उसमें 1899 में पहली बार इस तरीके का एकदम स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर और एकदम प्लॉट ड्रिवन स्ट्रक्चर नज़र आया, वो भी वहाँ से डेफिनेटली इंस्पायर्ड था। इसी तरीके से ईदगाह, प्रेमचंद की कहानी, चार्ल्स डिकन्स की जो ये क्या नाम है चाइल्डहुड इनोसेंस और पावर्टी की ऊपर ओलिवर ट्विस्ट की कहानी से इंस्पायर हुई। तो बहुत सारा लिटरेचर जो था, साइकोलॉजिकल पोर्ट्रेयल ये मंटो के यहाँ जो कि जिसमें कि खोल दो जैसी कहानी तश्कील में आई, उस तरीके का एडगर एलन पो का, और वहाँ वेस्टर्न राइटर्स का जो साइकोलॉजिकल हॉरर पोर्ट्रेयल था वो मंटो ने, उससे मंटो बहुत इंस्पायर थे। इसी तरीके से इस्मत चुगताई, जेन ऑस्टन, वर्जीनिया वुल्फ, और ख़ुद बकौल इस्मत चुगताई के बर्नार्ड शॉ की राइटिंग से वो इंस्पायर थी। तो बहुत कुछ लिटरेचर वहाँ से इंस्पायर कर रहा था उर्दू राइटर्स को। तो उर्दू आप देखें तो हिस्टोरिकली हमेशा से बड़ी फिराक दिल रही है, वो रीजनल ज़ुबानों को अपने अंदर अपनाना हो चाहे ग्लोबल लिटरेचर से इंस्पायर होना हो। उर्दू इज़ एन एक्सट्रीमली हम्बल एंड अ टेंजाइल लैंग्वेज, एंड आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द मेजर रीजन्स फॉर इट्स ब्यूटी, फॉर इट्स richness and in vocabulary and literary forms. So it इसने कभी अपने आप को बंद नहीं किया कि यही है बस, हमेशा से उसमें इजाफा होता चला गया। तो और इसी तरीके से जब हमारे यहाँ बहुत सारे अंग्रेज़ हम देखने को मिलते हैं, ऐसे हैं जिनके एक लॉन्ग लिस्ट है नेम्स की जो कि उर्दू से इंस्पायर हुए, वो इतने अच्छे अच्छे उर्दू राइटर्स और शायर बन गए कि उनकी अशार को सुन के और मतलब पढ़ के ये लगता ही नहीं कि ये कोई हिंदुस्तानी नहीं होंगे। और उनकी सर वॉल्टर रैले जो कि अलीगढ़ के में प्रोफेसर थे, जाके ऑक्सफोर्ड सर्कल्स में जब उनकी गुफ्तगू के लिए वो अपनी कॉन्वर्जेशन के लिए इतने ज़्यादा पॉपुलर हुए, तो उनका हमेशा ये कहना था कि जो हाली और सर सैयद के बीच में उर्दू जो उन्होंने सीखी अंग्रेज़ी के साथ साथ, उसी की वजह से उनकी कॉन्वर्जेशन में
इतना ज़्यादा ये लताफत और ज़राफ़त जो आई है वो उसका वजह उर्दू ज़ुबान है। इसी तरीके से जॉर्ज पेशचूर का वाकया हैरत अफज़ा, एक लॉन्ग लिस्ट ऑफ इंग्लिश राइटर्स भी है जो कि उर्दू में जिन्होंने लिखा और उर्दू से वो इंस्पायर हुए। रॉबर्ट गार्डनर असबाख, जिनका नाम उर्दू में सभी लोग जानते हैं, इनका एक शेर है छोटा सा कि जब कहा मैंने कसम खाओ तो बोले हंस के वो, जब कहा मैंने कसम खाओ तो बोले हंस के वो, गर कसम चीज़ है खाने की तो खा ली जाएगी। सो इसी तरीके से एक और शायर हैं जॉर्ज बर्न्स, इनका एक शेर है जो कि काफ़ी गालिब के अंदाज़ में बड़ा लोकली इंस्पायर्ड शेर लगता है कि गैर के साथ अयादत को वो दिलबर आया, गैर के साथ अयादत को वो दिलबर आया, लो मसीहा मलिकुल मौत को लेकर आया। तो ऐसे अंग्रेज़ लोग भी उर्दू से इंस्पायर होके, तो ये एक एक्सचेंज ऑफ थॉट कांस्टेंट चल रहा है। अदब लतीफ़, नकूश, फ़नून, अफकार, सवेरा, निगार, इस तरीके की मैगज़ीन्स में इतना ज़्यादा रिचनेस है कि हम को उसको उस अब वो मैगज़ीन्स बंद भी हो गए हैं लेकिन हमें उनको कांस्टेंट रेफ़र करना चाहिए। तो इसी रेफरेंस को कैसे अब कोई पढ़ेगा, किताबें के पेपर्स पुराने हो चुके हैं, अखबार राइटिंग्स बहुत बारीक हो चुकी हैं, तो उसमें से बहुत कुछ सेलेक्टेड लिटरेचर जो है वो मैंने लिया है रिख्ता रोज़न में, और उसमें ये कॉन्सेप्ट रखा है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 1930s से 1990s तक आते आते कहानियों के सेक्शन में एक 1930s की कहानी है, एक 50s की है, फिर एक 70s की है, फिर एक आज की कहानी है। इसी तरीके से शायरी में, इसी तरीके से तंज़ो मिज़ाह में, हर सेक्शन में एक इवॉल्वमेंट दिखाई देता है, और जब हम उसे एक ही के साथ, एक रिसाला, एक किताब हमारे सामने है और हम इकट्ठा पढ़ रहे हैं, ये इस साल की कहानी है, 15 साल बाद ये आई, फिर उसके 20 साल बाद ये आ गई, फिर अभी की ये है, तो एक पूरा हमको मंजरनामा लिटरेचर का सामने एक ही साथ दिखाई देता है। तो इस तरीके का कोई और मैगज़ीन उर्दू में नहीं था जिसमें पुरानी राइटिंग्स को भी दोबारा से उजागर किया जाए और साथ में नई राइटिंग्स के। तो इस कॉन्सेप्ट से मैंने अपने ही घर की लाइब्रेरी से ये रिख्ता रोज़न का कॉन्सेप्ट शुरू किया। तो ये हमारे उर्दू बाग की लाइब्रेरी के पुराने मैगज़ीन से रिख्ता रोज़न का कॉन्सेप्ट हमने डेवलप किया, और उर्दू में इस तरीके का, जैसे मैंने कहा कि कोई दूसरा मैगज़ीन नहीं है। कुछ राइटिंग्स को मैग्नीफाइंग ग्लास से भी पढ़ना पड़ता है, और 2-3 लोगों की हमारी टीम है जो हमें हेल्प करती है इसमें से राइटिंग्स को चूज़ करने में, क्योंकि अब वो मुमकिन नहीं है कि आज के ज़माना इवन हम लोग इस चश्मे से भी उन राइटिंग्स को पढ़ पाएँ, इतनी बारीक हैं, आधी मिट चुकी हैं और पेपर्स उनके बिल्कुल बेकार हो रहे हैं। तो इन सब किताबों को मैंने, इन सारे मैगज़ीन्स को ऑनलाइन भी मैंने कर दिया है, तो उसके अंदर कुछ थोड़ी सी आसानी होती है कि उसको इनलार्ज करके थोड़ा बहुत उसमें से पढ़ा जा सकता है। बज़्मे अदब दूसरी चीज़ अब्बा ने जो हमारी घर में बनाई वो हमारी अम्मी के लिए एक स्टडी रूम था, जो कि उस ज़माने का एक नॉवल कॉन्सेप्ट था, ख़ास तौर पे ऐसी खातून के लिए जो कि ना तो किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थी और ना ही बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी उस ज़माने में, बल्कि घरेलू खातून थी। इस स्टडी में कुर्सी मेज़ लगाई गई और ये कहा गया कि अम्मी का स्टडी रूम है, और उनको कॉन्स्टेंटली अब्बा इंस्पायर करते रहे कि वो बी ए एम ए अलीगढ़ आके कर लें और उसके बाद कुछ अपना पढ़ाई जारी रखें। अम्मी ने उनके कहने पे अमल किया, उनके इनक्रेज करने पे अलीगढ़ आके उन्होंने प्राइवेटली एमए किया, बीए किया, फिर एमए किया, और मुस्तकिल ये सिलसिला लिखाई पढ़ाई का एक तरीके से अब्बा के साथ साथ शुरू हुआ। 4 बच्चों के होते हुए फिर मेहमानदारियाँ और हम सब, अम्मी सिर्फ किचन और स्वेटर्स में ही ज़्यादा वक्त, स्वेटर्स बुनने में ही ज़्यादा वक्त वैसे इस्तेमाल करती थी, इतना ज़्यादा उस स्टडी रूम का इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन उनके दिमाग में हमेशा ये रहता था कि अब्बा ने उनके लिए ये एक ख़ास कमरा बनाया है जिसमें कि वो कुछ लिखें, पढ़ें और इस तरीके की चीज़ें करें। तो अब्बा की का इंतकाल 49 ईयर्स की एज में हो गया, आफ्टर स्ट्रगलिंग विद ब्लड कैंसर फॉर 4 ईयर्स। अब्बा के इंतकाल के वक्त अम्मी पूरे 40 साल की भी नहीं थी। एक बड़ा खला पैदा हो गया अम्मी की ज़िंदगी में। उस वक्त 1978 में अलीगढ़ में एक छोटी सी अंजुमन बज़्म अदब के नाम से जारी थी। सैयदा फरहत साहिबा जो कि एक शायरा थी वो उसकी बानी थी। 1965 से उन्होंने एक छोटी सी अंजुमन जो कि लिखने पढ़ने की एक लाइक अ बुक क्लब ऑफ सॉर्ट्स, एक लिटरेरी एक्सचेंज काइंड ऑफ क्लब उन्होंने बनाया हुआ था, जिसमें उन्होंने अम्मी को इसरार करके इंक्लूड कर लिया और वहाँ उनको सेक्रेटरी की जिम्मेदारी दे दी। सैयदा आंटी का कुछ ही सालों में इंतकाल हो गया और अम्मी ने बज़्म अदब की पूरी जिम्मेदारी ले ली। उन्होंने उसको जारी रखा और पाबंदी से नशिस्तें लोगों के घर पे होती रहीं। बज़्म अदब बेसिकली एक उर्दू लिटरेचर क्लब बन गया। इसमें 2-4 राइटर्स को छोड़ के सभी ऑडियंस थे। ये सब घरेलू ख़वातीन थीं
जो कि 2-3 लोगों की कहानियाँ, गज़लें, नज़में सुनने के लिए हर महीने पाबंदी से, शौक़ से मैं इन बज़्म अदब की महफ़िलों में शिरकत करती थी, जो कि हर महीने मुनाक़िद होती थी। इसमें अलीगढ़ शहर में कोई भी बड़ी हस्ती, कोई भी उर्दू का बड़ा राइटर आता तो उसको भी बुलाया जाता, जैसे कि कुरतुल ऐन हैदर इसमें कई बार आईं, इसमत चुगताई आईं, जीलानी बानो आईं, और जो भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान से राइटर, ख़वातीन राइटर्स आती थी उनको एज अ स्पेशल गेस्ट बुलाया जाता था और उनके अराउंड नशिस्त वैसे हर महीने होती ही थी। अम्मी ने सबको मोटिवेट किया कि जितने लोग बज़्म में शरीक हों सभी कुछ लिख कर लाएँ, भले ही कोई सफ़रनामा हो, घरेलू किस्सा हो, कोई परेशान कुन बात हो, कोई मज़ाही वाक़या हो, सबको कलम बंद करें और शेयर करें, जो नहीं लिखेगा वो शरीक भी नहीं होगा। तो फॉर ऑल मेम्बर्स दिस वॉज मेड कम्पल्सरी, हर महीने नहीं तो साल में कम से कम 3-4 राइटिंग्स आपकी अपनी होनी चाहिए अगर आपको बज़्म का मेंबर बनना है। अब जिन मेंबर्स की तादाद तकरीबन 70 हो चुकी थी और उससे और मेंबरशिप क्लोज हो चुकी थी क्योंकि उससे ज़्यादा लोगों के घरों में बैठने की जगह नहीं थी, सब ने इस पर अमल किया और जल्द ही अपनी तख्लीकी सलाहियतों को उभरता हुआ महसूस किया। अब तक सभी के लिए ये एक दिलचस्प मशगला बन चुका था जो कोई भी फॉरगो करना नहीं चाहता था। टी पार्टी, सबसे मुलाकात, खूबसूरत राइटिंग्स का मज़ा लेना, सबको हर महीने बज़्म का बेसब्री से इंतज़ार रहता और अम्मी इसको परफेक्टली ऑर्गेनाइज करती। वहाँ से वापस आके इमीडिएट उसकी रिपोर्ट लिखती, जो कि हर जिसमें कि सारे जिन जिन लोगों ने पढ़ा होता उन सबको एक इनक्रेजिंग तरीके से पूरा उनका तज़िया उनकी राइटिंग्स का किया जाता, जो कि अगले महीने बज़्म की शुरुआत से पहले पिछले महीने का की रिपोर्ट पढ़ी जाती। तो इसमें एक दूसरे को इनक्रेज करना और एक दूसरे से इस्लाह लेने का सिलसिला भी एक क्लोज़ ग्रुप में जारी रहा। औरत के अंदर तमाम तर तख्लीकी क़ुव्वतें कुदरत की तरफ से अतियाँ हैं। माँ बनना, अपने गिरदो पेश को संवार के रखना, घर में मुहैया चीज़ों से खाने बनाना, घर की तंजीम और तरतीब की जिम्मेदारी बखूबी निभाना, तकरीबन हर औरत का वस्फ ख़ास है। तो एक औरत की क्रिएटिव एबिलिटीज़ नेचुरली नर्चर हो रही होती हैं जिसका उसे कभी कभी अंदाज़ा भी नहीं होता। जहाँ एक मर्द को यही एबिलिटीज़ को डेवलप करने के लिए अरसे दराज तक मेहनत करना पड़ती है, औरत वहाँ आसानी से पहुँच सकती है। वो इमेजिनेशन हो, ख्यालात और तसव्वुरात की दुनिया हो, या कि उसका इजहार, बशर्ते कि उसे वक्त, एक स्पेस और एक्सपीरियंसेस इकट्ठा करने की आज़ादी मैसर हो और एक इनक्रेजिंग प्लेटफॉर्म इन लीस्ट थिंग। बहुत सी औरतें अपनी घरेलू और प्रोफेशनल लाइफ की मसरूफियात में कोई किताब नहीं लिख पाती। इन शॉर्टर राइटिंग्स से उनके क्रिएटिव इंस्टिंक्ट्स फुलफ़िल होते रहते हैं और अपनी राइटिंग्स को प्रिंट में देखकर उन्हें बेहद इनक्रेजिंग एक इनक्रेजमेंट और मोटिवेशन भी मिलता है। ये प्रोसेस तकरीबन इंस्टेंटेनियस होता है, जो कि उनको मोटिवेट करता है कि वो आगे भी बड़ी राइटिंग्स को और किताबों की तरफ भी जाएं। मैगजीन्स के लिए लिखने में और पब्लिश होने में बहुत अरसे का वक्फा नहीं होता, ये एक इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन इससे हासिल हो जाता है। जहाँ तक स्पेस का ताल्लुक है, कभी कभी जिन घरों को ख़वातीन सजाती और संवारती हैं सारी उम्र उसमें अपनी एनर्जी कंज्यूम करती हैं, उन घरों में उनके लिए कोई एक स्पेस डेजिग्नेटेड नहीं होता जिसमें वो सुकून से कोई क्रिएटिव काम कर सकें। तो वर्जीनिया वुल्फ में 1929 में अपने एसे अ रूम ऑफ वंस ओन में यही बात असर्ट करी कि अ वुमन मस्ट हैव मनी एंड अ रूम ऑफ हर ओन इफ़ शी इज़ टू राइट। कुछ दिन पहले जीनत साजिदा की एसे पर बेस्ड नाज़िया अख्तर की किताब बीबीज़ रूम भी इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। हमारे घर में अम्मीज़ स्टडी रूम बज़्म अदब की महफ़िलों का ठिकाना बन गया। बाद में और भी मेंबर्स ने अपने घर से मुनाक़िद करना शुरू किया, लेकिन वैसे तो ये एक महज कमरा था, लेकिन ये एक उनकी इंस्पिरेशन का बायस बना। ये एक स्पेस था उनका, एक क्रिएटिव स्पेस था जो उन्हें अब्बा, जिसमें उन्हें लगा कि अब्बा उन्हें हमेशा इंस्पायर करते रहते उनके यहाँ ना होने के बावजूद भी। अब वही ख़वातीन जो कि ऑडियंस थी खुद लिखने लगी और हर महीने ये शेयरिंग ऑफ राइटिंग्स अमंगस्ट वेमेन और उसका इनक्रेजिंग रिस्पॉन्स उन्हें मिलता रहा। कुछ लोग उसमें से बहुत अच्छा लिखने लगे। ओवर ईयर्स दीज राइटिंग्स अम्मी ने कलेक्ट करी और उनको सिलेक्शन किया। अम्मी ने बज़्म अदब मैगज़ीन की शुरुआत की 29 साल पहले ताकि इन राइटिंग्स की रीडेबिलिटी और स्कोप और वाइडर हो सके, बज़्म से आगे बढ़ सके।
हर साल के बेस्ट आर्टिकल्स, स्टोरीज जो कि लोग आपस में शेयर करते थे, सफ़रनामे, तंज़ो मिज़ाह, नज़में, गज़लें, खिराज अकीदत, आर्टिकल्स बेस्ड ऑन रिसर्च, सभी में तबाज़माई होने लगी। बेस्ट ऑफ द ईयर राइटिंग्स बज़्म अदब रिसाले की जीनत बनी। टू सी योर वर्क इन प्रिंट इज़ द बिगेस्ट हाई ऑफ एनी क्रिएटिव ह्यूमन बींग। नाउ दैट वॉज अचीवेबल थ्रू दिस मैगजीन इन दैट स्मॉल टाउन ऑफ अलीगढ़। सो पास्ट 29 ईयर्स, ये 29 साल पुरानी बात है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि अम्मी के 7 साल पहले इंतकाल के बाद बज़्म अदब की जिम्मेदारी मैंने और मेरे भाई ने मिल के ली, और जो कि AMU में स्टैटिस्टिक्स के प्रोफेसर हैं, सलमान खलील उनका नाम है। इन 7 सालों में मैंने कुछ चीज़ें ऑब्ज़र्व करी, मेजर चैलेंजेस टू सेलेक्ट फ्रॉम दीज राइटिंग्स एंड नॉट टू ऑफेंड एनीवन एंड येट पुट माई पॉइंट अक्रॉस। मैंने एडिटोरियल्स में भी इन चीज़ों का जिक्र किया और इनकी वजाहत करी। बेहद अच्छी राइटिंग्स के अलावा कुछ नेगेटिव ट्रेंड्स का जिक्र मैं यहाँ करना चाहूँगी, जो मैंने बज़्म अदब को लेके और भी कुछ रिसालों को लेके, जो उसमें ना सिर्फ औरतें बल्कि मर्द हजरात भी लिख रहे हैं, लेकिन औरतों के ऊपर फोकस करके जो मैंने देखा, जो मेरी ऑब्जर्वेशंस हैं, उनको मैं शेयर करूँगी। तो मजहबी और रिलीजियस रंग विमेन उर्दू राइटर्स में ज़रूरत से ज़्यादा दाखिल हो चुका है। मज़हब अपनी जगह दुरुस्त है, बशर्ते कि वह हुस्न अखलाक के मुनाफी ना हो। खुदा एक इल्मी रवैया नहीं बल्कि एक रूहानी शऊर है। मज़हब महज एक इत्तेफाक है जिसमें हमारा शऊरी रोल नहीं के बराबर है। और सच ये भी है कि मज़हब हमारे सोचने के ढांचे को एक तयशुदा पैकर में ढाल देता है, जो कोई भी प्रोग्रेसिव लिटरेचर के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। दूसरी चीज़, लड़कियों की शादी के मसाइल, पुराने इश्क और माशूकी की दास्तानें। लड़कियों की शादी देर या जल्दी ना होने पे बेस्ड पूरी पूरी कहानियाँ, जबकि अब उसकी फ़िक्र छोड़ के, लड़कियों की शादी या देर से या जल्दी ना हो पाने की फ़िक्र छोड़ के अगर उनकी तालीम और तरबियत करने को अहमियत दें और ऐसी लड़की की अक्कासी करें जो कि इंडिपेंडेंट है, एजुकेटेड है, तो उसकी शादी किसी भी उम्र में हो सकती है, उसको शरीक हयात किसी भी उम्र में मिल सकता है। तो उसके ऊपर इतना फोकस उर्दू राइटिंग्स में मेरे ख्याल से ज़रूरी नहीं है। शादी का इंतज़ार और कज़न्स में मोहब्बत आज के ज़माने में भी, रिश्तों की बातें, माओं को तलकीन कि जल्द अज़ जल्द इनकी शादी कर दो कि इससे पहले इनके ज़ाहरी हुस्न में कोई कमी आए, और इसी किस्म की रिलेटेड कहानियाँ आज भी बहुत से उर्दू राइटर्स की तवज्जो का बायस बनी हुई हैं। मुसलमान सिर्फ मुसलमान घरानों के का ही नक्शा खींच रहे हैं। एक रिफ्रेशिंग चेंज भी आते हैं बीच बीच में, जैसे ज़किया मशदी की नावल मैंने जो पढ़ी पिछले साल, बुला की जाना मैं कौन, बहुत ही अच्छी है, लेकिन यही है कि वो एक नावल की शक्ल में है। जब छोटी कहानियाँ होती हैं तो उसकी रीडेबिलिटी ज़्यादा होती है। छोटी सी कहानी 15 मिनट पर इंसान ने सोचा कि लो मेरे पास वक्त है मैं पढ़ लूँ, तो उसे औरतें ज़्यादा पढ़ती हैं। तो इंस्पिरेशन एक नावल से हासिल करने में और छोटी कहानियाँ, छोटी नज़्म या गज़ल से हासिल करने में एक डिफरेंस है। उससे बहुत थोड़े ही लोग जो कि एक ऑलरेडी इवॉल्व होंगे वो हासिल करेंगे, जो बड़ी राइटिंग्स हैं। लेकिन छोटी राइटिंग्स में डेली कोर्स में हम बहुत ज़्यादा लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं, जो मैगजीन्स में राइटिंग्स होती हैं। तो सफ़रनामों में हज और उम्रा की दास्तानें बहुत ज़्यादा हैं। अदब ने हमेशा ही माशरे को मुतासिर किया है। अलीगढ़ गर्ल्स कॉलेज की जब शुरुआत हुई तो शेख अब्दुल्ला ने ख़ातून नामी रिसाला जारी किया। अरसे दराज तक ख़ास तौर से मुसलमान लड़कियों की को बोर्डिंग स्कूल में भेजने का कॉन्सेप्ट उसी के ज़रिए लोगों में इंस्टिल किया गया, बिफोर अलीगढ़ गर्ल्स कॉलेज केम इनटू बीइंग। जब एक मुआशरा पूरा तैयार हो गया उन राइटिंग्स के ज़रिए कि लड़कियों को भी पढ़ाना चाहिए और उनको अपने घर से दूर भेज के उनको भी एक आज़ादी देने का एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया, तब जाके अलीगढ़ की खुली फ़ज़ा में लड़कियाँ सांस ले पाईं, वो लड़कियाँ जो कि पालकी में बैठती थीं और बुरख़ा पोश थीं। तो मेरे हर इदारे में एक पॉइंट कॉमन होता है कि चलिए अपने कलम के ज़ोर से, अपनी मेहनत से इस प्रोग्रेसिव नुक्ते नज़र को अलमबरदार बनाएं इन राइटिंग्स में, ना कि इस तरीके की चीज़ों को हम हाईलाइट करते चले जाएं। प्री कंसीव्ड नोशंस और ऑब्सोलीट बिलीव्स जो कि प्रोग्रेस के रास्ते को हमवार करने के काबिल ही नहीं हैं, उन्हें कॉन्फॉर्मिटी और सेफ्टी के लिए अपनाना उर्दू राइटिंग्स के ज़खीरे में ना तो कोई इजाफा कर पाएगा
और ना ही हमें एक वर्ल्ड सिटीज़न बनाने में इसका कोई रोल प्ले होगा। दुनिया के सब लिटरेचर के मकसद, ये दुनिया के सब लिटरेचर्स के मकसद के बरक्स हैं। दीज काइंड ऑफ राइटिंग्स विल कम एंड गो विदाउट इम्पैक्टिंग एनीबडी इन अ पॉजिटिव एंड इंटीग्रेटेड वे, एंड इट विल बी अ शेयर वेस्ट ऑफ टाइम। नाउ टू ओवरकम दिस टेंडेंसी अ लॉट ऑफ एक्सपोजर इज रिक्वायर्ड। एक्सपोजर वेदर इट बी अ रियल एक्सपोजर टू डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट सिटीज एंड कंट्रीज, बींग ओपन टू बींग फ्रेंड्स विद पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स, ऑफ डिफरेंट रीजन्स, ऑफ डिफरेंट नेशनैलिटीज। एक तो ये तरीका है हमें एक्सपोजर का। दूसरा तरीका है कि हम वर्ल्ड लिटरेचर का खूब अच्छी तरीके से मुताला कर चुके हों इससे पहले कि हम अपना कुछ लिखना शुरू करें। इस रेस्ट्रिक्टिव रुझान की वजह यह भी है कि बहुत से उर्दू जानने वाले इंग्लिश से बेबहरा हैं। जिस तरह से इंग्लिश और रशियन ट्रांसलेशंस एक ज़माने में उर्दू में एक्सटेंसिवली हुए, अब उर्दू से इंग्लिश में बहुत से ट्रांसलेशंस तो हो रहे हैं, लेकिन उल्टा काम थोड़ा कम हो गया है कि हम इंग्लिश के इंग्लिश से ट्रांसलेशंस उर्दू में पढ़ें, कि रशियन और चाइनीज़ और जापनीज़ लिटरेचर की उर्दू में पढ़ें, जैसे कि एक ज़माने में हुए। अब हम उर्दू से इंग्लिश में तो बहुत कुछ पढ़ते हैं, लेकिन दूसरी ज़ुबानों से उर्दू में लिटरेचर की क्वांटिटी कम हो गई है। तो इसलिए जो उर्दू राइटर है उसको वो एक्सपोजर नहीं मिल पा रहा है अगर वो राइटिंग्स के थ्रू एक्सपोजर लेना चाहता है। उर्दू राइटिंग्स में हम ऐसे ट्रेंड्स के ज़रिए कोई प्रोग्रेसिव ख्यालात की तरफ नहीं जा सकते जो कि कहीं कहीं देखने को मिल रहे हैं। ज़किया मशदी, शहनाज नबी, तरन्नुम रियाज, बहुत सी ऐसी राइटर्स भी हैं, आप सामने बैठी हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि ये जो जिनमें ये ट्रेंड नज़र आ रहा है, लेकिन तादाद कम है। विमेन उर्दू राइटिंग्स को पढ़कर ये भी जाहिर होता है कि औरतों के ज़रिए तख्लीक किए गए अदब में अपना सेल्फ और अपने अंदरून का जज्बा और इजहार शदीद तौर पर महसूस किया जाता है। इनके इजहार ज़ात और अपने होने का एहसास इन राइटिंग्स में प्रोमिनेंट है, और इस पेट्रियार्कल सोसाइटी में औरतें जो बातें खुले लफ्ज़ों में नहीं कह सकती वो इशारे किनायों में कह जाती हैं अपने कैरेक्टर्स के ज़रिए। वो अपने इमेजिनेटिव वर्ल्ड में दूसरे कैरेक्टर्स का सहारा लेकर बड़ी आसानी से अपने जज्बात बयान कर देती हैं। इस रुझान पे एक ज़माने में एतराज़ भी हुआ, ख़ास तौर पे पार्टीशन के वक्त जब सारे अदीब तकसीम के दर्द को अपनी राइटिंग्स में जगह दे रहे थे, तब भी निस्वानी अदब सेल्फ फोकस्ड था। जब मुल्क में फ़िरका वाराना फसादात, ख़ानदानों के बिछड़ने के गम, हिजरतों के दुख, नई हुकूमत, नए हालात का ही जिक्र हर अदीब की तहरीर में घुला हुआ था, उस वक्त निसाई अदब अपनी जहनी उलझनों से ही जूझ रहा था। लेकिन फिर भी ये रिग्रेसिव ट्रेंड नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि सोसाइटी के एक इमोशनल इवॉल्वमेंट का ज़रिया ज़रूर है। ठीक है, उसको भी पता होना चाहिए कि औरत आज कैसे फ़ील करती है इनसाइड, चाहे वो जिस तरीके से भी उसको ज़ाहिर करे। यही अमल कदीम दौर में मर्दों और शर्फा ख़ानदानों के लिए बायस रंजिश भी रहा। जब भी माशरे की कमज़ोरियों और नाइंसाफियों को अदब के ज़रिए खुलकर सामने आया तो नागावारी का बायस बना, ख़ास तौर से निसाई अदब। सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि वेस्टर्न वर्ल्ड में भी निसाई अदब नाशायस्ता फ़िक्रेबाजी का निशाना रहा, इसकी भी वजह यही है। नतीजे के तौर पर अदब में औरतों की नुमाइंदगी मर्दों के मुकाबले में हमेशा से कम रही, और इसी वजह से बहुत सी औरतें अपनी शनाख्त छुपाकर लिखने लगीं, ताकि कम से कम वो लिख पाएंगी, सोसाइटी को वो मैसेज पहुंचा पाएंगी जो वो महसूस करती हैं। यहाँ तक कि कल मुझे रात में मुलाकात हुई जिलानी बानो से, जो कि अब ऑलमोस्ट 90s में हैं, बैठी हुई थी अपने कमरे में, और बिल्कुल ही मतलब मुझे हैरानी उनको देख के हुई कि उनसे ठीक से बैठा भी नहीं जा रहा था, और उनके चारों तरफ किताबें फैली हुई थी और बिल्कुल बारीक किताब मैगज़ीन वो पढ़ रही थी। तो मुझे बताया उनके जो अनवर मुअज़्ज़म साहब हैं, चचा ने मुझे ये बताया कि जब इनकी, मैंने कहा आप लोगों की शादी कैसे हुई, कहने लगे कि ये इन्होंने जब लिखना शुरू किया तो बहुत अरसे तक इन्होंने नाम ही नहीं किसी को बताया था कि ये लिख रही हैं। अचानक किसी ने इनके एक राइटिंग्स को देख लिया और कहा कि इनके तो अब्बा जो हैं वो बहुत सख्त मौलाना हैं, इनकी तो कम्प्लीट राइटिंग्स ख़त्म हो जाएंगी, और ये जो है ये इनको तो मतलब कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए जो कि प्रोग्रेसिव प्लेटफॉर्म हो। तो मखदूम मुहिउद्दीन ने उनको उनकी मुलाकात अनवर इनसे क्या नाम है अनवर मुअज़्ज़म से कराई, और इस तरीके से उनकी शादी हुई और उनको खुला आज़ादी का माहौल मिला जिससे कि वो लिख सके। ये रात की बात है जो कि मैं उनसे
बात कर रही थी चचा से, अब्बा से हमारी उनकी बहुत दोस्ती थी तो मिलने के लिए उनसे गई थी मैं आधे घंटे के लिए। तो इस तरीके का बहुत सालों तक ये रहा कि औरतें इसी वजह से कि वो अपने एटलीस्ट फीलिंग्स को बता पाएंगी चाहे वो नाम ना भी सही हो। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है कि औरत में ये जज्बा था कि चलो वो अपने फीलिंग्स का इजहार करे चाहे उसका नाम भी ना हो, लेकिन वो लोगों को बताए कि दिस इज़ व्हाट अ वुमन फील्स लाइक। तो दिस इज़ अ बिग थिंग दैट वुमन ने हमेशा से अपना नाम ही आगे करने के लिए नहीं बल्कि वो बात का इजहार करने के लिए अपनी राइटिंग्स को आगे किया। तो उर्दू की जिस जैसे कि हम जानते हैं कि इंसानी तारीख वैसे भी आधी लिखी हुई है, यानी तारीख सिर्फ मर्दों की लिखी हुई है, औरतों की तारीख तकरीबन गायब है। जिन ख़वातीन के नाम नज़र आते हैं वो इतनी गैर मामूली थी कि शायद उनके बगैर तारीख का काम नहीं चल सकता था, लिहाजा वो मंजर आम पे आ गई। उर्दू अदब की 7-750 साल की तारीख मुरतब होने में भी यही अवामिल शामिल रहे हैं। हमारे अव्वलीन नावल नगारों में जब डिप्टी नज़ीर अहमद नावल लिख रहे थे तब भी उस ज़माने में ख़वातीन नावल नगार थीं लेकिन हम उनके नाम भी नहीं जानते। प्रेमचंद जब अपनी शाहकार कहानियाँ तख्लीक कर रहे थे तब उस दौर में भी अफसाना नगार ख़वातीन थीं जिनको कोई नहीं जानता। तो इसी तरीके से हमें ये तरक्की पसंद तहरीक ने रशीद जहाँ बेगम, इसमत चुगताई वगैरह नाम दिए, लेकिन इतायदात के अतबार से अगेन दे आर मच लेस। तो दक्कन में भी यही ट्रेंड रहा है, लेकिन दक्कन को एक तकद्दम ये हासिल है कि भाई उर्दू शुरुआत यहाँ से हुई और उसके बाद यहाँ पे राइटर्स जैसे कि लुत्फुन्निसा बेगम एंड महलका चंदा जैसे लोगों ने शुरुआत विमेन राइटिंग्स की यहीं से हुई जिनके पब्लिश दीवान छपे। सो इस इंटरनेट और AI एज में विमेन राइटर्स का डॉक्यूमेंटेशन और डेटा बेहद ज़रूरी है। ये सब प्रिंट के साथ ऑनलाइन भी होना चाहिए। अपने दोनों मैगजीन्स को मैंने ऑनलाइन किया। सब कुछ प्रोग्रेस फ्यूचर में डेटा और डॉक्यूमेंटेशन पर डिपेंड करती है। एक इसका छोटा सा मैं आपको किस्सा सुनाती हूँ जो मेरे साथ तकरीबन 15 दिन पहले, हमारी एक दोस्त हैं जो मेरी हमनाम हैं, हुमा अबदी उनका नाम है और वो डायरेक्टर हैं इंटेल में जो कि सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स कंपनी है अमेरिका में सिलिकॉन वैली में। वो आई हुई थी और एक दिन मेरी उनसे मुलाकात हुई, दिल्ली में मेरे घर पे आई। तो शी इज़ कम्प्लीटली इनटू द AI का जो डेवलपमेंट हुआ है वहाँ से लेके AI के सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट से लेके जो उसमें चैलेंजेस आज आ रहे हैं उसमें वो पूरी तरह फुली इन्वॉल्व हैं। जो तीन लोगों ने AI को बनाया है उनके साथ उनकी रोज़ मीटिंग्स होती हैं और उनके साथ बैठ के ये चीज़ों को चैलेंजेस को देखते हैं कि AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्या चैलेंजेस हैं। फ़ायदे तो बहुत हैं, हम सब जानते हैं कि इट्स लाइक अ ह्यूमन रोबोट, अब हमें इंसानों की शायद कुछ दिन बाद ज़रूरत ही ना पड़े, सब कुछ AI के ज़रिए मेडिकल भी उसी से देख लेंगे और हर चीज़ हम उसमें नज़र हमें आ जाती है, लेकिन उसके चैलेंजेस क्या हैं। तो ये एक रिसर्च चल रही है वहाँ पे, जो तीन लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप करी है और इंटेल के तीन लोग जिसमें एक हुमा है, हुमा अबदी इनका नाम है, तो इनके साथ ये जो मीटिंग्स हो रही हैं तो उसने एक मुझे बड़ी दिलचस्प बात बताई। उसने बताया कि जो सबसे पहला चैलेंज आया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वो ये है कि जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आज के डेट में लोग सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए और ऑब्वियसली इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए लिख रहे हैं, तो जब भी हम कोई डेटा उसके अंदर फीड करते हैं कि हमें ये फलां प्रोफाइल का शख्स चाहिए इस काम के लिए, इस स्पीच के लिए, इस पर्टिकुलर फिल्म बनाने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, तो उसके अंदर जो चॉइसेस आती हैं उसमें पहली चॉइस में हमेशा वाइट मैन की चॉइस आती है और उसके बाद जो चॉइसेस आती हैं सेकंड चॉइस वो मैन चॉइसेस आती हैं, चाहे उसके अंदर उस फील्ड में औरतों ने कितना भी बड़ा काम किया। पहली जो चॉइस देगा वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो देगा वाइट मैन की और दूसरी चॉइस देगा मैन की और औरतों के ऑप्शंस ही बहुत कम आएंगे लास्ट में। तो इसकी वजह क्या है, वो उसने मैंने कहा उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि जो AI है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर है वो भी जो पिकअप इंफॉर्मेशन कर रहा है वो वर्ल्ड डेटा से ही कर रहा है जो उसके अंदर ऑलरेडी फेड इन फीड करा हुआ है। तो बाई डिफ़ॉल्ट जो वाइट मैन हैं उन्होंने, वाइट रेस के जो आदमी हैं उन्होंने अपने आप को हमेशा से हर चीज़ में ज़्यादा सेलिब्रेट किया है और उसका डॉक्यूमेंटेशन पहले से करके रखा है, चाहे वो 50 साल पहले हो चाहे वो 100 साल पहले हो। तो आज की डेट में पहला ऑप्शन उनका आ जाता है, उसके फॉलोड बाय मेन इन जनरल अक्रॉस द वर्ल्ड जिन्होंने अपनी हर चीज़ को डॉक्यूमेंट कर दिया है, जिसको उन्होंने खुद नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने सेलिब्रेट करके ऑलरेडी डॉक्यूमेंट कर दिया है, तो दूसरा ऑप्शन उनका आ जाता है। अब औरतों का क्योंकि रिप्रेजेंटेशन बाद में हुआ,
काफ़ी बीच में एक बैकलॉग आया, सालों साल तक एक बैकलॉग रहा, उस बैकलॉग को पूरा कर पाना, और जो उसके बाद भी चीज़ें हो रही हैं वो इतनी उसके ऊपर उसका डेटा ही नहीं है। तो जाहिर है कि इस इंटरनेट एज में जब हम एक AI जैसा सॉफ्टवेयर भी बायस्ड हो रहा है औरतों की तरफ, तो उसकी वजह ये है कि औरतें जो हैं उनकी चीज़ें पूरी तरीके से उसके ऊपर नहीं है। तो इस चीज़ को कैसे सॉल्व किया जाए, सबसे पहले उसने बताया कि हम लोग को तो कोशिश ये है कि इसको रोका जाए, बिकॉज ये तो एक अगले अगर 10 साल रह गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये चीज़ उसके अंदर से करेक्ट नहीं हुई, तो ये तो जो औरतों की इतने सालों में तरक्की हुई कम्प्लीट तनाजुली की तरफ फिर से लेके चला जाएगा। तो सबसे पहला ये पॉइंट है जो कि वहाँ पे लोग इसको टेक्नोलॉजिकली और क्रिएटिवली सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसको कैसे किया जाए। तो यहाँ पे हम ये देखें कि ये एक बहुत बड़ा मसला है जो कि डेटा डॉक्यूमेंटेशन का है, जो कि हमारा नहीं है उसमें। अब ये जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन इज मच लेस इन दैट डेटा एंड बाय डिफॉल्ट दिस रैंडम पिकिंग मैकेनिज्म इज कम्प्लीटली एट फॉल्ट। सो इवन इन द 21st सेंचुरी दैट बैकलॉग इज हार्ड टू ओवरकम। अब इस बैकलॉग को शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में फिल करने का वाहिद तरीका है कि हम अपनी दूसरी विमेन अचीवर्स को और राइटर्स की कहानियाँ दुनिया को बताएं और उसके ऊपर अच्छी तादाद में हमारी कहानी हमारे बारे में और जितनी भी औरतें जो लिखती हैं उनके बारे में दूसरी औरतें, अपना भी खुद बताओ आपने जो कुछ काम किया उसके ऊपर होना चाहिए, प्लस जो दूसरों का है। औरतें औरतों की सॉलिडारिटी में इस मामले में हमेशा से आगे रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फेमिनिज्म का हम लोग ये करते हैं कि फेमिनिज्म हमें मर्द लोग दें या हमें दूसरे इदारे दें, लेकिन ये फेमिनिज्म कि हम एक दूसरे को इनकरेज करें ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना ये रास्ता उस तरफ ले जाएगा जहाँ एहसास महरूमी और एहसास मजलूमी के साए इस इंटरनेट एज में भी फैले नज़र आएंगे। हम अब अपनी मजलूमियत को भी ग्लोरीफाई करने में एक अजीब सेडिस्टिक ग्लोरीफिकेशन मिलता है, या तो ये रास्ता हम अपनाएं और अपनी इनइक्वालिटी की सैड स्टोरीज दुनिया को सुनाते ही रहें जो सुनाते चले आए हैं। तो फैक्ट ये है कि दुनिया को इस हाईटेक एज में सॉफ्ट पावर रिक्वायर्ड है, जहाँ रेजिलियंस, कॉन्फिडेंस, फिनेस, फोकस और क्रिएटिविटी का काम है, और औरतों में ये क्वालिटीज़ खूब अच्छी तरीके से मौजूद हैं। तो क्योंकि दुनिया के तई एक औरत का जाविय नज़र एक मर्द से बिल्कुल मुख्तलिफ है, यही वजह है कि अदब में भी जिस तरीके से मुआशरे के इन मखसूस पहलुओं को एक औरत जिस तरह उजागर कर सकती है वो किसी मर्द की दस्तरस से बाहर है। तो बर सग़ीर हिंद में तकरीबन 1930 से ख़वातीन उर्दू अदब के मैदान में बराबर तबा आजमाई करती रही हैं, महलका चंदाबाई, लुत्फुन्निसा इम्तियाज़ और मज़ीद नाम हमें इस दौर से पहले के भी मिलते हैं जिनकी बाकायदा शायरी किताबी शक्ल में शाये हुई। फिर कुछ ऐसी ख़वातीन अदीब भी मंजर आम पर आईं जिन्होंने सिनफ नाजुक से मुतालिक तयशुदा ख्यालात की नफ़ी की। उन्होंने अपनी कहानी और शायरी में औरत को नए किरदार में पेश किया। रशीद जहाँ और इसमत चुगताई इस कारवां की सिपहसालार थीं। इसके अलावा अल्ताफ़ फ़ातिमा, जीलानी बानो, बानो कुदसिया, वाजदा तबस्सुम, रज़िया भट्ट, खदीजा मस्तूर, कुरतुल ऐन हैदर वगैरह की तहरीरों में निस्वानी नफ्सियाती बारीकियों को बखूबी महसूस किया जा सकता है। उसके बाद इन हिंदुस्तान के दूसरे अदब में भी हम यही ट्रेंड देखते हैं कि सब में एक प्रोग्रेसिव ट्रेंड है, चाहे हम शायरी में अगर हम देखें उर्दू में तो ये ज़किया मशदी की कहानियाँ हों या जहरा निगाह हों, के फहमीदा रियाज हों, परवीन शाकिर वगैरह की शायरी में कहीं तल्ख और कहीं नरम लहजा इस्तेमाल करके औरत ने अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाना सीख लिया है। मज़हब पर अपनी राय हो या सियासी शऊर, घर में एक बीवी की हैसियत हो के ऑफिस में एक वर्कर की, औरत की तहरीरें साबित कर चुकी हैं कि इश्क व मोहब्बत की दास्तानों, शराब व शबाब और हिजर विसाल से परे भी एक वसी दुनिया है, और इसे देख कर भी अनदेखी दुनिया को इन तहरीरों में दिखाना औरत ने जहरा निगाह हों, के फहमीदा रियाज हों, परवीन शाकिर वगैरह की शायरी में कहीं तल्ख और कहीं नरम लहजा इस्तेमाल करके औरत ने अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाना सीख लिया है। मज़हब पर अपनी राय हो या सियासी शऊर, घर में एक बीवी की हैसियत हो के ऑफिस में एक वर्कर की, औरत की तहरीरें साबित कर चुकी हैं कि इश्क व मोहब्बत की दास्तानों, शराब व शबाब और हिजर विसाल से परे भी एक वसी दुनिया है, और इसे देख कर भी अनदेखी दुनिया को इन तहरीरों में दिखाना औरत ने जहरा निगाह हों, के फहमीदा रियाज हों, परवीन शाकिर वगैरह की शायरी में कहीं तल्ख और कहीं नरम लहजा इस्तेमाल करके औरत ने अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाना सीख लिया है। मज़हब पर अपनी राय हो
या सियासी शऊर, घर में एक बीवी की हैसियत हो के ऑफिस में एक वर्कर की औरत की तहरीरें ये साबित कर चुकी हैं कि इश्क़ मोहब्बत की दास्तानों, शराब व शबाब और हिजर विसाल से परे भी एक वसी दुनिया है और इसे देख कर भी अनदेखी दुनिया को इन तहरीरों में दिखाना औरत ने जहरा निगाह हों के फहमीदा रियाज हों, परवीन शाकिर वगैरह की शायरी में कहीं तल्ख और कहीं नर्म लहजा इस्तेमाल करके औरत ने अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाना सीख लिया है। मज़हब पर अपनी राय हो या सियासी शऊर, घर में एक बीवी की हैसियत हो के ऑफिस में एक वर्कर की औरत की तहरीरें ये साबित कर चुकी हैं कि इश्क़ मोहब्बत की दास्तानों, शराब व शबाब और हिजर विसाल से परे भी एक वसी दुनिया है और इसे देख कर भी अनदेखी दुनिया को इन तहरीरों में दिखाना औरत ने जहरा निगाह हों के फहमीदा रियाज हों, परवीन शाकिर वगैरह की शायरी में कहीं तल्ख और कहीं नर्म लहजा इस्तेमाल करके औरत ने अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाना सीख लिया है। मज़हब पर अपनी राय हो, शऊर, घर में एक बीवी की हैसियत हो के ऑफिस में एक वर्कर की औरत की तहरीरें ये साबित कर चुकी हैं कि इश्क़ मोहब्बत की दास्तानों, शराब व शबाब और हिजर विसाल से परे भी एक वसी दुनिया है और इसे देख कर भी अनदेखी दुनिया को इन तहरीरों में दिखाना औरत ने जहरा निगाह हों के फहमीदा रियाज हों, परवीन शाकिर वगैरह की शायरी में कहीं तल्ख और कहीं नर्म लहजा इस्तेमाल करके औरत ने अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाना सीख लिया है। मज़हब पर अपनी राय हो या सियासी शऊर, घर में एक बीवी की हैसियत हो के ऑफिस में एक वर्कर की औरत की तहरीरें ये साबित कर चुकी हैं कि इश्क़ मोहब्बत की दास्तानों, शराब व शबाब और हिजर विसाल से परे भी एक वसी दुनिया है और इसे देख कर भी अनदेखी दुनिया को इन तहरीरों में दिखाना औरत ने जहरा निगाह हों के फहमीदा रियाज हों, परवीन शाकिर वगैरह की शायरी में कहीं तल्ख और कहीं नर्म लहजा इस्तेमाल करके औरत ने अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाना सीख लिया है। मज़हब पर अपनी राय हो या सियासी शऊर, घर में एक बीवी की हैसियत हो के ऑफिस में एक वर्कर की औरत की तहरीरें ये साबित कर चुकी हैं कि इश्क़ मोहब्बत की दास्तानों, शराब व शबाब और हिजर विसाल से परे भी एक वसी दुनिया है और इसे देख कर भी अनदेखी दुनिया को इन तहरीरों में दिखाना औरत ने जहरा निगाह हों के फहमीदा रियाज हों, परवीन शाकिर वगैरह की शायरी में कहीं तल्ख और कहीं नर्म लहजा इस्तेमाल करके औरत ने अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाना सीख लिया है। मज़हब पर अपनी राय हो या सियासी शऊर, घर में एक बीवी की हैसियत हो के ऑफिस में एक वर्कर की औरत की तहरीरें ये साबित कर चुकी हैं कि इश्क़ मोहब्बत की दास्तानों, शराब व शबाब और हिजर विसाल से परे भी एक वसी दुनिया है और इसे देख कर भी अनदेखी दुनिया को इन तहरीरों में दिखाना औरत ने जहरा निगाह हों के फहमीदा रियाज हों, परवीन शाकिर वगैरह की शायरी में कहीं तल्ख और कहीं नर्म लहजा इस्तेमाल करके औरत ने अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाना सीख लिया है। मज़हब पर अपनी राय हो या सियासी शऊर, घर में एक बीवी की हैसियत हो के ऑफिस में एक वर्कर की औरत की तहरीरें ये साबित कर चुकी हैं कानून, शराब व शबाब और हिजर विसाल से परे भी एक वसी दुनिया है और इसे देख कर भी अनदेखी दुनिया को मैं मैडम से दरख्वास्त करता हूँ कि वो सदारत दी कलमात से नवाजे। आई थिंक हुमा, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, delighted that we could have you here for this session. I was very particular that you would come and speak about how archives are made in Urdu, how this business of collating work, of rescuing it perhaps, or also of composing and constructing an archive is done in Urdu. So you have kept a very good example. मुझे पता नहीं था आप अपने ही घर की लाइब्रेरी से इतना अच्छा एक पिक्चर रखेंगी कि किस तरह जब कुछ काम किया जाता है तो पीछे क्या क्या उसकी ज़िंदगियां होती हैं, जो इंग्लिश में आफ्टर लाइफ भी कहा जाता है। इनफैक्ट जब आप बता रही थी अपने वालदैन के बारे में और कह रही थी किस तरह वो मार्जिन में तभी का तभी लिख देते थे एंड ही वुड सेंड बैक दोज नोट्स about pieces, articles or writings or authors. I was reminded of Derrida's Margins of Philosophy, where he talks about how archives, language is sometimes not fully adequate to the job that which it has to do. Aur jab hum readers ke taur pe padhte hain, we focus on the central concerns of the text, but it is also the margins, the supplementary texts, the notes and jottings and examples which help us understand how thinkers are conceptualizing a field. So wo mera idea mere dimag mein aa raha tha and it was a very interesting things that you laid out for us in terms of how these margins in themselves are now, those notations themselves are the making of an archive for you and your family, that you're constructing this archive. So thank you for those observations.
आपकी अम्मी के बारे में जो आपने बताया और बज़्म अदम के बारे में जो बताया, दैट इज़ आई थिंक अ फुल आर्काइव इन इटसेल्फ। किस तरह ये मैगज़ीन बनी, किस तरह ये शेप हुई, किस तरह इसमें औरतों को इकट्ठा किया और ये आपस में एक दूसरे का कलाम सुनने के लिए जमा हो रही थी और इनको ये कंडीशन रखा गया कि आप लिख के आएंगी साल में कम से कम 4 दफ़ा तो आप मेंबर बन सकेंगी। तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री ऑफ हाउ वेमेन गॉट टुगेदर एंड केम टुगेदर टू सपोर्ट ईच अदर्स वर्क। So thank you for sharing these stories with us. I think इन्हीं छोटी छोटी details और कहानियों से हमें पता चलता है कि किस तरह कोशिशें हुई हैं अपने कलाम को, अपने आपने जो अल्फाज इस्तेमाल किए इंग्लिश में शायद मैं कहूँगी, अपना representation, अपनी subjectivity, अपना नुक्ते नज़र, अपना ख़ुद का नज़रिया compose करने और इनको आगे रखने के लिए, और ये कि वो कमरा एक कमरा बन गया जहाँ से ये सारा काम जारी हो सका। सो देयर आर सो मेनी आइडियाज़ दैट यू हैव शेयर्ड विद अस। दिस बिजनेस ऑफ डेटा डॉक्यूमेंटेशन जो हम भी आज कर रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन में हम बड़े अच्छे से रिकॉर्ड कर रहे हैं, अब हम इसके साथ आगे हम क्या करने वाले हैं इसको हमें सोचना है। बट द आइडिया ऑफ हाउ जब हम इंटरनेट पे गूगल वगैरह में सर्च इंजन्स में कुछ डालते हैं और इन्फॉर्मेशन आती है तो हम ऑटोमेटिकली सोच लेते हैं कि यही एक एक इन्फॉर्मेशन है और ये क्योंकि ये साइंटिफिक है, कोट एंड कोट साइंटिफिक है, ऑब्जेक्टिव है, इसमें कोई इंसानी हाथ नहीं है। लेकिन पता चल रहा है कि इसमें इंसानी हाथ तो कहीं ना कहीं शामिल है क्योंकि इंसानों ने इन्हें बनाया है और हम जानते हैं कि जब हम इंसान कहते हैं इट मीन्स इट हैज़ अ particular gender definitely attached to it. So how do we correct that? How do we make it more inclusive? That people are working and addressing this issue and trying to work with that. I think these are very, very important points that our speaker today has shared with us. I will now open the floor for questions if any. Agar aap Huma se kuch puchna chahein, ek do sawal ke liye hamare paas thoda waqt to hai. Somehow it doesn't get documented as much as the progressive writers movement in other places, and particularly in Urdu. And there were the you were mentioning some people from Dakkan, except for Jilani Bano, who was not part of the progressive movement. Others were, and my mother was. She's one of the authors on whom Bibi's Room was also Najmani Khat. What I wanted to say was progressive writers gave room to anti-religious and what was called progressive because they were part of the Communist Party. And that progressive writers all over the world, including Indonesia and Egypt and Iran, were producing the best literature. And because it was part of the Communist Party, the women were encouraged to write. And there were lots of Muslim women, because Muslims at that time in India were more educated. So it was a lot of Muslim women came forward, Rafia Manzurul Amin and all those people. So what I wanted to say was, because it was a global movement, so global literature got translated into the language of whichever country in which it was there. So Indian literature got translated into Russian and German and others, like Amrita Pritam was part of it. So similarly, we can, I'm very sorry for the death of progressive writers movement, but I just wanted to ask you if there is something you have thought of to have in your magazines
writings of women within India or abroad translated into Urdu, because that would have been the, according to me, the best solution to widening the intellectual range. आपका ये जो आपने बताया ये आपका बहुत अच्छा सजेशन है. एक ट्रांसलेशन तो हर बार हम देते हैं जो कि कोई ना कोई हमें करके देता है, लेकिन एक एक्टिवली इस चीज़ को जो कि ऑलरेडी एक मिसिंग है इसको लेना ज़रूरी है. लेकिन अगेन मैं ये कहूँगी कि खाली उस मैगज़ीन के ज़रिए ये काम मुमकिन नहीं है, बिकॉज़ ये एक सालनामा है. और इवन रिख्ता रोज़न में भी हर साल हर बार हम देते हैं, वो क्वार्टरली मैगज़ीन है, हर तीन महीने पर दो ट्रांसलेशन होते हैं, एक पुराना एक नया, तो उसमें भी हम दे रहे हैं ये. लेकिन उसके बावजूद भी ये इनफ नहीं है कि हम तीन महीने पे दो ट्रांसलेशंस कहानियों के पढ़ लें या हम साल के एंड पे एक ट्रांसलेशंस पढ़ लें. इसमें बहुत कुछ एक्टिव काम होने की ज़रूरत है जो कि बाहर का लिटरेचर जो है वो उर्दू में ट्रांसलेट हो और इसके ऊपर एंथोलॉजीज़ बने. क्योंकि हो क्या रहा है, जैसे कि मैंने अभी पहले भी कहा कि इसका उल्टा काम तो बहुत कुछ हो रहा है कि उर्दू से इंग्लिश में तो बहुत ट्रांसलेट हो रहा है, लेकिन बाहर की राइटिंग्स उर्दू को ट्रांसलेट करने वाले अब कम लोग मौजूद हैं. लेकिन उसके बावजूद जो कुछ भी थोड़े से हैं, हैंडफुल भी हैं अगर, तो वो ये काम को करें और इसको एक्टिवली करना ज़रूरी है. ये बहुत अच्छा आपका वो है एंड डेफिनेटली आई विल टेक दिस अप. आप किस लैंग्वेज में पब्लिश कराना चाहती हैं? उर्दू, दखनी एक्चुअली. हाँ. क्योंकि दखनी को वो जगह नहीं मिली. आदेश आंटी हैं, शीज एन एक्सपर्ट ऑन दैट. दखनी को वो मुकाम नहीं मिला. अब आप जिस जबान में बात कर रही हैं ये बोलचाल की जबान नहीं है. फॉर द डेकेड. तो व्हाट आई वांटेड वाज कि उर्दू के वेदर इट इज इन इन वॉट एवर इज़ द लिटरेरी उर्दू या दखनी हो, तो आई एम अ राइटर हु राइट्स इन इंग्लिश, मगर आई हैव इक्वल फैसिलिटी इन दखनी एंड उर्दू. तो मैं तो कोई पब्लिशर को ढूंढ नहीं. आप रेख्ता बुक्स, अब तो रेख्ता इज द पब्लिशर पूरा. आप भेजिए मुझे एंड आई विल टेक दिस अप. ऑल दैट आई कैन से दैट एंड देन पॉपुलराइज इट थ्रू द वेबसाइट एज वेल. So the instant reaction that I got from my quote-unquote progressive radical left friends was that in Telugu they said, "Aadala meeda em chestavara? Evadana inga manchi teeskovachu kada? Matlab avarko inke writings pe aap kya karoge? Aur better topic lena tha." Two. The other point what I have observed is that even the progressive sections did not recognize women as conscious agents working towards a change of society. Two, I'll give you an example of Durgabai Deshmukh. There is somebody by name Maganti Bapineidu. He authored a wonderful book, Andhra Veeranganalu. Ponaka Kanakamma and many others requested him that women have to write their own histories. So whatever the information you collected, you hand it over to us. But Durgabai intervened and said that since he has already collected it, let him do, but made a public appeal in Andhra Mahila, the journal which Durgabai found, said that keep these women also as the co-editors of the volume, because they were the ones who did history or who made history, and you are the one who is writing their history. So you only have a secondary participation in the making of change. Third most important point is that even today, suppose somebody says, what a fantastic intellectual it is. The image that immediately occurs to our mind is that of a man. That male image of being an intellectual has not been erased, and it is precisely because of that that there is so much of recklessness in terms of documenting women's writings, especially before the transfer of power. सो जी तो मैं आपके इसमें ये बात आपसे ऐड ऑन करना चाहूँगी कि जैसे मैंने कहा ना कि डॉक्यूमेंटेशन एक तो कम हुआ, इतनी देर से हुआ कि बैकलॉग मेजर क्रिएट हुआ. हम अलीगढ़ के रहने वाले हैं और हमारे वहाँ पे अलीगढ़ में नवाब मुजम्मिल हैं जो कि भीकमपुर स्टेट के नवाब थे, जिनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बनने में भी हुआ. उनकी बेटी थी ज़ेख़ेश शर्वानी, जो कि सालों के बाद लोगों को ये पता चला कि कोई खातून लिख रही हैं, और उनके इंतकाल के 19 साल के बाद पहली किताब उनकी छपी.
क्योंकि घर वाले उनकी इजाज़त ही नहीं दे रहे थे कि उनके जो प्रोग्रेसिव ख्यालात हैं उनको अगर छपवा दिया तो घर वालों की ये ऑनर में कमी आएगी। तो इस तरीके के इतने सारे लोग हैं जो कि वेमेन राइटर्स लिख रही थी और उनकी राइटिंग्स इतनी देर देर में छपी और कुछ लोगों ने घर वालों ने मतलब उसमें कोई इंटरेस्ट बाद में नहीं लिया, शुरुआत में उन्होंने खुद नहीं लिया, दूसरी जिम्मेदारियों में पड़ी रही। तो एक जहाँ पे एक तरफ पूरा एक इंसान का एक मर्द का फोकस था अपने करियर और अपनी क्रिएटिविटी को आगे बढ़ाने में, उधर औरत के दूसरे फोकस थे और घर में जो दूसरे लोग थे वो भी इतने कोई खास वो नहीं थे। अब ये सब कुछ चेंज हो गया लेकिन जो बैकलॉग क्रिएट है वो तो है, तो उस बैकलॉग को तो इरेज करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़ेगी। बेहद अच्छी गुफ्तगू हुमा खलील की रही। एक दो बातें, एक तो मैं हैदराबाद के हवाले से ज़रूर कहना चाहूँगी, जो अपने ख्वातीन की तहरीरों को किस तरह से डॉक्यूमेंट किया गया उस सिलसिले से मैं सुग्रा हुमायूं मिर्ज़ा की काविशों को भी यहाँ याद करना चाहूँगी। वो 1919 से अलनिसा निकाला करती थी, बाकायदा उसमें एक ये छपा करता था कि जो खातून एक मज़मून या एक कहानी देगी उसे एक साल के लिए फ्री रसाला दिया जाएगा। ये भी एक तरीक़ेकार था। तो यहाँ हैदराबाद में ख्वातीन को लिखने पर मजबूर करने के लिए या उनको मुतवज्जा करने के लिए बहुत तरीक़े अपनाए गए। एक तो बात ये थी। दूसरी बात, आपने अरोम ऑफ वन्स ओन का जिक्र किया या फिर नाज़िया अख्तर का बीबीज़ रूम की बात की, तो ये जो बीबीज़ रूम का कॉन्सेप्ट है वो जीनत आपा का है। जीनत साजदा ने अपने एक मज़मून में लिखा कि उनके ये अल्फाज दोहरा रही हूँ, थोड़ा सा अल्फाज शायद इधर उधर हो जाएं, कि उन मर्दों का मुंह नोच लो जो ये कहते हैं कि औरत अच्छा लिख नहीं सकती। उन्हें एक कमरा, एक कलम और एक किताब दे दो, फिर देखो कि वो क्या करती हैं। तो ये भी उनका अपना काम। आज जो ये तराजम की या ट्रांसलेशंस की बात आई तो हुमा साहबा ने एक बेहद अहम बात की कि दूसरी ज़बानों में क्या लिखा जा रहा है उसका ट्रांसलेशन उर्दू में कम हो रहा है। ये बेहद अच्छा पॉइंट है। मुझे इस सिलसिले से एक बात ये याद आई कि आलमी उर्दू तराजम एक बेहद अहम प्लेटफॉर्म है जो बहुत सारे लोग शायद जानते हों। ये प्लेटफॉर्म पर उर्दू में दीगर तमाम ज़बानों के अदब का ट्रांसलेशन इतना बेहतरीन हो रहा है और इसमें ख़वातीन की तादाद भी ज़्यादा है। और अच्छी बात यह है कि इंग्लिश में या डिफरेंट कंट्रीज़ में रहने वाली जो ख़वातीन लिख रही हैं उनका ट्रांसलेशन औरतें ही कर रही हैं और ये किताबें पाकिस्तान से बहुत अच्छी छप रही हैं। मेरी एक दोस्त है डॉक्टर साहिबा शाजली, वो न्यूज़ीलैंड में रहती हैं लेकिन उनकी अब तक कितनी किताबें, द ग्लास जार और ये सब इस तरह की जो बहुत अच्छी राइटर्स हैं इनकी उर्दू में तर्जुमा वो की हैं और वो किताबें पाकिस्तान से मुसलसल छप रही हैं। मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि हमें कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हिंदुस्तान में भी क्रिएट करना होगा जहाँ हम ख़वातीन मिलकर इस तरह का काम कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा वो पब्लिश हो सकें। मैं ये आपसे कहना चाहती हूँ। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे दूसरे दिन का बहुत ही सक्सेसफुल स्टार्ट है कि आज ऑडियंस की तरफ से बहुत सारे सवाल आ रहे हैं और तनकीदी भी और सवाल आ रहे हैं इस जो मौजू पे बात हो रही है उस पर सवाल आ रहे हैं। सो बिकॉज ऑफ टाइम वी आर गोइंग टू क्लोज दिस सेशन। थैंक यू हुमा वंस अगेन एंड थैंक यू ऑडियंस। अगरचे कि इस लंच में हैदराबाद की जो तहज़ीब है उस तहज़ीब की निशानी बिरयानी से तवाज़ हुई है, लेकिन मैं समझती हूँ कि इस सेशन में जो सवाल होंगे या जिस तरह का डिस्कशन होगा उस पर बिरयानी असरअंदाज नहीं होगी। मैं इस पैनल की एक शरीककार हमारी एक पैनलिस्ट प्रोफेसर शहनाज नबी साहबा तशरीफ़ लाई हैं, तो मैं उनसे अदबन गुजारिश करती हूं कि वो अपनी नशिस्त संभालें। ज़ोरदार तालियों के साथ उनका इस्तकबाल कीजिए। इस पैनल डिस्कशन की एक और शरीककार हैं हमारी प्रोफेसर सरवत खान साहबा, मैं उनसे भी अदबन मुल्तमिस हूं कि वो शहनशीन पर तशरीफ़ लाएँ। हमारे दरमियान दो काबिले सद एहतराम
इल्म और अदब की बुजुर्ग कहूँगी, उम्र से नहीं। वो हमारे साथ हैं, तो वहीं हमारे साथ इस पैनल में एक नौजवान नस्ल की तर्जुमानी करने वाली एक ऐसी शख्सियत भी हमारे साथ है जो गुजरात से तशरीफ़ लाई हैं। ज़ोरदार तालियों के साथ मैं उनका इस्तकबाल करती हूँ, शेफाली झा। जी, तब तक मैं बात कर लेती जी। ज़ाहिर है हम कल से ये दोनों ख़वातीन, प्रोफेसर शहनाज नबी साहबा को सुना, उनका तारुफ भी सुना, प्रोफेसर सरवत खान साहबा को भी हमने सुना, उनका तारुफ भी सुना, खुद इन दोनों की गुफ्तगु, खुद उनकी उनका तारुफ था। बस शिफाली झा शायद कुछ हमारे स्टूडेंट्स के लिए नहीं हो, बस उनके लिए मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि ये धीरूभाई अंबानी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी गांधीनगर से एसोसिएटेड हैं, वहाँ पढ़ाती हैं, वहाँ की फैकल्टी हैं, गुजरात से तशरीफ़ लाई हैं। इनका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है यकीनन कल्चरल स्टडीज़ है, पॉलिटिकल स्टडीज़ है, दक्कन है, विमेन राइटिंग्स हैं, फेमिनिस्ट राइटिंग्स हैं, रिसर्च एंड क्रिटिसिज्म है, बहुत सारे डिसिप्लिन में ये दिलचस्पी रखती हैं। तो आज का ये जो पैनल डिस्कशन है इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से जो विमेन राइटिंग्स पर हो रहा है, बेहद इम्पॉर्टेंट है। जब हम बात इसके रिसर्च एंड क्रिटिसिज्म की करते हैं या फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव की करते हैं, तो मैं समझती हूँ कि ये सेशन बेहद अहम है। तो आइए कुछ इसकी तमहीद बांधते हुए हम बात आगे बढ़ाते हैं, और मैं थोड़ा सा इसका पैटर्न बता दूं हमारे शुरका को। ये मैंने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा बातें हमारी आएँ, तो हमारा जो एक राउंड होगा या जिस भी शरीक से मैं सवाल करूंगी वो 5 मिनट में अपनी जवाब, अपनी बात रखें। बात से बात निकलेगी तो 2 राउंड होंगे, उसके बाद ये ओपन किया जाएगा। मैं तमाम स्कॉलर्स और स्टूडेंट्स से ख्वाहिश करती हूँ कि ये जो पैनल डिस्कशन होगा इससे मुतालिक अगर सवाल हो तो सवाल को सवाल की तरह रखें और सवाल कीजिए। जिस भी एक्सपर्ट से आपको सवाल करना हो तो आप कर सकते हैं। बात यूँ है कि जब हम, चूँकि हम उर्दू वुमेन राइटिंग्स की बात कर रहे हैं, तो आइए उसका एक थोड़ा सा रिसर्च एंड क्रिटिसिज्म का पर्सपेक्टिव देख लेते हैं। जैसे कल से हम मुसलसल ये बात कर रहे हैं कि जो हिस्ट्रीज़ लिखी गई, जो लिटरेरी हिस्ट्रीज़ लिखी गई हैं, उसमें विमेन बहुत कम है, बिल्कुल फैक्ट है। और क्यों नहीं है, या फेमिनिस्ट रिसर्च एंड क्रिटिसिज्म से उसका अब क्या ताल्लुक बनता है, इन सब पर हम इनसे बात करेंगे। ये सच है, लेकिन जब हम उर्दू की क्रिटिसिज्म को जब हम पढ़ते हैं, जो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं उनकी बहुत सारी किताबें जब हम पढ़ते हैं, तो या फिर हम जिन सेमिनार्स में पार्टिसिपेट करते हैं वहाँ हमें 2 नज़रिए सुनने को या देखने को मिलते हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट या बहुत मुट्ठी भर चंद ऐसे स्कॉलर्स हैं जो ये मानते हैं विमेन राइटिंग्स की अपनी ज़बान है और उसको एक्सेप्ट भी करते हैं कि हाँ इनको पढ़ना चाहिए अलग से, क्योंकि इनका एक कल्चर है, उस सब कल्चर को समझने की बेहद ज़रूरत है। लेकिन मैक्सिमम बहुत सारे लोग इस बात से, इस स्कूल ऑफ थॉट से बिल्कुल इनकार करते हैं और ये बात कहते हैं कि अदब लिटरेचर जो है वो कंपार्टमेंट में क्यों डिवाइड किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सदियों से औरत के एक्सप्रेशन को या उसके राइटिंग्स को, उसके कंट्रीब्यूशंस को नकारा गया एक तरह से। आज जब औरत बहुत कॉन्फिडेंट हो गई है और बहुत कॉन्फिडेंटली लिख रही है, तो दूसरे तरह से उसे नकारा जा रहा है ये कहकर कि इसको आप कंपार्टमेंट में क्यों बांध रहे हैं, विमेन राइटिंग्स का क्या मतलब है, क्यों आप अलग करती हैं। ये दोनों नज़रियात हमारे सामने हैं। तो मैं इस पस मंज़र में
चंद सवाल मैं करना चाहूँगी, और सबसे पहले मैं अपना सवाल प्रोफेसर शहनाज नबी से शुरू करना चाहूँगी। वजह यह है कि प्रोफेसर शहनाज नबी ने बहुत रिसर्च बेस्ड जो किताब फेमिनिज्म पर लिखी है, ये उर्दू में पहली किताब है जो पूरी 300 साल की हिस्ट्री ऑफ फेमिनिज्म को उर्दू में ले आई है। दूसरी बात, आपकी एक किताब है तानीसी तनकीद, फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म पर, प्रैक्टिकल जो क्रिटिसिज्म फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव में होता है, तानीसी तनकीद जो होती है उसका बेहतरीन नमूना है। चूँकि हम में से बहुत से लोग ये जानते होंगे कि एलन शो वॉल्टर ने जब फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म का कॉन्सेप्ट रखा तो उसने दो एस्पेक्ट्स, दो पहलू, दो लेंस हमको दिए, एक फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म का, एक गायनो क्रिटिसिज्म का। फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म, शायद कुछ स्टूडेंट्स हैं तो मैं बता दूँ, तमाम अदब को तानीसी नुक्ते नज़र से देखने की बात है। गायनो क्रिटिसिज्म विमेन राइटिंग्स पर फोकस करती है। तो ये दोनों नज़रिए हैं, दो पहलू हैं, और प्रोफेसर शहनाज नबी ने इन दो नज़रियात के तहत किताब लिखी है। मैं उनसे ये अर्ज़ करना चाहती हूँ कि जब हम उर्दू में ख़वातीन की तहरीरें देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, या हम उसकी तनकीद देखते हैं उर्दू के हवाले से, तो आप क्या महसूस करती हैं कि क्या उर्दू में ये कल्चर या फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म या फेमिनिस्ट रिसर्च कि क्या सूरत हाल है, और क्या इसमें इस डिबेट की क्या उर्दू में शुरुआत हुई है? अभी मेरी सांस भी काबू में नहीं आई है। जी जी, इसमें ये दूँ? नहीं, सामने बैठे माजद ख्वातीन और ख्वातीन हज़रात, मुझे इस सेमिनार की बहुत खुशी है। ये मैं पहले दिन इसका इजहार कर चुकी हूँ कि कम से कम कुछ नई गुफ्तगू, कुछ नई बातें सुनने को मिलेंगी, समझ में आएंगी, और औरतों की जो तहरीरें हैं उन पे बात होगी। और मेरा सब्जेक्ट मेनली क्रिटिसिज्म रहा है, लेकिन फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म जो मैंने किया उसकी वजह ये थी कि अर्सा दराज से, जब मैं कॉलेज में लेक्चरर थी उस वक्त से, अक्सर सेमिनार्स में मुझे बुलाया गया, और ये टॉपिक जो है ना, अक्सर सेमिनार कुछ भी सेमिनार हो, लेकिन किसी खातून पे कुछ लिखना हुआ तो वो टॉपिक मुझे दिया गया, तो हम अपनी तरह से लिख कर ले गए। धीरे 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 मुझे ख्वातीन की तहरीरों में दिलचस्पी पैदा हुई, और मैंने बाकायदा अदर देन सेमिनार्स अपने तौर पर मजामीन लिखने शुरू किए, फेमिनिज़म को पढ़ना शुरू किया, और बहुत सी बातें मालूम हुई, इतनी ज़्यादा बातें मालूम हुई कि मुझे लगा कि हम तो बहुत पीछे हैं, कि हमें तो कुछ भी नहीं आता, ये फेमिनिज्म कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, बढ़ गया है, और उर्दू में इसका दूर दूर तक नामो निशान भी नहीं है। जब हमने ढूंढा तो हमें इक्का दुक्का मजामीन मिले, जैसे एक मजमून हमें अतिकुल्ला साहब का मिला, जिन्होंने शुरू में ये कोशिश की थी, मजामीन उन्होंने लिखे थे, उनका अपना मैगज़ीन था, उसमें शाया भी किया था, तो बस, मगर वो मायूसकुन लगा मुझे कि अरे, एक तो मर्द लिखते ही नहीं औरतों की तहरीरों पर, और दूसरे बिल्कुल फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से एक मजमून नज़र आया खुद उनका, अतिकुल्ला साहब का। फिर हमने कुछ और चीज़ें ढूंढी, नहीं मिली। एक फारूकी साहब का मजमून मिला, वो भी एक अरसे बाद उन्होंने लिखा था। तो मतलब ये है कि फेमिनिज्म के लिए अंदर से जो एक तहरीक होनी चाहिए मर्दों के अंदर या औरतों के अंदर लिखने की, वो तहरीक नहीं थी। तो इसको पढ़ना एक अलग बात थी, साइड बाय साइड औरतों की तहरीरों को और मर्दों की तहरीरों को एक नए पर्सपेक्टिव में पढ़ना, उसको समझना और उसको बयान करना। तो मैंने सिर्फ तानिसी तनकीद में ख़वातीन की तहरीरों का जायज़ा नहीं लिया है, मैंने मर्दों की उन तहरीरों का जायज़ा लिया है जिसमें उन्होंने औरत को सबॉर्डिनेट समझा है, या उनको बहुत कम दर्जा दिया है, या उनके जुमलों से इसका अंदाज़ा होता है, या उनकी बहुत कुछ है लिखने को। सिर्फ आप अपने जहन को कुशादगी अदा कीजिए और मुतालिया कीजिए, तो आपको मर्दों की पूरी पोइट्री में जहाँ तक आप की नज़र जा सकती है, जिस तरह की शायरी मिलती है, उसके एक एक आप इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ जो है उसलूब ऐसा क्यों है, या यहाँ ये लफ्ज़ इस तरह क्यों इस्तेमाल हुआ है, और से नई बातें सोची जा सकती हैं। लेकिन पहले आपको
फेमिनिज्म क्या है, यह तसव्वुर क्या है, ये जानना होगा। जैसे अंग्रेज़ी पढ़ते पढ़ते, उस पर फेमिनिज्म पढ़ते पढ़ते हमने एक चीज़ जो मार्क की वो ये थी कि औरतों का तसव्वुर जो है वो लिंग्विस्टिक से कैसे जुड़ा हुआ है, ज़बान जैसे कैसे तैयार हुई। ज़बान के बारे में कहा ही गया है कि मर्दों ने अपने लिए एक ज़बान तैयार की और वो ज़बान जो है मर्दों के लिए एक पिंजरा है, वो अपनी बनाई हुई ज़बान के कैदी हैं, हम औरतें उनको फॉलो करते हैं, तो हम कैदियों के कैदी हैं। तो हमारा अपना डिक्शन कहाँ है, हमारी अपनी तहरीर कहाँ, हम उनके जुमले इस्तेमाल कर रहे हैं, हम उनका डिक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर क्या है, तो कुछ अलग हो। और ये कि औरतों के लिए जो भद्दे किस्म के वो सब इस्तेमाल किए गए, जो मुहावरे हैं, ज़रबुल अम्साल हैं, वो सब जो इस्तेमाल किए गए, अल्फाज जिस तरह के आए वो हमने देखा, तो हमने उर्दू के डिक्शनरी को छानना शुरू किया। हमें ऐसे ऐसे मुहावरे मिले, धीमी आ रही आवाज़ अब ठीक है, तो हमने ऐसे ऐसे मुहावरे देखे, तो उसको लेके हमने एक मज़मून लिखा, औरत और लुगात, कि हमारे यहाँ हमारी ज़बान में हमारे साथ कैसा सलूक किया गया है, जैसे अंग्रेज़ी में किया गया है जिस तरह का सलूक औरतों के साथ, कमज़ोर और ये नातवां और ये ब्लू और ये वो सब कुछ। तो फिर हमने उस पर एक मज़मून लिखा, कुछ मेरे अहबाब थे जो जर्मनी में, क्या हैदर क्रैशी और दूसरे लोग, तौबा तौबा क्या मज़मून आपने लिखा है, इसके बाद तो वज़ू करने की ज़रूरत पेश आएगी। हमने कहा अच्छा भाई इतना ख़राब मज़मून है, बोले नहीं नहीं आपने ज़बान को इस तरह, हमने कहा मेरा कोई कसूर नहीं है क्योंकि डिक्शनरी में वही बयान किया गया है, लफ्ज़ औरत अरबिक वर्ड है, उसके मानी क्या है, मर्द का छुपाने वाला हिस्सा। अरे ये कौन से बानी हुए भाई, किसने लिखा, कब लिखा, क्यों लिखा, मुझे नहीं पता, लेकिन हमने इस तरह की तहकीक की, मज़मून लिखा, रेफरेंसेस दिए, जितनी डिक्शनरीज हैं हमने उससे रेफरेंसेस दिए कि फिरोज़ुल लुगात में ये है, फरंगे आमरा में ये है, फला फला डिक्शनरी में ये है, उर्दू में जितने थे, अरबिक में जो थे, उनसे लेकर के हमने लिख के ये बताया कि औरतों के साथ भी यही सलूक हुआ। और कौन लिख रहा था डिक्शनरी, जब हमने हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर नहीं लिखा तो हमने डिक्शनरीज भी तो तैयार नहीं की, तो किसने लिखा ये सब। दूसरी बात ये मुहावरे जो हैं कि औरत को काबू में रखने के लिए कैसे कहा, कैसे कैसे मुहावरे हैं, औरत और घोड़ा रान तले, यानी दबा के रखो रान के नीचे वरना सरकश हो जाएंगी, तो औरत और घोड़ा रान तले। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे मुहावरे हैं जो इस वक्त हम बोलना नहीं चाहते, वो आप उसको मज़मून को पढ़ेंगे तो समझ। तो ये जो हमारी किताब आई तानिसी तनकीद, वो हमने ओवर द ईयर्स लिखी, बहुत से मज़ामीन लिखे। हमारी यूनिवर्सिटी में हमारे वीसी ने एक दिन मीटिंग में कहा कि भाई हमने यूजीसी से फ़ंड ला करके दिया कि टीचर्स जो हैं अपने मसौदात जमा दें, उनकी किताबें छपें, किसी डिपार्टमेंट ने कुछ दिया ही नहीं। बात मेरे दिल को लग गई कि भाई हमें देना चाहिए उर्दू की तरफ से। हमने अपने मज़ामीन को इकट्ठा किया और वीसी को ले जाके दिया कि हमने किया है, इसको आप छपा दीजिए। तो कहने लगे आप उर्दू में डीटीपी करवाइए, हम छपाते हैं, तो कम से कम आप यूजीसी में बोल पाएँ कि हाँ उर्दू डिपार्टमेंट ने कुछ दिया है, चलो ठीक है। तो वो किताब उस तरह छप गई, एक्सपर्ट्स को बुला करके दिखाया गया, जो उर्दू के एक्सपर्ट्स थे उन्होंने देखा, सब उन्होंने ओके किया, बाहर से आए ठीक है देखा, जो उस जो तरीका है उस तरह हुआ। फिर ये किताब जो है छप गई और हमने यूनिवर्सिटी को वो दे दी किताब कि यूनिवर्सिटी खुद बेचे और यूनिवर्सिटी से जो इसके जो पैसे जनरेट हो वो यूनिवर्सिटी को जाएँ, तो वो यूनिवर्सिटी के फंड में वो पैसे गए। बहुत से अहबाब को शिकायत रही कि आपकी किताब हमें नहीं मिली, तो हमारा ये कहना था कि हमारी किताब अगर नहीं मिली तो हमें तो खुद ही 30 कॉपी मिली, तो हम किसको किसको दें। तो जिन्हें लिए बहुत कम कीमत रखी गई थी और यूनिवर्सिटी के सेल्स काउंटर से वो किताब बिकती थी। तो इस तरह हम आपको बताना चाह रहे हैं कि तानिसी तनकीद का इस तरह प्रेस में जाना हुआ। हमने क्यों लिखा, हमने वही देख देख करके लिखा कि कहीं तो है कि मर्दों का रुझान कुछ ऐसा था जिसको उन्होंने रेक्टिफाई करने की भी कोशिश नहीं की, और जो मुहावरात बनाए गए और जो आज हमारे यहाँ मुहावरात का इस्तेमाल कम से कम होता गया है, बच्चों से अगर पूछिए मुहावरात नहीं जानते, वो ज़रबुल अम्साल नहीं जानते, तो ये चीज़ें जो हैं उनको भी पता नहीं है कि इस तरह हुआ है, यानी वो सेंसिबिलिटी नहीं है कि उसको समझ पाए। तो इस तरह हमने एक मज़मून जो है इस औरत और लुगात पे लिखा। इसके अलावा जितनी शायरात हैं, जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान मिला के, जैसे ज़ाहिदा ज़ैदी हैं और साजिदा ज़ैदी हैं और शेरा हैं, यहाँ पर शफीक वाता शेरा और पाकिस्तान की तो खैर थी ही, उन शायरात के कलाम पर के कहाँ तक निसाइयत इनके अंदर है और कहाँ नहीं है, और निसाइयत है तो किस तरह की है, क्या वो निसाइयत मरीजाना है, मैंने रोना धोना हर वक्त मर्दों की
जफा की शिकायत करना, और इत्तेफाक है कि मर्दों को वही अशार अच्छे लगते हैं जिसमें उनसे शिकायत की जाती है, जिसमें रोना धोना किया जाता है। भाई ख़वातीन के ऐसे ही अशार उनको अच्छे लगते हैं, और आप पूछिएगा तो ऐसे अशार ही उनके मुँह से निकलेंगे, है ना। तो ये है कि अगर आप कोई मुजाहिदाना काम कर रहे हैं, अगर आप कोई मुजाहिदाना शेर लिख रहे हैं, तो वो इस तरह ज़बान ज़दाम नहीं हो सकती जिस तरह के थोड़ी सी मोहब्बत है, थोड़ा सा अगमाज है, थोड़ा सा इस तरह की चीज़ें जिसमें हों वो याद हो जाती। तो हमने उसमें दिखाया कि किन किन नज़मों में किस तरह, हमें बताइएगा हमें कब रुकना है। जी, मैं आपसे दरख्वास्त करूँगी कि इस पस मंज़र में जो आपने लिखा, हम थोड़ा सा और उसको ब्रॉड करके देखें, क्या कोई और दूसरे भी इस तरह की तनकीद लिख रहे हैं। हम आपसे ये जानना चाहेंगे जो असली मंजरनामा है इसमें फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म उर्दू में उसकी क्या सूरत है, उस पर 2 मिनट बोलिएगा, फिर हम दूसरे राउंड में आते हैं। अच्छा, तो देखिए ये बोलना भद्दा लगेगा कि मैं कहूँ नहीं मैंने ही लिखा, बस और तो कोई लिख नहीं रहा है। अगर ये सच भी हो तो मुझे सच भी नहीं बोलना है, लेकिन आप जो इतना बड़ा डिपार्टमेंट चला रही हैं, या आपके जो स्कॉलर्स हैं, या जो फेमिनिज्म पे काम कर रहे हैं, आप उनको इस काम पे लगाइए, वो उन किताबों को देखें, मैगजीन्स को जाँचें कि किस तरह की फेमिनिस्ट तहरीरें आ रही हैं मंजर आम पर, क्रिटिसिज्म नॉट तहरीरें, तहरीरों पर। अगर औरत की तहरीर पर क्रिटिसाइज़ कर रही है वो भी बताए, अगर औरत मर्द की तहरीर क्रिटिसाइज कर रही है तो वो भी बताए। तो बच्चों को इस तरह का प्रोजेक्ट है कि आप अकेले नहीं सकेंगे, हम भी अकेले नहीं सकेंगे। लेकिन जहां तक आपने तहकीक और तनकीद की बात की, तो पाकिस्तान में ऑलरेडी एक किताब बहुत पहले शाया हो चुकी है, शायद आज से 15-20 साल पहले, वो उज़्मा की किताब थी, फरमान फतेहपुरी की बेटी हैं, सुना, तो उन्होंने वो किताब भेजी थी, तो उसमें ख़वातीन, लेकिन उसके मुतालिक मुझे अभी एक जुमला कहने का मौका आप दे, लेकिन वो किताब मेरी नज़र से गुजरी, हमारे एक सीनियर थे, उन्होंने कहा कि हम तो जा रहे हैं यहाँ से, किताबें हम छोड़े जा रहे हैं, ये किताब तुम रख लो, बहुत अच्छी किताब है। तो हमने वो किताब देखी, पढ़ी, तो हमें ये लगा कि उन्होंने जो तनकीद और तहकीक औरतों की दिखाई है वो सही मानों में वो आज़ादाना तौर पे जो आप किसी क्लास को लेके सोचते हैं या किसी किस्म को लेके सोचते हैं कि ये क्रिटिसिज्म का एक स्कूल है कि एक किस्म है, उसके तहत किसी औरत ने कुछ लिखा वो नहीं है। उन्होंने जो जितने तनकीदी मजामीन लिखे गए उनका अहाता कर दिया, और यहाँ तक कि एमफिल और पीएचडी की थीसिस को भी उन्होंने तनकीद के ज़ुमले में रखा। मैं इसे नहीं मानती, क्योंकि आपको भी पता है, जो यहाँ प्रोफेसर्स हैं उनको भी पता है कि हम किस तरह से तहकीक करवाते हैं और उसका आउटकम क्या होता है, उसमें कितनी जो है बहुत ही असलियत होती है और कितनी नकल करके वो करते हैं, कहीं इन्वर्टेड कॉमा भी देते हैं, कहीं नहीं देते हैं। तो ये सारी चीज़ें जिन पर हमको संजीदगी से सोचने की ज़रूरत है, इस पर बुरा मानने, खफा होने, इससे इनकार करने की कोई गुंजाइश नहीं है। हम कैसे बेहतर कर सकते हैं तनकीद व तहकीक को, चाहे वो फेमिनिस्ट हो या ना हो, हम तनकीद व तहकीक को कैसे बेहतर करते हैं कर सकते हैं, हमें ये बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपकी गुफ्तगू से, ऐसे तो बहुत सारे पहलू निकल आए, लेकिन एक दो बातों की तरफ मैं ज़रूर निशानदेही करूँगी कि एक बात आपने डिक्शन की थी, ख़वातीन में जो खास डिक्शन होता है यकीनन उसको समझ में आ गया है। ये बात सच है, आपने कहा कि मैं ये कहूँ कि भाई सिर्फ मैं ही लिखती हूँ और दीगर नहीं लिखते हैं, तो इसमें हकीकत बयान भी है, ये हकीकत भी है। मेरा मुशाहिदा ये है, मेरा मुताला ये कहता है कि ख्वातीन के अदब पर बहुत कुछ लिखा जा रहा है, लेकिन जो पहलू हम फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव की बात करते हैं या हम जेंडर लेंस की बात करते हैं, हमें वो पहलू बड़ा कम नज़र आता है उर्दू की तहरीरों में। ये बात सच है, बहुत कम लोग हैं जो उसको उस तरह से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, परख रहे हैं। हमारे साथ फ़िक्शन का एक बड़ा नाम प्रोफेसर सरवत खान का है, जो न सिर्फ फ़िक्शन लिखती हैं, नावल और अफसाने लिखती हैं, बल्कि तनकीदी मज़ामीन भी लिखती हैं। तो मैं उनसे भी ये जानना चाहूँगी कि जो उर्दू का मंजरनामा है, इसमें अगर हम ख़वातीन के अदब को देखें तो यकीनन डिक्शन उसका अलग नज़र आता है। मैं सिर्फ दो मिसालें यहाँ इत्तेफ़ाक़ से मेरे सामने मेरी नज़र में आ गईं। दो छोटी छोटी नज़में हैं अशरफ रफ़ी साहबा की, इसके पस मंज़र में हम बात समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मैं यहाँ स्कॉलर्स हैं और हम ये फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म और रिसर्च पे बात कर रहे हैं, तो मैं समझती हूँ कि ये वो एरिया है जिस पर हमें ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, इसलिए आप तक ये बात पहुँचाना चाहती हूँ। अशरफ रफ़ी लिखती हैं, रोबोट की तरह जी रही हूँ, मैंने जीना छोड़ दिया। दूसरी नज़्म है उनकी, घर से निकलूं तो लोग कहते हैं मैं हूं।
समझिएगा कि अंडर द लाइन क्या बात हो रही है। घर से निकलूं तो लोग कहते हैं मैं हूं, और मैं खुद अपने लिए नायाफ्त हूं। जिस तरह से प्रोफेसर शहनाज नबी ने कहा कि भाई क्या ये वही अल्फाज, वही बातें, वही डिक्शन जो मर्दों ने लिखा वही लिख रहे हैं, या औरतों का जो डिक्शन है, औरतों का जो इजहार है, और वो जो इनर लाइंस हैं वो किस हद तक अलग हैं, क्या ये देखने का नज़रिया मिलता है। दूसरी तरफ जब आप फिक्शन की बात करती हैं, आप फिक्शन से ताल्लुक़ रखती हैं, फिक्शन की तनकीद भी करती हैं, तो जैसे हम एक ही मिसाल लेते हैं, राजेंद्र सिंह बेदी के अफसाने लाजवंती पर बहुत बात होती है, तो जिस तरह का किरदार देवी बनाकर पेश किया गया, तो क्या ये नक्खादों का रवैया आज भी वही है, या ख्वातीन के डिक्शन और ख्वातीन के किरदारों को अलग तरह से देखा जा रहा है, ये मैं आपसे भी जानना चाहूँगी। सबसे पहले तो अर्ज़ करूँ कि जो प्रैक्टिकल मैंने किए हैं, जो तजुर्बे मुझे हुए हैं एज ए फेमिनिस्ट राइटर क्रिटिक, उसके मुतालिक मैं बात करूँ, मेरे मासरीन 21वीं सदी में जो लिख रही हैं हमारे साथ, और मर्द हजरात भी जो लिख रहे हैं फेमिनिज्म पे, उनके मुतालिक बाकी नाकदीन का क्या रवैया है, क्या रवैया है। अतीकुल्ला साहब की बात आई, अतीकुल्ला हमारे अच्छे खासे नक़ाद हैं, सीनियर भी हो गए हैं अब तो, और ये इसमें दो राय नहीं कि उन्होंने सबसे पहले ख़वातीन के को एक सेमिनार किया, सबको बुलाया, अफसाना निगारों को वगैरह वगैरह, और उसकी किताब जो है फेमिनिज्म पे उनकी किताब आई। लेकिन मुझे उनसे एक शिकायत ये, और मैंने रूबरू भी की ये शिकायत, कि NCPUL का एक प्रोजेक्ट उन्होंने लिया, उन्हें मिला, और उसमें शुरू से ले कर अभी तक, इब्तिदा से जो हमारी तनकीद है वहाँ से ले कर अब तक दौर हाज़िर तक, उनको जो है नाकदीन पर, नक़ादों पर उन्हें लिखना था उनकी तारीख, और वो उन्होंने लिखा। 3 वॉल्यूम है, 1,000 का पेज का, सफ़े का एक एक वॉल्यूम है। यकीन मानिए आप, तीनों वॉल्यूम में 3,000 सफहात में कहीं भी उन्होंने किसी भी खातून नक़ाद का नाम तक नहीं लिया, जबकि मुमताज़ शीरी को तो कम से कम ले लेते, लेकिन नहीं लिया। मैंने उनसे कहा क्या बात है, आपको नज़र नहीं आया, आपके जितने भी ये भर्ती के नक़ाद आपने भरे हैं इसके अंदर, इसमें से जो है मुमताज़ शीरी अगर होती तो मैंने कहा सब आपकी गर्दन पकड़ेंगी हश्र के दिन, मैंने कहा जिस तरह, तो उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल मुझे याद आया, नहीं उन पे मैं अलग से बीबी 400-450 सफ़े की एक किताब लिखूँगा। वाह क्यों, ये कौन सा दोगलापन है। फिर जब नसरन फ़तीही ने इको फेमिनिज़म पे किताब लिखी, जब तरन्नुम रियाज ने अपने मजामीन लिखे, जब रफ़िया शबनम आबिदी साहिबा जो बहुत सीनियर राइटर है हमारी, उन्होंने जब लिखा तो उनको जो, और जब हमने लिखा, जब आमना ने लिखा, जब तो जब नूर बानो ने लिखा, वो इकबाल पे उन्होंने काम किया, और ऐसे शीबा हैदर ने लिखा, ये तमाम जो हमारे नए बच्चे और तहकीक, और जब उन्होंने लिखा तो हम लोगों को यूँ टेढ़ी नज़र से देखा जाता है जैसे हम अछूत कन्याएं हों, अछूत ख़वातीन हों, अछूत नक़ा, अरे भाई क्या बात हो गई ऐसी, ये तो फेमिनिस्ट हैं, ये तो यानी कि जैसे कि पहले वो कम्युनिज्म आया था कम्युनिस्ट, ये तो कम्युनिस्ट हैं, दीन से लाबलत अला फलां ये वो, ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या हमने गुनाह कर दिया कि हम अगर अपने हक़ की बात करते हैं अपनी तहरीरों में, अपना जो कुछ भी हमने लिखा, आप अगर जेंडर फेमिनिज़म के अगर शिकार हैं और उसी शिकार के बिना पर आप जो है आपके यहाँ वो सब सेट है, और उस सेट के तहत आप दोयम दर्जे का हमें मानते हैं, आप माने न माने हमने खुद अपना काम करना शुरू कर दिया, हमें किसी से अब कोई लेना देना नहीं है। उर्दू में अच्छा खासा 15-20 नक़ाद आज ये काम कर रही हैं, और मैं तो हमेशा कहती हूँ अपने स्टूडेंट से जो तहकीक करते हैं उनसे कहती हूँ कि आप ख़ुद ये जो आपने तानीसी तनकीद पे काम किया, आपने खाका निगारी पे काम किया ख़वातीन की, आपने जो है किसी भी शायरात पे काम किया, आपने नसर निगारी, आप सैयदा जाफ़र को कैसे भूल गए, कल से किसी ने नाम नहीं लिया, सैयदा जाफ़र ऐसी ज़बरदस्त मुहक्किक यहाँ की गुजरी हैं कि उनका कोई नाम नहीं लेता आज कोई, ना क्यों ना मत लो नाम, आप मत लो, तख़सीस तो आप करते हैं,
तख़सीस तो आप शुरू से कर रहे हैं, गिने चुने जो हक्कानी अलकासमी और दो तीन जो हैं उन्होंने जब ये ख़वातीन के इंटरव्यू लेना शुरू किए और उनके मुतालिक जो है तमाम वो ऐसे सवालात उन्होंने किए, पूरा अंदाज़े बयान उनका जो है क्या है कौन सा अंदाज़े कौन एक रिसाला निकालते हैं उसमें उन्होंने बिल्कुल बेबाक तरीक़े से जब ये किया तो उनके ऊपर मैंने सुना मेरे ही साथी मेरे ही सीनियर और वो कह रहे हैं कि अरे वो शैतानियाँ करता है वो ख़वातीन से यूँ करता है ख़वातीन से गुफ्तगू करता है इसलिए वो क्या नज़रिया है क्या नज़रिया। कहने का मतलब यह है कि दानिश्वर बनना कहलाना और दानिश्वराना अमली तौर पे इकदामात उठाना कलम उठाना दो अलग अलग राहें हैं और हमारी ये राहें इन राहों पे ख़वातीन तो चल रही हैं चल पड़ी हैं लेकिन हमारे मर्द नक़ाद जो हैं या मर्द जो हमारे तख्लीक़कार हैं वो सिर्फ कैरेक्टर अपने किरदारों को ही जो है रोशनी दिखाते हैं खुद अंधेरे के बासी हैं। ये मैं सीना ठोक के कहती हूँ और सबके सामने कहती हूँ, मैं किसी से डरती भी नहीं हूँ क्योंकि अगर डर गए तो इसका मतलब आपने पढ़ा नहीं। जवाब होता है पढ़ने का, आप अगर कोई करता है तो आप ये दिखाइए कि ये लिखा हुआ आपका, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात करना है। कंटेम्प्रेरी 21वीं सदी की बात है, 21वीं सदी में क्या लिखा गया, कल से हम पुराना लेकर आ रहे हैं बार 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 बार, ठीक है वो हो गया लेकिन अब हमारे 23-24 यानी कि 25 यानी कि 25% वक्त गुजर चुका और आने वाले 25 या 50 साल उस पर मुनहसर हैं जो अभी हम लिख रहे हैं, तो हमें मुस्तकबिल में क्या कौन सा डायरेक्शन कौन सी समत कौन सी रफ्तार को अपनाना है। हम क्यों हिंदी वालों की तरह स्त्री विमर्श के ऊपर पूरा एक स्कूल कायम नहीं करते, हम क्यों जो है स्त्री विमर्श के लिए बहुत सारा नहीं लिखते, हम क्यों ये सब ये करते हैं कि अभी भी हम फला, क्योंकि हमने तो कभी ये सोचा ही नहीं है। हमारी जितनी अगर हम नज़र डालें तो आप देखिए मसनवी का ज़िक्र आता है तो मसनवी की तारीख, हमने कभी ये नहीं सोचा कि हम मोमिन का कलाम को एडिट कर रहे हैं या जोश के कलाम को एडिट कर रहे हैं या नज़्म तबा तबाई के निजफ़ी अशरफ साहिबा ने किया और उनको कर रहे हैं। हम तो हमेशा सबको साथ लेके चले लेकिन जब ये देख लिया कि हश्र ये हो रहा है कि हमारी गर्दन काटी जा रही है तो तुम्हारा छुरा तुम्हारे पास हमारी तलवार हमारे पास हमारा कलम हमारे पास, हम खुद ये काम कर लेंगे। माफ़ कीजिए आज भी तालिबात की तादाद जितनी बढ़ रही है मेरे उन्हीं से मुखातिब हूँ और उनके साथ मेरे जो और बच्चे हैं यहाँ पर अगर मेल उसे रखते हैं ताल्लुक़ तो उनसे भी मुखातिब हूँ कि कभी तख़सीस मत करना। जहाँ तख़सीस की बात नहीं है ये वो जो कोना खाली है ना वो जो एक हिस्सा खाली है उसको पुर करना है उसको भरना है अपडेट रहना है। पूरे दुनिया आलमी अदब में क्या कुछ लिखा जा रहा है हम कहाँ पीछे हैं उसका साथ देना है उस रफ्तार के साथ आगे बढ़ना है उर्दू को उस रफ्तार के साथ आगे बढ़ाना है उस थिंकिंग के साथ आगे बढ़ाना है उस सोच के साथ आगे बढ़ाना है। ये जो दकिया नूसियत का मामला हमारे उर्दू में चल पड़ा है इस दकिया नूसियत और ये कि अपने अपनों को रेवड़ियाँ बांटना अपने अपने को वो तो फैज़ ने तो कह दिया फैज़ साहब ने फैज़ ने कि आजकल उस ज़माने में ही हो गया था कि आजकल की तनकीद तो चुमका रहे मैंने तुम्हें चूम लिया तुमने मुझे चूम लिया और ये तनकीद हो गई ये तनकीद जो है ये नहीं ये गलत है ये सब गलत है। आप अगर आज के दौर में जब अगर मैं नावल लिखती हूँ और मैंने नावल सारे नहीं पढ़े ये नावल की सदी है आप सब जानते हैं 50-60-70 नावल आ चुके हैं अभी तक अगर मैंने वो सब नहीं पढ़े तो मुझे कह दिया जाएगा अल्लाह मियाँ का कारखाना बहुत बड़ा नावल है कड़वे करेले कुछ नहीं है अंधेरा पग कुछ नहीं है। कैसे नहीं है मैंने पढ़ा है साहब आपका नावल मैंने पढ़ा है साहब इनका नावल गज़नफर के नावल पढ़े हैं मैंने अशरफ साहब के नावल पढ़े हैं मैंने जो है पलीता पढ़ा है मैंने पैगाम के नावल पढ़े हैं मैंने सबके मैंने रेनू बहल के नावल पढ़े हैं आशा प्रभात के नावल पढ़े हैं मैंने नसरन फतेह के नावल पढ़े हैं। कहाँ से ये रहा आईना दिखाइए ये रहा कोई नहीं बोलेगा किसी की क्योंकि उन्होंने पढ़े ही नहीं। माफ़ कीजिए पढ़ता आजकल का प्रोफेसर आजकल का राइटर आजकल का नक्काद नहीं पढ़ता बिल्कुल नहीं पढ़ता गिने चुने हैं उर्दू में जो पढ़ रहे हैं
चाहे वो ख़वातीन हो चाहे वो मर्द हज़रात हों, गिने चुने हैं जो पढ़ रहे हैं। और ये जो कॉपी पेस्ट का जो ज़माना आया है, जो हमारे बच्चों को कह दिया जाता है कि आप जो है कॉपी पेस्ट करते हैं या आप नकल करते हैं, आप रोल डाल के ले आते हैं। मैंने बड़े बड़े सेमिनारों में जो बड़े कहलाते हैं, यानी कि वो बड़े होते नहीं हैं लेकिन कहलाते हैं, दरख्वास्त है कि एक मिनट में आप बात मुकम्मल करें, हम दूसरे राउंड में फिर आते हैं आपके पास। तो हमें कहने का मतलब यही, अर्ज़ करना मेरा यही है कि हमें वक्त की रफ़्तार को पहचान कर अपने आप को मालूमात से पूरा भर लेना चाहिए। जो लिखा जा रहा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए, उससे ज़्यादा सोचना चाहिए, और जब छपने की बात आए तो उसमें सब्र तलबी से काम लेना चाहिए। यही जो है सही समत और रफ़्तार हमारी तनकीद को देगा, और बाकी बातें आगे होंगी। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर सरवत खान साहबा। आपके बातों से बहुत सारी बातें यूं तो सामने आई हैं, लेकिन एक बहुत अहम बात, एक बहुत अहम पहलू जो सामने आया है कि आज की नस्ल पढ़ती क्या है, और यकीनन तनकीद के लिए पढ़ना बेहद ज़रूरी है। आइए इस बात का सिलसिला हम आज की नस्ल के नक्काद या रिसर्चर जो हमारे दरमियान हैं, शिफाली झा, उनकी तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि ये सेमिनार, ये कॉन्फ्रेंस खुद जिस किताब की बुनियाद पर रखा गया है, विमेन राइटिंग्स इन इंडिया, और जैसे कि कल अस्मा भी बता रही थी कि विमेन राइटिंग्स इन इंडिया 1991 में जब शाया हुई, तो ज़ाहिर है वो 90 तक का जो सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट था उसमें जो उर्दू की ख्वातीन लिख रही थी या हिंदुस्तानी ख्वातीन लिख रही थी, उनकी तहरीरों को पास से प्रेजेंट तब तक उसमें शामिल किया गया। और ये बात सच है कि 1990s के बाद दरअसल सारी दुनिया में ही, आलमी सतह पर ही, हम एक बहुत बड़ा चेंज महसूस करते हैं। वो फेमिनिज्म की सेकेंड वेव का की हैसियत से देख लें या दीगर भी जो चेंजेस, सोशियो पॉलिटिकल जो चेंजेस आए, या कल्चरल जो क्राइसिस शुरू हुए वार्स वगैरह की बुनियाद पर, खाओ इंडिया को ले लें हम, जिस तरह का माहौल बना, इस माहौल में एक अलग अदब लिखा जाने लगा, वो इंडियन लैंग्वेजेस हो कि इंग्लिश हो, ये हम बहुत अच्छे से महसूस करते हैं। और विमेन राइटिंग्स को पब्लिश हुए 30 साल हुए हैं, या फिर क्रिटिसिज्म में या रिसर्च में जो नए एस्पेक्ट्स आए या नए डायमेंशंस आए, उसको भी हम बहुत क्लियरली फील कर सकते हैं। ऐसे में आज का नौजवान रिसर्च स्कॉलर कैसे देखता है, एक पहलू। दूसरा पहलू, अभी जो हम दो हमारी जो शुरुआत से बात कर रहे थे, ये उर्दू के प्रोफेसर्स हैं, हम उर्दू पढ़ते हैं, उर्दू लिटरेचर की हिस्ट्री से लेकर आज तक हम देखते हैं, पढ़ते हैं, ये हमारा पर्सपेक्टिव है। लेकिन मैं ज़रूर शिफाली झा से ये जानना चाहूँगी, क्योंकि ये अदर साइड पर हैं, वो उर्दू लिटरेचर को या उर्दू स्कॉलरशिप को या क्रिटिसिज्म को या विमेन राइटिंग्स को वो देख रही हैं। तो विमेन राइटिंग्स इन इंडिया की जो बुक्स पब्लिश हुई थी, उसके बाद किस तरह का स्कॉलरशिप डेवलप हुआ है, या उर्दू में क्या उन्होंने कुछ इस तरह का फील किया है, मैं यकीनन उनसे जानना चाहूँगी। पहले तो मैं प्रोफेसर तहसीन और अस्मा का बेहद शुक्रिया अदा करना चाहूँगी मुझे इस पैनल में शामिल करने के लिए, और दूसरे मुझे नौजवान नकाद करने के लिए। लेकिन आपका सवाल वाकई बहुत, इसके बारे में मुझे पहले भी लिखने सोचने का मौका मिला है, क्योंकि मैंने, मेरी फ्रेंड है नवनीता मुक्किल, वो JNU में पढ़ाती हैं, उनके साथ हमने एक रीडर एडिट की थी जिसका टाइटल था थिंकिंग वुमेन। तो उसमें हमने कई तरह के जैसे अफसाने हुए, आप बीती हुई, अलग अलग मुख्तलिफ जॉनर की चीज़ें हमने उसमें शामिल की थी। और उस बुक को एडिट करते हुए हमने काफ़ी ये विमेन राइटिंग इन इंडिया को भी पढ़ा फिर से, और उस वक्त के जो सवालात थे, अगर आप विमेन राइटिंग इन इंडिया की तमहीद पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन, तो उनमें, मतलब पूरा एक पेपर में उस पर प्रेजेंट किया जा सकता है, लेकिन मैं ख़ास तौर से दो चीज़ों का ज़िक्र यहाँ करना चाहूँगी।
एक तो ये है कि आप आज हमने सुबह तर्जुमे की बात की, तो अगर और ये बात यकीनन अस्मा और प्रोफेसर तहसीन के दिल के बहुत करीब होगी कि आप विमेन राइटिंग इन इंडिया का तर्जुमा किसी भी उर्दू छोड़िए तेलुगु किसी भी ज़बान में कैसे करेंगे जो टाइटल है, क्योंकि इसके ऊपर भी इंट्रोडक्शन में काफ़ी जो हमारी सूजी थारू और के ललिता जो आज यहाँ मौजूद नहीं है लेकिन उन्होंने लिखा है कि विमेन्स राइटिंग उन्होंने नहीं दिया इसका टाइटल, विमेन्स लिटरेचर भी नहीं दिया। तो तहरीर और अदब का जो फ़र्क है जो इस टाइटल में उन्होंने उसको मेंटेन किया। दूसरी चीज़ अंग्रेज़ी पढ़ने वाले भी जो जिनको इंग्लिश लिटरेचर की तालीम मुझे भी थोड़ी मैंने बीए किया है इंग्लिश लिटरेचर में, एक बार की जब आप टाइटल पढ़ेंगे तो आप विमेन्स राइटिंग ही पढ़ेंगे उसको, क्योंकि हमें आदत है विमेन्स राइटिंग ही कहने की। लेकिन फिर दूसरी बार फिर आप थोड़ा रुकेंगे फिर सोचेंगे ये विमेन्स क्यों नहीं है, गलती हुई है यहाँ पर कुछ, विमेन राइटिंग का क्या मतलब हुआ। तो जब आप उसके बारे में सोचेंगे तब आपको ये मतलब अचानक ये बात आपके खुलेगी कि उसका ट्रांसलेशन इतना मुश्किल इसलिए है क्योंकि वो एक प्रोसेस की तरफ इशारा करता है, और दूसरी चीज़ वो ये एक चीज़ उजागर करता है कि जब आप अदब के दायरे में रहकर ख्वातीन की तहरीरें उनका मुताला करेंगे तो ये हो सकता है, क्योंकि हमारी तारीख ऐसी है, तारीख सिर्फ हमारी मुल्क या बर सग़ीर की नहीं दुनिया की, कि जो भी मेयार हैं तनखीद के जो कि अभी आपने सुना वो मर्दों के इजाद किए हुए हैं, जो प्रिंसिपल्स हम पढ़ते हैं आज भी पढ़ते हैं इंटरेस्टिंग भी हैं वो, लेकिन बात ये है कि उस सारे जो प्रिंसिपल्स हैं जो हम पढ़ते हैं वो एक तरह से ख्वातीन की तहरीरों से अलग रख के उनको बाहर करके वो प्रिंसिपल्स इन्होंने ईजाद किए हैं। तो अगर हम वही पुराने अदब के प्रिंसिपल्स फॉलो करेंगे, उनको पढ़ के उनका इस्तेमाल करेंगे तहरीर को जज करने में, तो ये बहुत मुमकिन है कि ख्वातीन की ज़्यादातर तहरीर उस दायरे के बाहर चली जाएगी। तो अदब का एक तरह से इनका विमेन राइटिंग इन इंडिया में एक ये था एम, अगर आप उनका जो करने का ये जो भी प्रिंसिपल था कि कहाँ से कौन सी तहरीरें इसमें शामिल की जाएं, एक ये था कि सिर्फ अदब तक हम इसे महदूद नहीं रखेंगे, कि अपना जो देखने का नज़रिया है वो वसी होना चाहिए अगर आप फेमिनिस्ट नक्काद बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको दूसरा नज़रिया इख्तियार करना पड़ेगा जो कि है विमेन राइटिंग। कौन सी चीज़ राइटिंग में आती है, जैसे अभी सुबह फिर ज़ीनत साजिदा का जिक्र आया कि किस तरह की चीज़ें लिखती है ख़वातीन, मजली आपा के सैडल का साइज़ या फिर कोई रेसिपी या खतूत या सफ़रनामे भी लिखें, तो उस तरह के जो नए नए अगर आप जॉनर जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में उसको पहचानने के लिए उसकी वैल्यू जानने के लिए आपको अपना नज़रिया बदलना होगा, और वो नज़रिया एक विमेन राइटिंग इन इंडिया ने पेश किया कि आप इस तरह से इस इन प्रिंसिपल से आप तनकीद कर सकते हैं। तो उस मेरे ख्याल में वो जो उनका एक प्रपोज़ल था वो काफ़ी आज जो 30 साल बाद हम देखते हैं जिस तरह का काम इंग्लिश में हो रहा है फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म का उर्दू के मुताल्लिक, उसमें एक कई नई चीज़ें आई हैं उर्दू में, ख़ुद उर्दू स्टडीज़ एक सब फील्ड हो गया है, काफ़ी लोग उसमें रिसर्च कर रहे हैं इंग्लिश में, लेकिन एक जो है मैंने पिछले 5-6 साल में नोटिस किया है कि कई रिसर्च स्कॉलर्स विमेन मैगजीन्स पे काम कर रहे हैं, और ये अदबी रिसाले नहीं हैं, ये है जैसे पाकीज़ा आंचल या डाइजेस्ट, जो कि हमें शुरू से सिखाया गया है कि ये अदबी मेयार से बिल्कुल गिरी हुई हैं, इनको पढ़ने वाले बिल्कुल जाहिल हैं, और घर की जो ख़वातीन हैं जिनको और कोई मतलब कोई टेस्ट नहीं है, कोई काम नहीं है, खाली एंटरटेनमेंट की है ये। लेकिन उस पर बहुत ही इंटरेस्टिंग दिलचस्प काम हो रहा है, और उसका अब लोग देखिए आर्काइव ढूंढ रहे हैं
क्योंकि इनको ज़रा भी वैल्यू नहीं किया गया, मतलब पाकिजा चल आप रखेंगे भी तो किसी को बताएंगे नहीं कि भाई मेरे पास पिछले 20 साल की महफूज रखी हैं। लेकिन अब सवाल आया है कि हमने जो पब्लिक की बात की, रीडिंग पब्लिक जो एक होती है, जो सिर्फ इकबाल या फैज़ या इस्बत चुगताई को नहीं पढ़ रही, जो 90% आप समझिए जो उर्दू की अभी रीडिंग हो रही है ख़वातीन में, वो शायद डाइजेस्ट और इन मैगजीन्स के थ्रू हो रही है। ये कहानियाँ पढ़ के शायद वो इस्मत चुगताई भी पढ़ें या दूसरे शोरा को पढ़ें, अफसाने पढ़ें, लेकिन बहुत सी रीडिंग पब्लिक, वो हिंदुस्तान में हो पाकिस्तान में हो, ये जो फॉर्मेट है इसमें बहुत से लोगों के इमोशंस भी वाबस्ता हैं और वो बहुत ही टाइम लेती हैं इस तरह की तहरीरों को। तो ये इसकी वजह क्या है, इसका तारीखी पस मंज़र क्या है, ये किस तरह से हम इसका जायज़ा ले सकते हैं, जिनको मर्द हजरात और हमारे कई दूसरे नक़ाद ने भी बिल्कुल नकार के रखा हुआ था। तो पिछले कुछ सालों में कई, ये हिंदी में भी है, उर्दू में भी है, उर्दू के मैगज़ीन्स के में काफ़ी दिलचस्पी बढ़ी है और पाकिस्तान में भी ये रिसर्च हो रही है। तो एक ये मैं देखती हूँ उसमें, जो वुमेन राइटिंग इन इंडिया ने शुरू किया था, ये सवाल जो था कि क्या होती है वुमेन राइटिंग, ख़वातीन की तहरीर, आप किसको गिनेंगे उसमें, उसका एक ये स्ट्रीम मेरे ख़्याल में रिसर्च का निकल के आया है उसमें से। दूसरी चीज़ जल्दी से, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी, मैं कहना चाहूँगी जो मेरे ख़्याल में अपने वक्त की ये मुनफरिद एक एस्पेक्ट था ये वुमेन राइटिंग का, कि इन्होंने कई ज़बानों से तर्जुमा करके इंग्लिश में ये पेश की, अफसाने, डायरीज़, जर्नल एंट्रीज़, जो भी। तो उसमें हुआ ये कि आज अगर हम पढ़ेंगे तो हमें एक रीजन का आइडिया मिलता है कि एक चीज़ जो हमारा सिर्फ मुल्क का पर्सपेक्टिव नहीं या सब कॉन्टिनेंट का पर्सपेक्टिव नहीं, एक बहुत ही लोकल रीजन, जो इलाकाई एक, जिसको आप समझ लीजिए, उसमें उस कल्चर का, उस सकाफत का क्या असर पड़ता है किसी भी तहरीर पर ख़ासकर ख़वातीन की तहरीर पर। तो इससे हमें मदद मिलती है। अब जैसे दक्कन के बारे में हम बात करते हैं, ये इस रूम में जितने भी लोग हैं सबको मालूम है कि चाहे वो तारीख़ का फील्ड हो या अदब का फील्ड हो, दक्कन का जो हिस्सा है वो बहुत कम रहा है हमारी हिस्ट्रीज़ में, हमारे लिटरेचर डिस्कशन में, और ये एक हर फील्ड की एक ये मुसीबत रही है। तो इसीलिए जब इस तरह की, जैसे वुमेन राइटिंग इन इंडिया जब इन्होंने इसको तश्कील दिया, इस प्रोजेक्ट को, उससे एक ये मेरे ख़्याल में हमें सीखने को मिलता है कि किसी भी, आप एक अदबी नज़रिए से किसी तहरीर को देखते हैं या उसकी आप अक्कासी करना चाहते हैं, आप उसके उसके जो ख़ास पहलू हैं वो आप उभारना चाहते हैं, उसका डिस्कशन करना चाहते हैं, उसमें आपको दो तीन और डिसिप्लिन्स की मदद लेनी होगी। आप खाली अगर लिटरेरी क्रिटिसिज्म करेंगे तो आपका जो काम होगा वो बहुत ही अच्छा कर सकते हैं आप काम, बेशक, लेकिन अगर आप असरदार काम करना चाहते हैं, ख़ासकर इस फील्ड में, वुमेन राइटिंग में, तो आपको तारीख की मदद लेनी होगी, आपको एंथ्रोपोलॉजी की मदद लेनी होगी, और लिटरेरी क्रिटिसिज्म तो आपके पास है ही, हो सकता है फ़लसफे में भी जाना पड़े। तो ये एक इंटरडिसिप्लिनरिटी मेरे ख़्याल में, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है ख़वातीन की तहरीर, और एक रीजन जैसे कि दक्कन है जिस पे कोई डिस्कशन ज़्यादा नहीं हुआ है, उस पे अगर हम नई रोशनी डालना चाहते हैं ख़वातीन की तहरीर स्टडी करते हुए, तो इसमें आपको ये मुख्तलिफ फील्ड्स, आपको कुछ ना कुछ जानकारी उसकी होनी होगी। और दक्कन की एक और भी मुसीबत ये है कि अगर आप दक्कन पे काम करना चाहते हैं तो कम अज़ कम आपको तीन ज़बानें आनी ही चाहिए, एक ज़बान से आपका काम नहीं चलेगा। तो इससे भी मुश्किलात आती हैं, कॉम्प्लिकेटेड है वो फील्ड, लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड है इसीलिए चैलेंजिंग है। बहुत शुक्रिया शेफाली।
हम दूसरे राउंड में आपसे फिर बात करना चाहेंगे। शिफाली की गुफ्तगू से दो तीन बहुत अहम पहलू आए। एक तो उन्होंने हम सब की तवज्जो उन रसायल की तरफ ले गई जहाँ जिसे हम पॉपुलर लिटरेचर कहकर नज़रअंदाज करते हैं। ये बात सच है कि अगर उर्दू में तहज़ीब निस्वां, इस्मत, अलनिसा जैसे रिसाले ना होते तो ख्वातीन में तो यकीनन उर्दू का जो फ़रोग है, उर्दू ज़बान का फ़रोग या लिटरेचर का फ़रोग नहीं हो पाता, ये बात सच है। दूसरी तरफ हमें बहुत वाज़े तौर पर ये नज़रिया मिलता है उर्दू में कम अज़ कम दो तरह से। अच्छा, किस में छपती हैं कहानियाँ? ख़ातून मशरिक़, बानो। अच्छा, 20वीं सदी, ओके, ये वो रिसाले हैं। बिल्कुल ये एटीट्यूड है और ये तय कर लिया गया कि किन रिसालों में कहानियाँ छपती हैं तो आपका मैार कितना है, ये बात सच है। लेकिन जैसे हम विमेन राइटिंग की जिस तरफ उन्होंने वो डिफरेंस बताया, ख़वातीन आखिर लिख क्या रही हैं और कैसे लिख रही हैं, कहाँ लिख रही हैं, अगर वाक़ता हमको जानना है तो हमें उन रसालों तक पहुँचना होगा और उनकी सखाफत को हमें वहाँ ढूँढना होगा। ये बेहद अहम बात की तरफ शिफाली ने हमें मुतवज्जे किया, ये बात सच है। अब जब दक्कन पे मैं बाद में आऊँगी, लेकिन मैं इसी हवाले से मोहतरमा प्रोफेसर शहनाज नबी साहबा से एक सवाल ज़रूर करना चाहूँगी कि जब ये दो मयार तय है कि किन रसालों में छपने वाला अदब ही तनखीद का होगा और वाक़ता जो नक़ाद हैं, जो सो कॉल्ड तश्कील शुदा नक़ाद हैं, उनकी नज़रें उसी अदब पर, उसी लिटरेचर पर, उन्हीं तहरीरों पर जाती हैं। कल आपने अपनी इनॉग्रल सेशन में आपका जो कीनोट एड्रेस था, इसमें भी आपने ये तवज्जो दिलाई कि भाई ख़वातीन के अदब पर काम करने के बहुत सारे चैलेंजेस हैं, और आपने कहा और बिल्कुल सच कहा, जिसको शेफाली ने भी आज कहा कि भाई जब काम करना हो तो किस किस फील्ड्स को, किस इंटरडिसिप्लिनरी ये फील्ड है उसको देखने की कितनी ज़रूरत है और क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। तो जैसे कि आपने यकीनन उस नुक्ते की तरफ हमारी तवज्जो दिलाई, पॉइंट ज़रूर बताया है, तो हमें जब अब ख़वातीन के अदब पर जब हमको काम करना है, हमारी नई नस्ल को काम करना हो, तो ये वजाहत करें कि जिस तरह से हम पॉपुलर लिटरेचर की बात कर रहे हैं या ख़वातीन की तरफ में उनके ऑटोबायोग्राफीज़ की बात कर रहे हैं या हम उनके खतूत या डायरीज़ की बात कर रहे हैं, ये इनका कितना इम्पोर्टेंस है और इसके क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, उस पर ज़रा सा रोशनी डालिए इस पहलू से कि जब हम फेमिनिस्ट स्कॉलरशिप की बात करते हैं तो ये कितना इम्पॉर्टेंट है इस जॉनर को देखना और ख़वातीन के इन तहरीरों को पढ़ना, ये कितना ज़रूरी है। आप इस पर ज़रा मुख्तसर सा आप इसका एक अपना उस पर इजहार कीजिएगा। अच्छा भाई, मुझे लग रहा है कि हम एक इम्तिहान गाह में बैठे हैं मुझे सवालात दिए जा रहे हैं और मेरा इम्तिहान लिया जा रहा है। जो बच्चे जी बहुत शुक्रिया, आपके जैसे नर्म दिल टीचर हो तो मुझे ज़रूर डिस्टिंक्शन मिल सकता है आजकल लोग जो है ना अच्छाइयाँ कम देखते हैं, ज़हानत कम देखते हैं कि इसका तो बाज़ार में कोई दाम ही नहीं है, पेच लड़ाओ फिर ठीक है मिल जाएगा जो चाहिए। लेकिन हम आपकी मोहब्बत के कायल हैं, बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने ये बात कही। जैसा कि अभी इससे पहले मैंने कहा कि तानिसी तनकीद मेरे जहन में कोई ऐसा नक्शा नहीं था, कोई प्री प्लान नहीं था, लेकिन मैंने जितना जैसे अब उस किताब की बात जो हो रही है सूजी तारू वाली किताब की, मैंने उसे भी देखा था, पढ़ा था, हमारे यहाँ नेशनल लाइब्रेरी में किसी किताब की कमी नहीं है, तो भरपूर तरीके से पढ़ा, बहुत पढ़ा, तो उसने फेमिनिज़्म के अंदर तक घुसने का मौका दिया। लेकिन मैं फिर भी ये नहीं कहूँगी कि फेमिनिज़्म पे मेरी कोई अथॉरिटी है कि मुझसे सवालात किए जाएँ कि अच्छा आप क्या समझती हैं, अच्छा क्या ये ज़िंदा रहने वाली बहरी के, अच्छा ये कब मरने वाली है, ओ तो इस तरह के जवाब मुश्किल हैं। दूसरी बात यह है कि कोई भी नक़ाद हो वो अपने अंदाज़ में लिखता है, अपनी सोच से लिखता है, जो बात मेरे लिए ज़रूरी होगी, जो सोशल पहलू मेरे लिए ज़रूरी होंगे, हो सकता दूसरों को फिलोसफिकल में दिलचस्पी हो या उनको नफ्सियाती तनकीद ज़्यादा अच्छी लगती हो, मर्द हो या औरत। पहली बात तो मैं ये साफ़ कर देना चाहती हूँ, मैंने कल भी ये कहा कि मैं मर्दों को इसलिए बुरा भला नहीं कहती कि हम अगर तालीम की तरफ उनकी वजह से देर से आए तो देर से आए, लेकिन आए तो हमने जो सीखा उनसे सीखा तो
क्योंकि ये कहा गया है कि दे आर द मास्टर्स, तो यही सोचा गया, सबों ने यही सोचा कि दे आर द मास्टर्स, तो हम उनसे सीखते थे, हमने उनसे सीखा है, अपनी राह हमने अलग निकाली है। अब हम देखिए आप कि एंथोलॉजी जो तैयार की हमारी औरतों की तहरीरों की, मर्दों ने ही तो की है। जो तस्करा लिखे गए औरतों की शायरी को इकट्ठा किसने किया? मर्दों ने तो ही किया। हाँ, तहकीक नहीं की, कि उस ज़माने में तहकीक का रिवाज नहीं था, कि उस ज़माने में तनकीद का लफ्ज़ तक नहीं निकला था, कि तस्करे में हज़ारों गलतियाँ होती थी, लेकिन वो बायोग्राफिकल नोट्स होते थे, आप उनसे तनकीद की तवक्को नहीं कर सकती थी। इन खराबियों के बावजूद जो हमारे पास है सरमाया, उससे हम जान सकते हैं कि महलका बाई चंदा कब पैदा हुई थी। उनके 6 अशार के 12 अशार जो भी मिले, उन 6 और 12 अशार ने हमको उनके दीवान तक पहुंचने का मौका दिया। तो मेरा नज़रिया जो है, मैं नहीं चाहती कि मैं अपना नज़रिया किसी पर ला दूं, लेकिन मुझे सवाल दिया गया है तो मैं उसका जवाब देने की कोशिश कर रही हूं। मैं किसी की बात भी काटना नहीं चाहती और अपनी चीज़ को लादना भी नहीं चाहती, लेकिन मेरा जहन जो कह रहा है मैं उसे आपके सामने पेश करना चाहती हूँ कि मर्दों का के नुमाया कारनामे रहे प्रकाश पंडित और अहमद नदीम कासमी। ये दो थे जिन्होंने सबसे पहले कंपाइल किया अफसानों को। किसी औरत ने तो आगे बढ़ के नहीं किया कि भाई हम कंपाइल करते हैं, चलो औरतों के अफसानों को इकट्ठा करें। औरतों में अगर बहनापा है तो एक तरह से सौतेला बर्ताव भी है एक दूसरे के साथ, कि कैसे उसे हम नीचा दिखाएं, कैसे उसके अफसाने को छुपा दें, कैसे उसकी तहरीर को छपने ना दें। मुझे लगता है आप ये बात मानेंगी, ऐसा नहीं है। हम जितना सरल तरीके से सोच रहे हैं कि फेमिज़म का मतलब है सिस्टरहुड और सब सिस्टरहुड के कायल हैं, सब उसी लाइन पर चल रहे हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा मर्दों में तो औरतों में भी है, और औरतें देर से आई हैं एजुकेशन की तरफ, लेकिन देर से एजुकेशन की तरफ आईं तो देर से लिटरेचर की तरफ आईं, इसमें कोई मुज़ाक़ा नहीं है। हमने जब तानिशी तनकीद लिखी, हमारे सामने कोई पैटर्न नहीं था। हम ये कहना चाहते हैं कि किसी खातून की किसी के अफसाने पे नॉवल पे एक मजमून लिख देना अलग बात है, लेकिन उसका क्रिटिकल एनालिसिस करना इज़ समथिंग डिफरेंट। आपने एक फ्लैट मजमून लिख दिया, इतने कैरेक्टर हैं, कहानी का निचोड़ ये है वगैरह वगैरह, लेकिन आप जब तजज़ियाती मुताला कर रहे हैं, जब क्रिटिकल एनालिसिस कर रहे हैं, तो उसमें बात खुल करके आती है कि ये फेमिनिस्ट राइटिंग है और ये फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म है। ये मेरे कहने का मतलब है, और ये किसी कोई डिक्टेशन नहीं कि हम किसी को डिक्टेट करें वो उस तरह करें। और जहाँ तक बात है कि औरतों को नहीं नहीं इट्स ओके कि औरतों को नक़ाद क्यों नहीं माना गया, क्यों नहीं समझा गया, तो आप खुद पढ़ करके देखें कि औरतें किस हद तक नक़ाद है या नहीं है। हमारे यहाँ जैसा कि हमने कहा कि हमने उज़्मा फरमान की किताब देखी थी, उन्होंने एमफिल और पीएचडी की थीसिस तक को तनकीद तहकीक को तनकीद किया था, तो उन्होंने उसको तहकीक में डाला, वो तनकीद तो है नहीं। तो जब आप नॉवल आप बता रही हैं कि अगर हम डायरीज को लें कि नहीं लें, इन्होंने कहा कि हम उसको लें कि नहीं लें, हमने तो वो चीज़ें भी पढ़ी हैं, तब तो उनको बुरा नहीं कहा था, हम इमेच्योर थे, हमारा शोर बालिदा नहीं था, बालिग नहीं था, बहुत सारी चीज़ें थी भाई। हमने 15 साल 16 साल की उम्र में अगर पढ़ा, 12 साल 14 साल की उम्र में उर्दू सीखने के बाद ही पढ़ा, डाइजेस्ट सबसे ईजी था, जैसा कि आप कह रही हैं, आसानी से अवेलेबल था, हर तरह की बातें होती थी, दुनिया जहान की बातें होती थी। किसी एक टापू के बारे में पढ़ लो, किसी एक जजीरे के बारे में पढ़ लो, दिलचस्प हुआ करते थे, शुरुआत तो हमने उससे की। लेकिन जब हम लिटरेचर की तरफ आए, लिटरेचर की तरफ आते ही चले गए, तो फिर हमारा खास मैदान लिटरेचर हो गया। अब बात रह गई कि उनका स्टैंडर्ड है कि नहीं है, देखना ये होगा कि उसमें अगर स्टैंडर्ड का राइटर लिख रहा था तो वो चीज़ स्टैंडर्ड की थी। इसलिए कि 20वीं सदी को आज जो लोग बुरा कहते हैं वो भूल जाते हैं कि कृष्ण चंद्र उसी में छपा करते थे और वो लिखते थे कृष्ण चंद्र एमए, और हम सोचा करते थे एमए क्या होता है, नाम तो है लेकिन कृष्ण चंद्र एमए, क्योंकि हमने उस वक्त पढ़ा जबकि 20वीं सदी पढ़ने की बात नहीं थी, लेकिन हमने पढ़ा और ये सोचा कि एमए क्यों लिखते हैं नाम के साथ। तो ऐसे में हमारे जो मैगजीन्स हैं जो उनका स्टैंडर्ड हुआ, ये किसने मुतय्यन किया? मर्दों ने ही किया। धीरे धीरे हमने सोचा इसमें तनकीद नहीं, इसमें तहकीक नहीं, सिर्फ अफसाने हैं। या इस तरह के एमा असलम को भी हमने पढ़ा, लोग कहते हैं अच्छी पीली खराब पीली, जैसी पीली शराब पीली, हमने कहना शुरू किया अच्छी पढ़ ली खराब पढ़ ली, जैसी पढ़ ली किताब पढ़ ली। सोते जाते उठते बैठते पढ़ना था, जो हाथ में लगे पढ़ लेते थे। अच्छा है बुरा है खराब है, ये धीरे 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 आपको एनालाइज करना आ जाता है कि हम किन किताबों को अपने साथ रखें,
किन किताबों को छोड़ें, क्या हमने जासूसी दुनिया नहीं पढ़ा, खूब पढ़ा, जासूसी नॉवल नहीं पढ़ा, खूब पढ़ा, हमसे कैरेक्टर्स के नाम पूछ लीजिए, अभी बता देंगे, जो किताबें छुपा दी जाती थी कि इसमें कुछ गंदी बातें हैं, हम उसको ढूंढ ढूंढ के पढ़ते थे, कौन सी गंदी बात है इसमें भाई, जो हम नहीं पढ़ सकते, मंटू नहीं पढ़ेंगे, अच्छा नहीं पढ़ा, अच्छा वो उसको फलां को नहीं पढ़ेंगे, परिंदे बहुत ही ये है कवरदार, अब उसको तो छुपा दिया गया, हमने घर में ढूंढ ढूंढ के निकाला और टेक्स्ट बुक के अंदर रख के पढ़ा, राज खुल गया, हमारी दूसरी बहन जाके खिड़की से झांक के आई कि अम्मी वो किताब के अंदर किताब रख के कुछ पढ़ रही है, लो भला उस तो जितनी मार पड़ी मत पूछो, लेकिन पढ़ना नहीं छोड़ा, जैसी पढ़ ली किताब पढ़ ली वाला मामला था, खूब पढ़ा, लेकिन डायरीज जो हैं उनकी अहमियत है, उसके साथ साथ ये भी है कि डायरी में आप कितना सच लिखते हैं, है ना जी, डायरी में आप कितना सच लिखते हैं, आप सवाने हयात लिखते हैं, सवाने हयात में आप क्या लिखते हैं क्या छुपाते हैं, आई विल नॉट बी ऑनेस्ट टू माई रीडर्स, हम जहाँ तक समझते हैं, बहुत बार हमसे कहा गया कि अपने सवाने लिखो, जिंदगी के इतने मुख्तलिफ शेड्स हैं, ज़रूर लिखो, बड़े बड़े राइटर्स हमारे जो उनका नाम ही हम नहीं बता रहे, उन्होंने कहा कि अपनी सवाने लिखो, लेकिन हमें लगता है कि हम क्या बताएंगे क्या छुपाएंगे, कितना झूठ बोलेंगे, फिक्शन लिख रहे हैं क्या, फिक्शन लिखेंगे तो उसमें झूठ बोलेंगे, लेकिन सवाने हयात लिख रहे हैं तो इसमें झूठ बोलने की गुंजाइश नहीं है, हम समझते हैं, क्योंकि ऐसे ही है जैसे कि हम चर्च में जा कर के फादर के पास खड़े होकर कहें अपने हर जुर्म का इकबाल करें, तो मेरे कहने का ये मतलब है कि हो सकता है दूसरों का जवाब कुछ और हो, लेकिन हम अपनी पूरी ऑनेस्टी के साथ अपनी आपके सामने ये बातें कह रहे हैं कि मेरा जी चाहता है कि हम सवाने लिखें अपनी, हमारे ऊपर जितने जुल्म हुए हैं वो हम बताएं, लेकिन फिर हम सोचते हैं, मेरी ही एक नज़्म का मुसरा हमें याद आता है, हर एक जालिम में है मज़लूम, हर मज़लूम जालिम है, हर एक जालिम में है मज़लूम, हर मज़लूम जालिम है, ज़रूरी तो नहीं है घर का मतलब आप ये ठहरे, चलो रोने की खातिर एक जगह तकदीर ने तय की, कहा करती थी अक्सर तुम, अपनी माँ के नाम हमने ये नज़्म लिखी थी कि कहा करती थी अक्सर तुम कि रातें नींद लाने के लिए होती नहीं हरगिज़, कि दिन का रमज़ ख्वाबों के उधरने में है पोशीदा, गुजरते जाते हैं मौसम कोई आहट नहीं होती, कोई एक सांस ऐसी हो कि जो कहलाए आसुदा, मैं इसको फील कर सकती हूँ, कंसेप्चुलाइज करती हूँ कि मेरी माँ कहती तो नहीं थी, खामोश रहती थी, लेकिन शायद उसके दिल में ये बातें होती होंगी, तो इस तरह हम तसव्वुर से काम लेकर के बहुत सी बातें खल्क कर लेते हैं, बहुत से वाक़यात खल्क कर लेते हैं, क्योंकि लिटरेचर का मतलब जो है ना 2 और 2 4 नहीं होता, जहाँ तक मैं समझती हूँ, मैं फील करती हूँ, इसलिए हम अपनी अफसाना तराजी कायम रखते हैं, चाहे ड्रामा हो, चाहे अफसाना हो, चाहे नावल हो, चाहे डायरी हो, चाहे जो भी हो, लेकिन हम समझते हैं जो भी लिखा गया है औरतों की तरफ से या मर्दों की तरफ से वो सब अहम है, हमें तो सिर्फ पढ़ने की ज़रूरत है और ये फैसला करने की ज़रूरत है कि इस रवायत को आगे बढ़ने दिया जाए या इसको यहीं रोक दिया जाए, है ना, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर शहनाज नबी साहबा को एक नक़ाद की हैसियत से तो सुन ही रहे थे, लेकिन एक तबर्रुकन चंद मिसरे भी हमको सुनने को मिल गए, बहुत बहुत शुक्रिया। बात करते हैं, जब हम इस टॉपिक पर गौर करते हैं, ख्वातीन की तहरीरें, तहकीक व तनकीद, तो इससे दूसरा पहलू भी निकल आता है, ये निकल आता है विमेन एज रिसर्चर महक्किक। तो जैसे कि अभी शेफाली ने दक्कन की बात की कि दक्कन को दक्कन की जो ख्वातीन लिखी हैं, जितना कुछ लिखा है उनको समझने की, उनको जानने की ज़रूरत है, तो यकीनन मैं दूसरे पहलू से भी ये बात करना चाहूँगी, जब दक्कन की बात आती है और दक्कन की जो महक्किक या नक्कात ख्वातीन रही हैं और जिसका आपने कहा कि कहीं ज़िक्र नहीं मिलता, ये बिल्कुल हकीकत है। मैंने अपने एक सेमिनार के लिए मैंने ख़ुद पर्चा लिखा हैदराबाद की खातून महक्किकीन, और उस सिलसिले में मैंने 2 यूनिवर्सिटीज़ को मैंने ज़ाहिर बनाया कि देखा कि वहाँ क्या, किस तरह की तहकीक हो रही है, कैसे मकाले लिखे जा रहे हैं, और ख़ुद हैदराबाद की जो ख़वातीन हैं जो बहुत नामवर रही हैं, वो जहाँ बानो नकवी से लेकर आज तक देखें तो एक लंबी फहरिस्त मिलती है। और मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि 1926 में, यानी 1924 में यहाँ विमेंस कॉलेज शुरू होता है कुलिया अनास के नाम से, जहाँ बीए शुरू होता है, और 1927 में बीए कामयाब, जिसे उसमें जहाँ बानो नकवी और लतीफ़ुन्निसा और एक खातून थी, तीनों ने मिलकर वली पर बेहतरीन तहकीकी और तनकीदी मकाले लिखे, और उनके नाम के आगे बीए लिखा है,
एक बीए की, वहाँ से तहकीक का सिलसिला चलता है ख़वातीन का और बहुत आगे तक आता है। यकीनन इतनी बड़ी नामवर शख्सियात ख़वातीन की रहीं। मैं ख़ास तौर पर उस तरफ तवज्जो दिलाना चाहूँगी कि जब मैं वो रिसर्च कर रही थी उस पेपर के लिए, तो मुझे ये इंतहाई हैरत का सामना करना पड़ा कि जो यहाँ की प्रोफेसर सैयदा जाफ़र, उनसे पहले प्रोफेसर समीना शौकत या प्रोफेसर हबीब ज़िया, ये वो नाम हैं जिन्होंने दक्कन की पूरी तारीख और तहजीब पर 100 साल 100 बरस से ज़ायद के वक्त को उन्होंने काउंटर किया, उस पर उन्होंने तहकीक की। तो उस बताइएगा कि जो दक्कन का इलाका था उर्दू का, जिसे हम गहवारा कहते हैं, इस पर इसमें उर्दू का इतना काम हो रहा था, इतने शायर, इतने तारीख़गो, इतने तारीख नवीस और ऐसे ऐसे लोग थे, उन तमाम पर तहकीक करके इतनी बेहतरीन, और कोई और दूसरों ने इस तरह से, यानी पूरे एक अहद को रिक्रिएट करना, बाजियाफ्त करना, उसको रीराइट करना, ये काम ख्वातीन ने किया, ये एक बड़ा कारनामा रहा। उसके बाद मुझे बहुत ताज्जुब हुआ प्रेजेंट डेज में भी, बाद में भी, जब मैंने फहरिस्त देखी जो एमफिल और पीएचडी के मकालात लिखे जाते हैं, ख़ासतौर पर दकनियात के हवाले से मैं कहना चाहूँगी, दगनियात पर काम करने वाले, नो इसमें शक नहीं कि डॉक्टर ज़ोर और शमसुल्ला खादरी वगैरह, ये वो मोतबर नाम हैं जो पहले इस पर तवज्जो दिए, लेकिन बाद के दौर में जो जो इस काम को, इस सख्तगीर काम को आगे लेकर चलती हैं, उनमें ख्वातीन के नाम बेहद अहम है। एक शख्सियत यहाँ पर अवधेश रानी बाजी की यहाँ पर मौजूद है, जो उस कारनामे को अंजाम देती आई हैं, और इसके अलावा ये सिलसिला प्रोफेसर और दूसरे प्रोफेसरान तक भी चलता रहा। तो बहसियत महक़िक के दूसरी तरफ मैं बताना चाहूँगी, प्रोफेसर रफ़िया सुल्ताना की तनकीद पर वो किताब पहली है जो ख्वातीन की बाकायदा तनकीदी नज़रियात पर आती है। बहस मिलती है हमको क्रिटिसिज्म पर प्रोफेसर रफ़िया सुल्ताना, जो पहली डीन थी उस्मानिया यूनिवर्सिटी की, खातून डीन, उनको वो भी होने का शर्फ हासिल रहा। तो इस तरह से तनकीद की भी किताबें लिखी गई, प्रोफेसर सैयद जाफ़र की कई किताबें हमको मिलती हैं तनकीद पर भी। तो गोया तहकीक व तनकीद के हवाले से भी दक्कन में ख़वातीन का बहुत बड़ा काम है, जिस पर मैंने 2 पेपर लिखे हैं, दकनियात के हवाले से भी और खातून मुहक़्क़िक़ीन के हवाले से भी, ये मेरी किताबों में मौजूद हैं। इसी हवाले से, जैसे कि हमारा एक आम सा तस्वुर है कि तख्लीक तो ख्वातीन कर लेती हैं, तहकीक का काम नहीं करते, लेकिन मेरे पास तो सबूत मौजूद है जिसका मैं अभी बता रही थी। तो इसी सिलसिले से मैं प्रोफेसर सरवत खान से जानना चाहूँगी कि आप चूँकि उस्ताद रही हैं और ये जानती हैं कि जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में जो तहकीकी काम होते हैं, उसमें ख्वातीन क्या काम कर रही हैं, या ख्वातीन की तहकीकी किताबें किस तरह से मंजर आम पर आ रही हैं, कुछ उसकी एक झलक आप बता दें तो बेहतर होगा। देखिए, अपनी बात जो अभी तक गुफ्तगू हुई, तो ये तहकीक, तनकीद, तख्लीक, यानी तख्लीक, तहकीक, तनकीद, तीनों का अमल साथ चलता है। चाहे आप नक्काद बने, चाहे आप अफसाना निगार बने, चाहे आप कोई और सिंफ में लिखें, चाहे कुछ भी करें, बात होती है तीनों की, और तीनों के लिए ज़रूरी है जस्तुजुए आरजू, जस्तुजू और आरजू, और पेहम लगातार। जिस तरह के कलीदी खुतबे में ये कहा गया कि एक स्कॉलर आए और हमारी जिलानी बानो साहिबा के शोहर उनको मिले, चलिए कोई तो मजबूरी होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, लेकिन आप में कितनी जस्तजू थी, आप कितने प्यासे थे, कुएं के पास जाकर वापस प्यासे आ गए, और फिर दोबारा प्यास नहीं लगी आपको। रिसर्च मैथडोलॉजी का सबसे अहम और ज़रूरी जो पॉइंट है वो ये है कि सबसे ज़्यादा सब्र तलबी और सबसे ज़्यादा जस्तजू जिसमें है, उसे ही तहकीक के मैदान में आना चाहिए। पहली शर्त यही है। तो जब जस्तजू नहीं, आरजू नहीं, तो दूसरे पे इल्ज़ाम रख देना बहुत आसान है, ये बहुत गलत बात है। हमारे जो रिसर्च मेथडोलॉजी का पहला है, सब्र तलबी से जस्तजू जगाइए, ज़ौक़ और शौक़ पैदा कीजिए, इल्म बढ़ाइए, उसके बाद आलिम के पास जाइए, तब आपको कुछ मिलेगा। आज अगर मुझसे ये कहा जाता है, फला जगह से फ़ोन आते हैं, वहाँ से आते हैं रिसर्च स्कॉलर्स के, और मुझसे ये कहा जाता है कि आप अपनी सवानी खाका या अपनी कुछ सवाल आते हैं, मैम आप उसके जवाब लिख के दे दीजिए,
क्या कर रहे हैं, मैम आप पे पीएचडी कर रहे हैं या हम आपके मुतालिक कुछ लिख रहे हैं तो आप हमें ये दे दीजिए, भाई ये किताब है आप उसमें पढ़ लीजिए, हमने तो लिख दी अपनी खुद नविश्त, हमने तो लिख दी सरवत की कहानी मेरी जबानी, अब आप लिखिए, हमें तो किशोर नाई साहिबा ने मना भी किया, दिन भर हम साथ रहे उदयपुर आए, उन्होंने मना किया, मैंने कहा क्या करूँ, मुझसे ये कहा गया कमर रही साहब ने कि अपनी लिखो, जुमा जुमा आठ दिन हुए मैं क्या लिखूँ, तो उन्होंने कहा कि नहीं जो आप बेबाक हैं जो अब तक के तजर्बे हैं वो लिखिए, अब उम्र तो मेरी अच्छी खासी थी, अदब में मैं बाद में आई, तजर्बे भी मेरे पास बहुत थे, जब मैंने लिखना शुरू किया और जब आई तो मेरे साथ क्या क्या हुआ, मैंने उनसे कहा किशोर नाई साहिबा से, मैंने कहा आपा मैं कि लिख दूँ मैं ये सब सारा जो कुछ भी मैं ऐसा फ्लर्ट हुए सब लिख दूँ, तो उन्होंने कहा सरवत मार डालेंगे ये सारे मर्द तुम्हें जीने नहीं देंगे, मैंने कहा यही तो मैं चाहती हूँ कि मुझे जीना नहीं दे, मैं जी के बताऊँगी, क्योंकि फिर उन्होंने दूसरी बात कही कि तुम जो है ये लिख तो दोगी लेकिन क्यों लिख क्यों रही हो, चाह क्या रही हो, मैंने कहा मेरे आने वाले बच्चों के लिए लिख रही हूँ कि ये हर कदम जो है वो चैलेंज का है, हर कदम फूक फूक के कदम रखना, दूध का जला छाछ को पीता है इस तरह जो भी है वो, तो उन्होंने कहा कि भैया तुम्हारा जिगरा है तो तुम लिख दो, मैं नहीं कह रही, ये वो कह रही है जो बुरी औरत जिसने लिखी है वो ये कह रही है, मैंने लिख दिया जो कुछ था, मेरे शोहर से कहा मुझे लिखना है, उन्होंने कहा लिख दो, मैंने लिख दिया, ऐसे हालात बहुत कम होते हैं ऐसे लाइफ पार्टनर, उन्होंने कहा लिख दो, मैंने लिख दिया, और जब लिखा तो लोग हॉस्पिटल पहुंच गए, इख्तलाज हो गया और ऐसे ऐसे लोग जिन जिन के मुतालिक लिखा था हॉस्पिटल पहुंच गए, और पहुंच गए तो पहुंच गए, मेरा क्या कर लिया, पता चल गया कि हाँ ये इस तरह के लोग हैं, ऐसा मैदान है, बगुले भगत बने फिरते हैं, आदर्शवादिता जो है दिखाते हैं अपनी तहरीरों में, और ख़ुद जो हैं वो इस तरह के हैं, तो इस तरह के हैं तो मैं तो मेरे बच्चों को नहीं होने दूँ, आने वाली नस्लों को, मैं तो लिखूँगी कि भैया ऐसे ऐसे कदम पे कदम कदम पे इस तरह के मामला थे, हरगिज़ जो है बच बचा के निकलो और अपना तरीक़ा निकालो अपना, बहरहाल ये एक तरीक़ा था, लेकिन जहाँ तक हम आज लिख क्या, तनकीद किस तरह की हो रही है, तनकीद पर बात हो रही थी कि तनकीद तख्लीक और तहकीक, तहकीक की बात की आमना साहिबा ने, तो आपसे अर्ज़ करूँ कि देखिए जब तक आपका पसीना आपको नहीं आएगा तब तक आप काम नहीं कर सकें, सही काम अपने ख़ुद के साथ धोखा करेंगे आप, जितने भी रिसर्च फेलो हैं सब अपने साथ धोखा कर रहे हैं, कॉलेज की पढ़ाई जो है ये पढ़ाई का एक हिस्सा है, इसमें सादे कागज़ को टेढ़ी मेढ़ी लाइनों से रंग के डिग्री ले लेना मकसद नहीं है, यहाँ आपकी पहली सीढ़ी है कि आप राइटर कैसे बनेंगे, आप दानिश्वराना सोच को अपनी कहाँ तक ले जाएंगे, आपका तनकीदी शऊर कितना बालीदा होगा, कितना नमू पाएगा, ये वो दरसगाह है, ये वो कदम है, इस कदम पे अगर आप इधर उधर से या कहीं किसी तरह से अपना इंतज़ाम करके और उस 300-400 सफ़े को भर के और अगर आप दे देते हैं तो ये ख़ुद आप अपने साथ धोखा कर रहे हैं। तलफ़ुज़ का बड़ा मसला आजकल पैदा हो गया है, ज़बान का मसला, जुमले बच्चों को नहीं आते, वो नहीं लिख पाते हैं पूरे पूरे जुमले, ज़बान इमला की गलतियां बहुत करने लगे हैं, ये तमाम मसले किस वजह से हैं, इस वजह से हैं कि हम जो स्कूल कॉलेज में पढ़ा है उसको हम पूरी तरह से, हमें तो हमारे वालदेन ने पहुँचा दिया, हम ये जिसे कहते हैं कि लिटरेट, हम जो है साक्षर बन गए, लिखना हमें लैंग्वेज आ गई, अब लिटरेचर पढ़िए, लैंग्वेज सीख चुके हैं, लिटरेचर पढ़िए तो आप एक किताब पढ़ेंगे तो आपके अंदर एक जो है वो मोती लगेगा, दूसरी पढ़ेंगे तो पता चलेगा हम इतने जाहिल थे ये हमने पढ़ा, 10 किताबें पढ़ेंगे तो एक किताब याद रहेगी, सिर्फ एक किताब याद रहेगी, तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है, सोचना बहुत ज़रूरी है, रिसर्च के लिए पसीना बहाना बहुत ज़रूरी है, ख़ुद जो है अगर तख्लीक़कार या कोई किताबें नहीं मिलती हैं तो उसको खोजिए, मैं तो कहती हूँ कि आलम अदब पर
जब तक के नज़र ना होगी ज़बानों को, जो पूरी ज़बानों का हिंदुस्तान ही इतना बड़ा लंबा चौड़ा तोलो अरीज में फैला हुआ है कि इसमें इतनी लैंग्वेजेस हैं कि अगर आप बंगाली का नहीं पढ़ेंगे, राजस्थानी को नहीं पढ़ेंगे, आप गुजराती को नहीं पढ़ेंगे, आप दक्कनी को नहीं पढ़ेंगे, तो आप कैसे उस तख्लीक से के साथ इंसाफ कर सकते हैं, रिसर्च के साथ इंसाफ कर सकते हैं? कंटेम्प्रेरी अगर अदब नहीं पढ़ेंगे और कंटेम्प्रेरी अदब के मुतालिक अगर आप लिख रहे हैं या किसी पर आमना तहसीन पर या आप किसी और पर PhD कर रहे हैं या रकिया मशदी भी कर रहे हैं, आप बहुत सीनियर राइटर हैं, उनकी उनकी अप्रोच जो है, उनकी सोच जो है, सोच के वहाँ पहुँचना है आपको, उसके लिए आपको वो तमाम चीज़ों का पता लगाना पड़ेगा। बुल्ला मिकी जाना में जो जिक्र आया था कल, मैंने भी किया था, उसकी थिंकिंग कहाँ है, उसका लेवल कहाँ है, उस लेवल तक जाना पड़ेगा तब आप इंसाफ कर सकें। अफसानों की लेवल कहाँ है, उस लेवल तक आपको जाना पड़ेगा। ये नहीं कि तहरीर कुछ कह रही है, इक्तबास कौन सा आपने वहाँ रख दिया और उसको मान लिया कि खाना पूर्ति की ये हो गया मकाला। मकाला क्या है, मज़मून क्या है, इसमें फ़र्क करना होगा। सेमिनार जो हैं वो हमारी तरबियत गाह हैं, यहाँ पर 3 नस्लों के लोग रहते हैं जो हमें तरबियत करते हैं कि मकाला किस तरह का होता है, मज़मून किस तरह का होता है। ये जो हमारे बड़े हैं, ये जो पढ़ रहे हैं, इसमें भी नज़रियात का टकराव होता है, इसमें भी बहस करने की गुंजाइश है। ऐसी बहसें कीजिए यहाँ आके, कब करेंगे, जब ये मालूम होगा कि सही मानों में मकाला किसे कहते हैं और सही मानों में मज़मून किसे कहते हैं, सही मानों में रिसर्च पेपर किसे कहते हैं, तनकीद किसे कहते हैं, तहकीक के क्या उसूल हैं, क्या फ़न है। ये नहीं कि हम अगर मसनवी पे, किसी मसनवी पे बात कर रहे हैं या खुद नविश्त पे बात कर रहे हैं तो हम उसके फ़न और उसकी तारीख को बयान कर दें। हमें वहाँ से कहाँ से मज़मून और कहाँ से हमारे मौजू के लिहाज से उठाना है, हमें रिसर्च का जो मौजू है उस मौजू से बिल्कुल भी हरारवी नहीं होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें जो है बहुत ज़रूरी हैं, ये अभी से हमारी तरबियत अपने आप करना होगी। और हमारे जो यहाँ असातिज़ा बैठे हैं जो PhD करवा रहे हैं, उनसे भी मैं ये कहूँगी कि वो भी पढ़ें। आजकल पढ़ने का तसव्वुर कम हो गया है, बहुत कम हो गया है। पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बहुत। जैसे मैम ने बताया अभी कि भैया हमारा तो ये था कि अच्छा बुरा कैसा, वो अपने आप मालूम हो जाता है कि कौन सा मैयारी है, कौन सा मैयारी नहीं है, कौन सा अदब है, कौन सा अदब नहीं है, किसको किस ज़ुमरे में शामिल करते हैं। अब हमारे साथ ये और हो गया है कि जब हम एनालिसिस करते हैं, जब हम क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं, तो अगर किसी कहानी को हम ले रहे हैं, सपोज़ आज के जो हमारे मंजरनामा है, उस मंजरनामे में हिजाब का बड़ा जिक्र है, हैं हिजाब का बड़ा जिक्र है, तलाक का बड़ा जिक्र है, लिबास का बड़ा जिक्र है, पर्दे का बड़ा जिक्र है, और ये तमाम चीज़ें, यानी ज़्यादातर जो है मुस्लिम माशरे पर ये एक चोट या एक ज़र्बकारी वाले मामले घर कर गए हैं। हम अगर किसी का तजिया करते हैं तो हमें कल्चर और मज़हब दोनों को समझना होगा। कल्चर और मज़हब को जहाँ गड़मट कर देंगे वहीं परेशानी पैदा हो जाएगी। तो ये समझ लिया गया है हमारी तहरीरों से, या हमारे जो भी हमारी तनकीदें हैं, या हमारी तहकीक हैं, या हमारा जो भी हमारा इल्म है, उस इल्म को हम जब 4 लोगों में बात करते हैं तो ये समझ लिया गया है कि बिंदी लगाने वाले या इस तरह के वो तो मुस्लिम लगाते ही नहीं हैं, या ये तो सर ये ऐसा ढकने वाले तो ये मुस्लिम, ये तो कट्टर हैं, ये तो अला हैं, ये तो फला हैं। तो हमें जब तक उसका इल्म नहीं होगा, हम उसका जवाब कैसे दे सकेंगे? तो अपने आप को दरख्वास्त है कि अपनी बात मुकम्मल, अपने आप का मुताला वसी कीजिए। मैं भी करती हूँ, 24 घंटे में 3 या 4 घंटे बहुत होते हैं सोने के लिए, बाकी और काम करके 12-13 घंटे पढ़ाई कीजिए और एक्टिविस्ट बनिए, सोशल एक्टिविस्ट बनिए, तभी आप जो है अपनी जगह पहुंच सकेंगे, कोई समत रफ्तार पकड़ सकेंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। पिछले तकरीबन 1 घंटे से जो गुफ्तगू हो रही है, यकीनन उसमें एक बात बहुत वाज़े तौर पर आई है, जो नई नस्ल तक जो पैगाम को हम पहुँचाना चाहते हैं, जो दोनों मेरे बाजू जो बैठे हैं शुरुका, उनसे यही बात आई कि लिटरेचर की तनकीद हो, कंटेंट एनालिसिस हो, जो भी हो, उसको पढ़ने की कितनी ज़रूरत है। और इसी के बतन से, इसी की कोक से एक बात जो बहुत वाज़े तौर पर सामने आई है, वो है पर्सपेक्टिव्स की।
कि पढ़ने के लिए क्या पर्सपेक्टिव होना चाहिए, इसको समझने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो जब हम पर्सपेक्टिव्स की बात करते हैं तो आज जो कंटेम्प्रेरी रिसर्च या क्रिटिसिज्म है इसमें एक बहुत वाज़े पर्सपेक्टिव पे हम बात करने लगे हैं जब हम फेमिनिज्म पे बात करते हैं। तो मैं अब शेफाली की तरफ चल रही हूँ। एक बहुत वाज़े हमें एक ख़ास पर्सपेक्टिव जो मिलता है या एक जाविया जो हमारे सामने आ रहा है वो है जेंडर लेंस का। और ये जेंडर लेंस जो है वो खा वो सोशियो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट हो या कोई और कंटेंट हो जो मीडिया के थ्रू आ रहा है या लिटरेचर के थ्रू आ रहा है, किसी भी के भी थ्रू आ रहा है, जब हम उसको रिसर्च करते हैं या उसको एनालाइज करते हैं तो एक ख़ास लेंस की हम बात करने लगे हैं, जेंडर लेंस की। वो इसलिए भी ज़रूरी हमें लगता है कि जब हम डेवलपमेंट को देखते हैं, एम्पावरमेंट को देखते हैं, नेशन बिल्डिंग को देखते हैं या किसी भी हम डिसिप्लिन को देखें तो हम ये बात करने लगे हैं कि वो उसको देखने के लिए, उसको रिसर्च करने के लिए, उसको समझने के लिए, एनालाइज करने के लिए हमें जेंडर लेंस की ज़रूरत है। उसके इम्पोर्टेंस पर पिछले 30-40 वर्षों से बहुत बात होने लगी है। तो शेफाली झा से मैं ये जानना चाहूँगी कि जो आज रिसर्च का जो कॉन्टेक्स्ट है, क्रिटिसिज्म का जो कॉन्टेक्स्ट है, उसमें जेंडर किस तरह का रोल प्ले कर रहा है। इससे पहले क्या आप बात करें, ये आखिरी सवाल है हमारे राउंड का, इसके बाद हम इसको ओपन करेंगे, तो अपने सवाल तैयार रखिएगा। आपने जब अभी अपना सवाल ख़त्म किया तो शायद आपने आह सुनी होगी हमारी ऑडियंस से, तो चाय का माहौल बन रहा है मेरे ख्याल में। तो आपका सवाल बहुत वसी है, तो हम डिटेल बात होती रहेगी, लेकिन दो चीज़ें मैं कहना चाहूँगी। एक तो जो आप कह रही थी अभी पढ़ो बहुत ज़रूरी है ये, मैं बीटेक के बच्चों को पढ़ाती हूँ, मेरी बदकिस्मती है। लेकिन मुझे ये अंदाज़ा हो रहा है कि अब हमें ऐसे फ्यूचर की तैयारी करनी पड़ेगी जहाँ बच्चे नहीं पढ़ेंगे। तो इन हालात में फिर अब जैसे आप YouTube ले लीजिए या Instagram ले लीजिए, उनका हम कैसे इस्तेमाल करें इस तरह के डिस्कशंस करने के लिए। तो हो सकता है जो ना पढ़ें वो सुने ज़्यादा, अभी ऑडियो बुक्स और उसका भी ज़माना आ रहा है, तो हो सकता है टेक्नोलॉजी जैसे इतनी तेज़ी से बदल रही है तो हमें शायद अपने, अभी भी मेरा दावा है कि आधे से ज़्यादा बच्चे अभी अपने फ़ोन को देख रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि क्या आया है अपडेट फेसबुक पे, या फेसबुक तो खैर हमारी जनरेशन का हो गया, अब इंस्टाग्राम पे क्या अपडेट आया है। तो ऐसे मतलब हमें भी अपनी टीचिंग स्ट्रैटेजीज थोड़ा उसके बारे में अलग से हमें कॉन्फ्रेंस करनी होगी शायद। लेकिन जहाँ तक आपका सवाल है, मैं अपने काम का हवाला दूंगी। जैसे मेरा जो अभी फील्ड है जिससे मैं उर्दू तक आई हूँ, शायरी में मुझे हमेशा से इंटरेस्ट था, लेकिन लिखने पढ़ने और उर्दू अदब की तारीख़ या तनकीद में मुझे कोई ऐसे ख़ास मेरा मुताला नहीं था, मुझे ट्रेनिंग नहीं थी। लेकिन एंथ्रोपोलॉजी मेरा फील्ड है, मैं हैदराबाद में रिसर्च करना चाहती थी, तो इस इरादे से और आपको शायद ये जान के ताज्जुब भी हो कि अगर आप किसी अमेरिकन यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो वहाँ पे लैंग्वेज ट्रेनिंग को बहुत तवज्जो दी जाती है, कि अगर आप उर्दू सीखना चाहते हैं तो बाकायदा आप 4-5 साल कोर्स करके ठीक से अच्छे से उर्दू सीख सकते हैं। मतलब आप अल्फ़ाबेट से ले कर फिर नज़ीर अहमद तक, या आप मर्सिया पढ़ना चाहें, वो पूरा आपको एक फैसिलिटी है वहाँ पे, अरेंजमेंट्स हैं। तो उसका मैंने फ़ायदा उठाया और वहाँ से मेरी उर्दू अदब में दिलचस्पी, जो भी थोड़ी बहुत मैंने रिसर्च की है, वहाँ से आया है। तो मेरा जो अपना काम है वो मुझे हैदराबाद की तारीख, ख़ासकर जो लेट 19th मिड 20th सेंचुरी समझिए आप, हैदराबाद स्टेट उस वक्त का माशरा, क्योंकि उसकी तारीख के ऊपर आपको कई मकाले मिलेंगे, बहुत रिसर्च हुई है, इंग्लिश में भी काफ़ी किताबें हैं। सोशल हिस्ट्री जिसे हम कहते हैं वो आपको सिर्फ अदब से मिलेगी, या फिर उस वक्त के जो रिसाले थे या पॉपुलर मैगजीन्स थी जो हमें अभी ढूंढनी है उससे आपको कुछ आइडिया होगा।
तो उस हिसाब से उस ज़माने के जो अदीब थे उनको मैंने पढ़ना शुरू किया, और ख़ासकर मेरी दिलचस्पी इस वक्त अज़ीज़ अहमद साहब के काम में है। तो बिल्कुल आग शबनम, तो उनके जितने भी आप उनके अफसाने ले लीजिए, नावल ले लीजिए, लेकिन एक ये है कि उनका जो काम है उसमें जेंडर लेंस जो आप कह रही हैं उसमें से जो आप अगर आप उसकी तहकीक करेंगे तो उसमें बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको मिलेंगी, क्योंकि अज़ीज़ अहमद साहब जेंडर के बारे में बहुत लिखते हैं और उनकी दिलचस्पी भी है मर्द और ख़वातीन के रिश्ते किस तरह के होते हैं, दोस्ती से ले के शादीशुदा ज़िंदगी, अलग अलग मुख्तलिफ तरीके के माशरों में किस तरह से इन रिश्तों का फ़र्क पड़ता है। तो एक जो हमने फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म की बात की उसका आपने भी ज़िक्र किया कि वो सिर्फ ये नहीं है कि हम ख़वातीन की तहरीरों पे तवज्जो करें, वो तो है ही, लेकिन हमारा काम ये भी है कि जो मेयारी अदब है उसको हम अपने लेंस से उसकी तनकीद करें कि हम ये बता पाएँ कि इसमें, क्योंकि ये बात तो सब पे ज़ाहिर है, कोई इससे इनकार नहीं करेगा, ख़वातीन के बिना अदब नामुमकिन है। अगर ख़वातीन नहीं होती तो आपको दुनिया में कहीं भी कोई अदब नहीं होता, बेअदब होते, बिल्कुल बेअदब होते। तो अब फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म का हमारा काम ये है कि इन्होंने किस तरह से जेंडर रिलेशनशिप्स, सिर्फ ये नहीं कि ख़वातीन को किस तरह से उन्होंने दिखाया है, लेकिन मर्द और ख़वातीन के रिश्ते, उसके थ्रू माशरे की तनखीद अक्कासी किस तरह से की है। जैसे अज़ीज़ अहमद की ऐसी बुलंदी ऐसी पस्ती सैटायर है हैदराबाद के उस वक्त के माशरे पे, और बहुत जो उन्होंने बहुत, अगर आपने पढ़ी होगी शायद, तो उस तनखीद की जो शार्पनेस जिसे हम कहते हैं, जिस एक पैना जो पैनी जो उनकी नज़र है, वो पूरी आप उसका जो वेट है वो बिल्कुल जेंडर रिलेशनशिप्स पे ही रखा है उस नॉवल में। उन्होंने उस माशरे की अक्कासी की है जेंडर रिलेशंस के थ्रू। तो उस तरह की चीज़ जब हम उस तरह का अदब पढ़ते हैं या फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म के नज़रिए से उस जेंडर लेंस से देखते हैं उस तरह के उस वक्त के अदब को, उस वक्त के अदीब को, तो हमें मेरे ख़्याल में उस माशरे के बारे में भी नई चीज़ें पता चलती हैं। तो हमारा जो फेमिनिस्ट क्रिटिक, मेरे ख़्याल में पहले भी यही बात कह रही थी इंटरडिसिप्लिनरिटी की, कि आपकी ट्रेनिंग है लिटरेचर में, अदब में, लेकिन आप वो ट्रेनिंग, ख़ासकर फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म, वो आप दूसरे फील्ड्स, दूसरे डिसिप्लिनस में भी इस्तेमाल कर नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल करना चाहिए आपको, क्योंकि वो हर फील्ड में आपका साथ देगी, आपको नई चीज़ें उससे मालूम होंगी अगर आप फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म, फेमिनिस्ट नज़रिए से दूसरे फील्ड्स को भी देखेंगे। बहुत शुक्रिया शिफाली जी। मैं आपको शिफाली की बात को मैं थोड़ी देर कुछ चंद जुमलों में कंटिन्यू करते हुए मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं मेरी अपनी एक किताब 2019 में आई है, समाज और सिनफी तसव्वुरात अदब के आईने में। मैंने यही कोशिश की कि जो लिटरेचर है उसको एक ख़ास जेंडर लेंस से देखा जाए और उस जेंडर लेंस के थ्रू मुख्तलिफ तहरीरों को का जायज़ा लिया जाए। और इसमें एक बहुत वाज़े तौर पर मैंने ये बात कही कि अदब जो है वो सिर्फ लिटरेचर या ज़बान तक ही महदूद नहीं है, इसका ताल्लुक समाज से, इक्तसादिया से, इकोनॉमिक से, सोशियोलॉजी से, एंथ्रोपोलॉजी से किस तरह से है, वो उसी को मैंने पेश करने की कोशिश की। बहरकैफ एक ज़िमनी बात थी ये, अभी यहाँ पर जो कुछ गुफ्तगू हुई है इस हवाले से अगर कोई और सवाल करना चाहें तो ओपन किया जाता है सेशन, और सवाल बिल्कुल मुख्तसर हो और जी 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 एक मिनट, और सवाल मुख्तसर भी हो, और ये बता दें कि किससे आप सवाल करना चाहती हैं, ये बात है। जुल्म और मज़लूम का मामला है, इसके बारे में
इतना कहना चाहूँगी जी 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 कि बचपन से अपनी माँ से सुनती आई हूँ कि जुल्म करना जुर्म है तो जुल्म सहना है गुनाह, जिंदगी तकरार है शमशीर का शमशीर से जी। तो हम क्यों दूसरों की राह देखें कि फलाना हमारे बारे में नहीं लिखता। हम अब पढ़ लिख गए हैं, 90s के बाद प्रैग्मेटिज्म की एक ऐसी तहरीक आई थी जिसने सोशो कल्चरल तमाम एलिमेंट्स को मुतासिर किया था, और पोस्ट मॉडर्निज्म के बाद तो दरीदा और गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक ने सारी राहें खोल दी। तो हमें अपने तौर पे सोचने की ज़रूरत है और हमें अपने तौर पर लाए अमल बनाने की ज़रूरत है। बहुत बहुत सही, बहुत सही। किस हाँ बिल्कुल जी लीजिएगा माइक उस तरफ दीजिए जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं अरशद हमराज डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू से रिसर्च स्कॉलर हूँ। कोई भी जवाब दे सकते, मेरा सवाल ये है कि सबसे पहले तो नक्काद कोई भी हो वो उसे गैर जानिबदार होना चाहिए, लेकिन गैर जानिबदार होते नहीं हैं, ये बात खा वो औरत हो या खातून हो या मर्द हो, गैर जानिबदार नहीं होते हैं। लेकिन सिरे से इस बात का इनकार नहीं किया जा सकता कि जो मर्द नाकिदीन हैं उन्होंने औरतों पे लिखा नहीं है, ख्वातीन जो तख्लीककार हैं लिखा गया है, लेकिन ये चीज़ मानी जा सकती है कि जितना लिखना चाहिए उतना नहीं लिखा गया, लेकिन लिखा गया है। जितने भी बड़े जो है कि ख्वातीन नावल निगार हैं, आप चाहे कुर्रतुल ऐन हैदर हों, इसमें चुगताई हों, जीलानी, बानो, तरन्नुम रियाज, बेशुमार ऐसे नाम हैं, उस पर लिखा गया है। बल्कि यहाँ तक कहा गया कुर्रतुल ऐन हैदर का जो आग का दरिया, उससे बड़ा नावल उर्दू अदब में लिखा नहीं गया आज तक, मानते हैं। और बड़े नक्कादों ने, फारूकी जो बड़ा नक्काद कहे जाते हैं, उन्होंने कहा कि इससे बड़ा नावल नहीं लिखा गया है। मेरा सवाल ये है, और एक चीज़ अभी जो सरवत खान, मैं खुद बहुत अदब के साथ और माजरत के साथ कहना चाहूँगा, बड़े नावल निगार हैं और बहुत अच्छी राइटर हैं, बहुत इज्जत के साथ, कि अतीकुल्ला साहब का भी जिक्र आया था उस दरमियान, आपने एक लफ्ज़ का इस्तेमाल किया, दोगला, ये कैसी दोगली चीज़ है। मुझे नहीं लगता कि इस तरीके का एक अदबी मुबाहिसा है, यहाँ पे लोग हैं, इस तरीके के अल्फाज का बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, मतलब निहायती माजरत के साथ नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, बिल्कुल मुबाहिसा होना चाहिए, लेकिन इस तरीके का मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करता, मुझे लगता कि नहीं करना चाहिए ऐसी बातें। मेरा सवाल ये है कि क्या अदब को तकसीम करना या तख़सीस अदब की करना कहाँ तक ये दुरुस्त है, कि ये खातून अदब है और ये मर्दाना अदब है, इस तरीके की तकसीम, और इसके कहाँ तक मुस्बत असरात मुरतब होंगे। जब भी मैं कहीं ऐसे प्रोग्राम में जाता हूँ जहाँ पे ख्वातीन नावल निगार वगैरह, जो जहाँ पे बतौर ख़ास फेमिनिज्म की बात की जाती है, ज़्यादातर वही इसका निचोड़ निकल के ये आता है कि मर्द ने हम पर नहीं लिखा, मर्द ने ऐसा किया, मर्द ने वैसा किया, इसे मुँह तोड़ जवाब देना चाहिए ऐसा। क्या इससे मुस्बत असरात मुरतब होंगे या मनफी असरात मुरतब होंगे हमारी जो नई नस्ल है उसके लिए? मुझे लगता है कि इससे मनफी असरात मुरतब होंगे, बल्कि हमें पैगाम ये देना चाहिए कि मर्दों ने हमारे लिए अगर इतना नहीं लिखा है तो ख़वातीन को खुद ख़वातीन के लिए लिखना चाहिए, और मर्दों के लिए खुद इन्हें लिखना चाहिए, सबके लिए इन्हें लिखना चाहिए, और ओपन है, सब लिख सकते हैं, लेकिन नहीं लिखा जा रहा, आखिर ऐसा क्यों है? बहुत बहुत शुक्रिया। ये आप कौन देंगे जवाब? जी, बहुत खुशी हुई। चाहते हैं कि इस तरह के नज़रियात आएँ, बातें आएँ, बात से बात निकलती है। अतीकुल्ला साहब के ज़िम्न में जो लफ्ज़ का इस्तेमाल हुआ वो पर्टिकुलर उनके लिए नहीं था, वो मेरे भी बहुत, और उससे कबल में अर्ज़ कर चुकी थी कि उन्होंने ही सबसे पहले किताब सेमिनार करवाया ख़वातीन पे, और उस पर तजिया उस किताब में मौजूद हैं, वहीं से इब्तिदा हुई है। तो ये अमूमन इस तरह की जहाँ कहीं भी किताब, जब किताब आ जाती है, जब तक किताब आपके पास है वो आपकी है, जब किताब शाया हो गई तो वो सबकी है, और सबकी है तो उसको जो है देखना पड़ता है कि उसमें क्या है, कितना है, कैसा है। वहाँ हम बात कर सकते हैं कि ये रवैये सही नहीं है, रवैयों पे बात थी वो, पहली बात। दूसरी बात जो अर्ज़ करना थी वो आपने कही कि मर्दों ने मर्दों को लानतान एक तरीक़े से, और ये कहा जाता है कि देखिए कल से जो बात हो रही है, इब्तिदा में ही ये बात हो चुकी है कि मर्द हजरात ने ही सबसे पहले तानिसियत पे बात की, ख़वातीन पे बात की, चाहे वो हाली हों चाहे वो
कोई भी हो, है ना, आज तक, चाहे वो वारिस अलवी हों, शम्स-उर-रहमान फ़ारूक़ी हों, कमर रईस हों, चाहे वो और कोई नक्काद हों, गोपी चंद नारंग हो, गोपी चंद नारंग ने भी बहुत काम किया, उन्होंने भी साहित्य अकादमी में इंटरनेशनल सेमिनार ख़वातीन का किया, और सारे जितने भी अफसाना निगार, नावल निगार, नावलों पे बहुत काम हुआ साहित्य अकादमी में, वो भी उन्हीं के ज़माने में हुआ, और किताबें मुरतब हुई, और बाकायदा मुश्ताक सदफ़ ने उसको मुरतब किया, तो ये काम वो भी मर्द हैं, वो भी हैं। अब रहा सवाल ये, इससे किसी को इनकार नहीं है। बात जब मैंने इब्तिदा में आपसे अर्ज़ किया तो उसमें यही था कि हम इसको तस्लीम करते हैं, लेकिन जहाँ कहीं भी हमें खला नज़र आती है, जहाँ कहीं भी हमें कमी नज़र आती है, तो हमें खुद पूरा कर लेना चाहिए। हम क्यों हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें, ये हमारी अपनी कमज़ोरी है। तो इस तरह से रहा बात तख़सीस की कि किस तरह से आप जो हैं वो मर्द का हिस्सा, औरत का हिस्सा, गैर मुस्लिम का हिस्सा या मुस्लिम कलमकारों का हिस्सा। सबसे पहले तो मैं अर्ज़ कर दूं कि आप भी इस बात का ध्यान रखें, हमने भी रखा और आइंदा भी है कि अदब अदब है, उसमें कहीं कोई तख़सीस नहीं है। रहा सवाल ये कि किसका कितना कंट्रीब्यूशन है, जब कंट्रीब्यूशन है तो उसको निशानदही उसकी करना अदब की तख़सीस नहीं है, बल्कि उसको जो है उस नज़रिए से देखने की बात है। अभी मैम ने कहा कि जो विमेन स्टडी है या क्रिटिसिज्म है, उसको विमेन्स का जो अदब है, ख़वातीन जो अदब लिखती हैं, उसको उस पर तनकीद करना, उसको पढ़ना मखसूस एक नज़रिया है। उस नज़रिए के तहत हम अगर उसको नहीं पढ़ेंगे, और वही जो उसूल जो दूसरे हमारे तहरीरें हैं उनकी बिना पर हम उसको परखेंगे, तो वो मामला जो है वो कहीं ना कहीं इंसाफ नहीं कर सकेगा, है ना। तो ये जो मामले हैं कि अगर अभी जब हमने 15 दिन पहले उर्दू अदब में गैर मुस्लिम हजरात की खिदमात पे बात की, तो उसमें भी शीनकाफ निज़ाम साहब ने सबसे पहले यही कहा कि मैं तो आया, उनको सदारत दी और हाँ, तो उन्होंने ये कहा कि मुझे तो गैर बना दिया गया और ये बता दिया गया कि तुम्हारा तो इतना हिस्सा है। मैंने फिर उनको इख्तितामी इजलास में भी सदर बनाया तो उन्होंने कहा, बीबी बहुत, मैं अपने पहले कहे हुए सारे अल्फाज वापस लेता हूँ, हमें मालूम है कि इंसाफ बहुत नहीं हुआ है हमारी तहरीरों से, और तहरीरें यह अदब का हिस्सा है, अदब का हिस्सा है ये लिखने वाला, जितना भी अदब है गैर मुस्लिम हजरात के साथ लिखा गया है, इस पर बात होना चाहिए थी, और मकालात आए, बातें बनी, आगे और इस पे काम होना चाहिए। तो जहाँ हमारी कमी रह गई है, हमें मुहासिबा तो करना पड़ेगा ना कि हमारे यहाँ कहाँ कहाँ कमियाँ रही हैं, तो उसके लिए हमें थोड़ी सी खानों में तो उसको डिवाइड करके देखना होगा ना। अगर हम ख़वातीन की तहरीरों पे आज बात कर रहे हैं, दो दिन से मैम ने रखा और ये हमारी संस्था जो है ये अगर बात कर रही है, तो कोई तो वजह है, कहीं तो कमी है, ये भी तो एक कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ा इजाफा होगा इन चीज़ों से, तो ये भी तो एक इजाफा, तो वो जब इस तरह से, ये मुझे लगता है कि अब आपके जहन में शायद तीनों चारों बातों का मैं जवाब दे चुकी हूँ। बहुत शुक्रिया, यकीनन हमारे तलबा को मुस्बित जवाब मिला होगा। जी एक सवाल हम ले लेते हैं, चूँकि चाय बाहर आए बहुत देर हो गई, तो हम एक सवाल और ले लेते हैं। मैम शेफाली मैम से मेरा एक अच्छा सवाल। शेफाली हाँ। से शेफाली मैम ने दौरान गुफ्तगू ये बताया था कि दक्कनी तारीख पर उतना काम नहीं हुआ है जितना होना चाहिए, तो आप किस नज़रिए से इसको देखते हैं, जबकि दक्कन में तारीख़ फरिश्ता लिखा गया, उसके अलावा जब और कदीम ज़माने में जाते हैं तो मोहम्मद बिन तुगलक जब यहाँ आए थे तो उनके साथ जो एक पूरा काफ़िला आया था, ख्वाजा बंदा नवाज़ गेसुदराज, उसके बाद मसनवियाँ, ख़वातीन ने भी लिखा, बहुत ज़्यादा काम हुआ, तो आपने उस ये लिखा था कि बहुत ही कम काम हुआ है दक्कन में, तो इसके हवाले से थोड़ी सी वजाहत चाहता हूँ कि उर्दू अदब के हवाले से दक्कन में नसीरुद्दीन हाशमी ने लिखा है दक्कन में उर्दू, उसके अलावा सैयदा जाफ़र ने लिखा, मतलब दक्कन में उर्दू के हवाले से पहली यूनिवर्सिटी भी अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी मानी जाए तो वो भी यहीं, दारुल तर्जमा भी यहीं, जामिया उस्मानिया का भी क़याम उर्दू, तो इसके तलब हाँ, तो ये जानना जी। मैं समझती हूँ कि
बस वक्त होता है कि सुनने में थोड़ा सा हमारे कुछ हो जाता है। इन्होंने कहा कि दक्कन की जो तारीख है वो इससे बाहर ज़्यादा नहीं लिखी गई, इसका हिस्सा वहाँ जहाँ मुकम्मल तारीख की बात होती है ना, तो आपने इस कॉन्टेक्स्ट में कहा था कि दक्कन में जितना काम हुआ है इसकी तारीख ज़्यादा नहीं लिखी गई, ये कहना चाहती थी ये। तो आपने जिन चीज़ों का जिक्र किया उससे हम सब वाकिफ़ हैं, लेकिन अगर आप पूरी इंडियन हिस्ट्री के ऊपर जो काम हुआ है, या आप उर्दू स्टडीज़ में ही ले लीजिए, उर्दू में ही जितना काम हुआ है उर्दू की तारीख पे, उसमें आप दक्कन का हिस्सा देखिए, ये बोल रहा है, उससे आप कंपैरिजन करेंगे। तो अब एक एक सवाल, हाजी जी आप। माइक दे दीजिए बेटा, दक्कन की तारीख में दो मिनट बता दो, जमीन इधर दीजिए, बहुत अच्छी तरह लिखा है। जी जी जी, able to recall the name, but it is to our to all of you, and especially to the scholar on the left hand side of Amina Appa. Ji, madam, isme koi do raaye nahi hai ki mard hazrat khawatin ke development ke liye kaam kiye hain, lekin bunyadi sawal ye hai ki kya ye hazrat apne intentions mein altruistic the, मतलब क्या ये सही में ख्वातीन को उभारना चाह रहे थे या अपने खुदगर्जी के लिए ख्वातीन को उभारना चाह रहे थे? इब्तिदा में जो लिखे हो। सेकंड, इसका एक एग्जांपल देके मैं ख़त्म करूँगा। जैसे मैं तेलुगु और कन्नड़ जुबानों में जो ख्वातीन के रिसाले निकले थे, तो समाजी इस्लाहकार हमेशा जो मर्द वो हमेशा कहते थे कि खातून को बदलना है, लेकिन जब ख्वातीन लिखती थी वो कहती थी कि बदलना हमें नहीं है, बदलना समाज को है, बदलना पिदराना निजाम को है। यस। थर्ड पॉइंट, अगर वीमेन एजुकेशन की बात अगर हम लें तो कमसिन शादियां होती थी, कोई 30 साल का होता था 4 साल की बच्ची को शादी करता था, तो उनका घरेलू ज़िंदगी में मेंटल मैच नहीं करता था, तो ये सब लोग बोलने लगे कि नहीं हमें अनपढ़ बीवी की ज़रूरत नहीं है, हमें पढ़ी लिखी बीवी और सवानी बीवी हमें चाहिए। सेकंड पॉइंट, और घरेलू ज़िंदगी में इतने टेंशन्स होते थे कि एक साहब ने कहा कि संसार सागरम दुखम, डिवोशन ऑफ फैमिली लाइफ इज ओफुल। तो इससे बचने के लिए, मतलब अपने आप के लिए वो ख्वातीन को उबारते थे। हाँ, थोड़ा बहुत कंसर्न था, हम ये नहीं कह सकते थे कि एकदम वो कंजर्वेटिव्स थे, वो थे पेट्रियार्क्स थे, थोड़ा लिबरल थे, और वो पिंजरे को थोड़ा सा चौड़ा करना चाहते थे बस। थैंक यू मैडम जी, एक दो जुमलों में बता दीजिएगा। जी जी, असल में आपकी जो गुफ्तगू जो सवालात हैं, जो इतने भी पॉइंट हैं, उसको सिर्फ अच्छा, एक मुख्तसर उसमें बात करूंगी कि हमारे खालिक ने इंसान पैदा किया, इंसान को हम दो रूप में देखते हैं, औरत और मर्द, और इसी से घर है, समाज है, दुनिया है, कायनात है, इन दोनों को शाना बशाना चलना है, एक दूसरे को समझना है, और हर शोबे में, ज़िंदगी के हर शोबे में, और इस दुनिया में अमन अमान और मोहब्बत और राहत से रहना है, सुकून से रहना है। यही पूरे अदब का भी पैगाम है, और यही तनकीद का भी पैगाम है, यही सबका पैगाम है, और इसमें शायद आप समझ गए होंगे। शुक्रिया। यकीनन बहुत सारे सवाल होंगे, लेकिन वक्त इजाज़त नहीं दे रहा है, तो चलते हैं ये चाय की तरफ। इस सेशन के अख्तिताम का मैं ऐलान करती हूँ।